दैट इज साइन पाई टी अपॉन पाई टी, ठीक है। टी इक्वल्स टू 0 का हमें पता है ये वैल्यू कितनी है इसकी 1, ठीक है। अब ये जो पॉइंट्स हैं जहां जहां पर इसकी वैल्यू क्या हो रही है 0 हो रही है, इस फंक्शन की वैल्यू जहां जहां पर 0 हो रही है इन पॉइंट्स को हम कहते हैं 0 क्रॉसिंग पॉइंट्स। जहां जहां पर इस फंक्शन की वैल्यू क्या हो रही है 0 हो रही है, तो अगर हम 0 क्रॉसिंग पॉइंट्स फाइंड करना चाहें तो देखिए 0 क्रॉसिंग पॉइंट्स अगर आप देखना चाहते हैं 0 क्रॉसिंग पॉइंट्स, तो हमारा जो फंक्शन है sinc ऑफ टी दैट इज साइन पाई टी अपॉन पाई टी, हम चाहते हैं कि ये फंक्शन क्या हो जाए 0 हो जाए, ठीक है। तो ये चीज 0 कब हो सकती है जब ये साइन का जो फंक्शन है ये जो न्यूमरेटर हमारा, जब न्यूमरेटर हमारा 0 होगा तब तक ये चीज हमारी क्या होगी 0 होगी। और दूसरी कंडीशन जब हमारा डिनोमिनेटर हमारा इंफिनिटी होगा तब ये चीज 0 होगी। तो हम देख सकते हैं कि sinc ऑफ, अगर हम यहां से रिजल्ट चाहते तो लिख सकते थे देयरफॉर sinc ऑफ प्लस और माइनस इनफिनिटी इज इक्वल टू 0। टी की जगह पर हम प्लस माइनस इनफिनिटी करेंगे तो वैल्यू क्या होगी 0, जैसे हमने लिखा sinc ऑफ 0 इक्वल टू 1। टी की जगह पर 0 करेंगे तो वैल्यू होगी 1, वैसे ही प्लस माइनस इनफिनिटी करेंगे तो वैल्यू 0। अब हम और देखना चाहते हैं कि और ऐसे कौन से पॉइंट्स हो सकते हैं टाइम के, ऐसी कौन सी वैल्यू हो सकती है जिन वैल्यूज के लिए हमारा न्यूमरेटर 0 हो जाए। जहां जहां पर न्यूमरेटर 0 हो जाएगा वहां पर हमारा फंक्शन 0 हो जाएगा। तो आप जानते हैं sin n pi इज इक्वल टू 0, जहां पर ये sin pi t, जहां पर ये sin pi t किसके बराबर बन जाए sin n pi के बराबर बन जाए, तो वहां पर इसकी वैल्यू क्या होती है 0। pi का कोई भी इंटीजर मल्टीपल sin के टर्म्स में वैल्यू निकल आती है 0। इसका मतलब जब ये हमारा इंटीजर मल्टीपल होगा कोई भी 1 2 3 4 5 या तो पॉजिटिव या नेगेटिव कुछ भी नहीं, तो इस कंडीशन में sin pi t हमारा किस फॉर्म का फंक्शन बन जाएगा sin n pi का फंक्शन बन जाएगा, उसकी वैल्यू क्या होगी 0 होगी। तो देयरफॉर 0 क्रॉसिंग पॉइंट्स के लिए t इक्वल टू आपको क्या वैल्यू मिलेगी, t इक्वल टू प्लस माइनस n, वेयर n इक्वल टू एनी इंटीजर, कैसा इंटीजर 1 2 3 4 5 में कुछ भी वैल्यू है प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3, ये सभी का वैल्यू क्या होगी 0 होगी। लेकिन n की वैल्यू क्या नहीं होनी चाहिए 0, 0 पर भी वैल्यू नहीं है क्योंकि 0 पर वैल्यू रिजल्ट हम देख चुके हैं कि t इक्वल टू 0 पर फंक्शन की वैल्यू कितनी है 1। तो अब हम जो क्रॉसिंग पॉइंट्स लिख सकते हैं ये जो 0 क्रॉसिंग पॉइंट्स है यहां क्या होगी t की वैल्यू 1 2 3 4 ऐसे ही, ये जो 0 क्रॉसिंग पॉइंट्स है इनकी वैल्यू -1 -2 -3 -4 इस टाइप के आपको ये पॉइंट्स मिलेंगे, ठीक है। चलिए अब इसमें फिर से अगर हम देखें कि इस फंक्शन को अगर आप शेप वाइज देखें तो कैसा फंक्शन निकलता है, अगर आप उस पर टाइम रिवर्सल लेंगे तो क्या फर्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। मतलब ये फंक्शन कैसा है, इवन फंक्शन। आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि अगर sinc ऑफ t क्या है sin pi t upon pi t, ठीक है, तो अगर आप इसमें t को माइनस t से रिप्लेस करें तो sinc ऑफ माइनस t क्या होगा sin ऑफ माइनस pi t, मतलब t की जगह आपने माइनस को किया तो माइनस pi t upon माइनस pi t। और आप जानते हैं sin माइनस थीटा माइनस sin थीटा, तो वैल्यू क्या मिलेगी माइनस sin pi t upon माइनस pi t, माइनस और माइनस sin कैंसिल होकर आपको वैल्यू क्या मिल जाएगी sin pi t upon pi t। तो हम क्या देख रहे हैं sinc ऑफ माइनस t और sinc ऑफ t क्या है सेम, तो देयरफॉर क्या कह सकते हैं, देयरफॉर sinc ऑफ t इज एन इवन फंक्शन। ये sinc हमारा कैसा है, इवन फंक्शन, ठीक है। तो sinc के लिए आपको क्या क्या चीजें याद रखनी है, इसके लिए 0 क्रॉसिंग पॉइंट्स क्या होते हैं, जहां पर t की वैल्यू इंटीजर पे भी वैल्यू आ जाए मतलब t इक्वल टू प्लस माइनस sin पर हमारा ये फंक्शन 0 होगा, ठीक है। इसके लिए t इक्वल टू 0 पर वैल्यू 1 है, t इक्वल टू प्लस माइनस इनफिनिटी पर वैल्यू 0 है। इसके साथ दो चीजें और याद रखनी है जहां से डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं कि एरिया ऑफ sinc ऑफ t कैसे निकालेंगे आप, इंटीग्रेशन फ्रॉम माइनस इनफिनिटी टू इनफिनिटी sinc ऑफ t dt दैट इज sin pi t upon pi t dt, जब आप करते हैं तो ये एरिया की वैल्यू मिलती है 1, ठीक है। जो डायरेक्ट इस पर आपको रिजल्ट्स पर आपके क्वेश्चन आते हैं तो बिल्कुल याद रखिएगा कि sinc फंक्शन के अंदर का जो टोटल एरिया होता है उसकी वैल्यू कितनी होती है 1। एंड एनर्जी ऑफ, अभी हम ये चीज एनर्जी पढ़ी नहीं हमने लेकिन रिजल्ट हम लिख कर रख सकते हैं कि एनर्जी ऑफ sinc ऑफ t, आप कैसे कैलकुलेट करते हैं माइनस इनफिनिटी टू इनफिनिटी जिस फंक्शन की एनर्जी निकालनी है उसका स्क्वायर लिखते हैं आप sinc स्क्वायर ऑफ t, sinc स्क्वायर ऑफ t dt। अगर आप ये एनर्जी की कैलकुलेट करेंगे तो आपको एनर्जी की वैल्यू मिलेगी 1। तो अब sinc फंक्शन के केस में जो आपको चीजें याद रखनी है दैट इज सबसे पहली चीज sinc फंक्शन होता क्या है, तो sinc ऑफ t इज इक्वल टू sin pi t upon pi t, sinc ऑफ 0 इज इक्वल टू 1, sinc ऑफ प्लस और माइनस इनफिनिटी इज इक्वल टू 0, 0 क्रॉसिंग पॉइंट्स, 0 क्रॉसिंग पॉइंट्स क्या है हमारे t इक्वल टू प्लस माइनस n, जहां पर n इक्वल टू 1 2 3 4 ये ऐसे इंटीजर वैल्यूज, मतलब t इक्वल टू प्लस 1 प्लस 2 प्लस 3 माइनस 1 माइनस 2 माइनस 3, ये सभी क्या होंगे इसके लिए 0 क्रॉसिंग पॉइंट्स होंगे। एरिया ऑफ sinc ऑफ t इज इक्वल टू 1, एनर्जी ऑफ sinc ऑफ t इज इक्वल टू 1। और आप पढ़ चुके हैं जब हम ऑपरेशन सॉल्व कर रहे थे कि अगर एनर्जी एरिया आपको पता है और अगर x ऑफ t का आपको पता है तो x ऑफ अल्फा t का एरिया, मतलब अगर आप टाइम में स्केल कर देते हैं तो जितने टाइम से आप स्केल करेंगे एरिया उतने टाइम से क्या होगा वैल्यू रिड्यूस हो जाती है। मतलब अगर sinc ऑफ t का एरिया 1 है तो कुछ sinc ऑफ 4 t का एरिया कितना होगा, तो वैल्यू होगी 1/4, जब sinc ऑफ t / 4 का एरिया क्या होगा तो 1/1/4, ठीक है। तो ये चीजें आप याद रखेंगे। तो इसी से रिलेटेड दूसरा सिग्नल देखेंगे, जैसे हमने इसको डिफाइन किया sinc फंक्शन वैसे हम अपना सिग्नल डिफाइन करते हैं सैंपलिंग फंक्शन, तो उसको देखते हैं। तो अभी हमने डिफाइन किया sinc फंक्शन, अब बिल्कुल उसी से मिलता जुलता हमारा दूसरा फंक्शन है जिसको हम नाम देते हैं सैंपलिंग फंक्शन। तो सैंपलिंग फंक्शन और sinc फंक्शन ये दूसरे के स्पेशल के साथ समझ सकते हैं, सैंपलिंग फंक्शन डिफाइन करते हैं सैंपलिंग ऑफ t इज इक्वल टू sin t upon t, अगर कोई इस फॉर्म का फंक्शन है तो इसको हम नाम देते हैं सैंपलिंग फंक्शन। फिर से अगर जो चीजें आपने sinc के केस में देखा तो वहां पर क्या था sinc फंक्शन में sin pi t upon pi t था, यहां पर क्या सैंपलिंग ऑफ t इज sin t upon t, सैंपलिंग ऑफ at अगर लेते तो यहां पर क्या करेंगे at upon at इस टाइप से आप इसको समझ सकते हैं, ठीक है। अब जो चीजें आपने sinc फंक्शन के केस में देखी थी बिल्कुल वही चीजें आप सैंपलिंग फंक्शन के केस में देखें, जैसे अगर हमें देखना है लिमिट t tends to 0 sampling of t की क्या वैल्यू होगी, दैट इज इक्वल टू लिमिट t tends to 0 sin t upon t। तो देखिए अगर आप t tends to 0 पर कर दिया तो वैल्यू 0 / 0 के फॉर्म में आ जाएगी, वैसे जनरल लिमिट की चीज आपको पता होनी चाहिए कि sin t upon t लिमिट t tends to 0 वैल्यू कितनी होगी 1। कैसे आएगी, कैसे अलग प्रेस यूज करेंगे, अगर आप यहां पर तो इट इज इक्वल टू लिमिट t tends to 0 d/dt ऑफ sin t upon d/dt ऑफ t, तो ये वैल्यू sin t का डिफरेंशिएशन दैट इज लिमिट t tends to 0 cos t upon t का डिफरेंशिएशन 1। और जब यहां पर आप t = 0 पुट करेंगे तो cos of 0 = 1, तो देयरफॉर हमें यहां से वैल्यू मिलेगी लिमिट t tends to 0 sampling of t दैट इज इक्वल्स टू, इसको हम लिख सकते हैं sampling of 0, इसकी वैल्यू कितनी है 1 है। तो जैसे sinc of t की वैल्यू t tends to 0 पर 1 की, वैसे ही यहां पर भी है, यहां पर भी अगर आप लिमिट t tends to प्लस और माइनस इनफिनिटी दोनों की कैसे कर सकते हैं sampling of t की वैल्यू देखें, मतलब लिमिट t tends to infinity sin t upon t, फिर से अगर आप इसकी वैल्यू देखेंगे तो sin t की वैल्यू t tends to infinity पर माइनस 1 वैल्यू दिखेगी, लेकिन अगर आप t tends to infinity पर करेंगे डिनोमिनेटर अगर इनफिनिटी है तो फंक्शन क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, ठीक है। अब इसके साथ फिर से अगर आप इसका शेप भी देखें तो शेप वाइज ये फंक्शन बिल्कुल ऐसा ही दिखेगा आपको जैसा हमने sinc फंक्शन बनाया था, ठीक है। ये भी हमारा एक डिटेल मतलब एटेन्यूएटिंग साइनसॉइड आपको मिलेगा,
बिल्कुल सही शेप है इसका भी, जैसा वहां सही के केस में था शेप। अब इसमें फिर से आपको ये 0.6 पॉइंट देखें, ये तो हमने देख लिया कि t = 0 पर वैल्यू कितनी है इसकी, सैंपलिंग ऑफ t फंक्शन हमने लिया विद रिस्पेक्ट टू t, तो t टेंस टू t = 0 पर, t = 0 का पॉइंट यहां वैल्यू 1। हमें ये अदर 0.6 पॉइंट देखने हैं कि यहां ये वैल्यू जहां 0 नहीं है, अगर ये वैल्यू हम चेक करना चाहते हैं कि ये वैल्यू कैसी होगी। ठीक है, फिर से यहां पर भी आप देख सकते हैं ये जो फंक्शन हमारा होगा sin t / t, अगर आप t टेंस टू मतलब अगर आप इसको रिप्लेस कर दें t को -t से, ये फंक्शन भी कैसा दिखेगा आपको, इवन फंक्शन। अगर आपने यहां सैंपलिंग ऑफ -t लिया तो sin ऑफ -t / -t, sin -t - sin थीटा, तो ये -sin t / -t आ जाएगा, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो आपको sin t / t मिल जाएगा। मतलब ये सैंपलिंग फंक्शन भी कैसा फंक्शन है, इवन फंक्शन है। ठीक है, अब ये 0.6 पॉइंट्स अगर आप देख रहे हैं तो 0.6 पॉइंट्स के लिए 0 क्रॉसिंग पॉइंट्स, फिर से क्या होना चाहिए, ये जो हमारा फंक्शन है जहां पर sin t / t t की तीन वैल्यूज के लिए वैल्यू 0 हो जाएगी, तो जहां पर हमारा ये न्यूमरेटर 0 हो जाए वहां पर ये फंक्शन की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। तो अगर हमें sin t की वैल्यू क्या चाहिए, 0 चाहिए, और आप जानते हैं कि sin t कहां पर 0 होता है, sin ऑफ n pi = 0, मतलब t की वैल्यू किसके बराबर होनी चाहिए, n pi के बराबर होनी चाहिए। देयरफॉर t = ±10 pi, वेयर n इज एनी इंटीजर, मतलब अगर आप वैल्यू देखें यहां पर n = क्या है, एनी इंटीजर एक्सेप्ट 0, अदर देन 0 आप कोई भी इंटीजर अगर लेंगे 1 2 3 4, तो चाहे sin 1 pi देखें, 2 pi देखें, 3 pi देखें, सारी वैल्यूज क्या होती है, sin के लिए 0 होती है, मतलब साइड में भी। तो अब यहां पर 0 क्रॉसिंग पॉइंट्स हैं ये pi, 2 pi, 3 pi, 4 pi, वहां से क्या वैल्यूज 1 2 3 4, यहां पर वैल्यूज क्या है 1 pi, 2 pi, 3 pi एंड सो ऑन, ऐसे ही इधर वैल्यूज -5 -2 pi -3 pi एंड सो ऑन। ठीक है, 0.6 पॉइंट्स हो गए। अब इसके बाद हमें ये भी देख लिया कि जो फंक्शन हमारा फंक्शन कैसा है, इवन फंक्शन। ठीक है, तो अब अगर हम इंफिनिटी के लिए वैल्यू देखें 0 है, अगर हम रिलेशन देखें सैंपलिंग फंक्शन और सैंपलिंग फंक्शन का, यहां से कैसे आप ये चीजें लिख सकते हैं कि सैंपलिंग ऑफ t = sin t / t, जो चीजें आपको याद रखनी है, सैंपलिंग ऑफ 0 इज 1, सैंपलिंग ऑफ प्लस माइनस इंफिनिटी इज 0, सैंपलिंग ऑफ माइनस t इज सैंपलिंग ऑफ t, मींस सैंपलिंग फंक्शन इज इवन फंक्शन, और 0 क्रॉसिंग पॉइंट्स होंगे, ये पॉइंट्स क्या होंगे, t = plus minus n pi, where n = 1, 2, 3 and so on. ठीक है, तो सैंपलिंग फंक्शन के केस में ये चीजें आप ध्यान रखेंगे। अब अगर हम अभी हमने जो फंक्शन डिफाइन किए हैं, दोनों फंक्शन में बहुत सिमिलरिटीज हैं, तो अगर हम रिलेशन देखना चाहें, रिलेशन बिटवीन sinc ऑफ t एंड सैंपलिंग ऑफ t, सैंपलिंग फंक्शन और sinc फंक्शन के बीच का अगर हम रिलेशन देखना चाहते हैं, ठीक है, तो आपने लिखा अभी सैंपलिंग ऑफ t = sin t / t, और आपने लिखा कि sinc ऑफ t = sin pi t / pi t। तो अगर हम इन दोनों को कंपेयर करें तो हम क्या कह सकते हैं, sinc ऑफ t हम ऐसा लिख सकते हैं, sinc of t is equal to sampling of pi t, ऐसा लिख सकते हैं कि आप अगर आप sampling of pi t लिखते तो sampling of t अगर sin t / t है तो sin की sampling of pi t क्या होगा, sin pi t / pi t होता, मतलब हम कह सकते हैं कि sinc of t किसके बराबर है, sampling of pi t के बराबर है, या आप ये भी कह सकते हैं कि sampling of t is equal to sinc of t / pi, ऐसा लिख सकते हैं हम अगर हम sampling of t लिखना चाहते हैं। अगर हमने sinc में t की जगह t / pi से रिप्लेस कर दिया t को, तो यहां क्या हो जाएगा, sin of pi into t / pi, तो ऊपर क्या आ जाएगा sin t, ऐसे ही / pi into t / pi के नीचे क्या आ जाएगा sinc t, तो हम कह सकते हैं कि sampling of t = sinc of t / pi, ऐसा कह सकते हैं। तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, ये रिलेशन अगर आपको पता है, ठीक है, अब आपको पता है कि जो एरिया है, एरिया ऑफ sinc of t = 1, तो अगर आपको एरिया फाइंड करना है एरिया ऑफ सैंपलिंग फंक्शन, तो हम जानते हैं सैंपलिंग ऑफ t को भी हमने कैसे रिप्रेजेंट किया, sampling of t is what, sinc of, इसका मतलब है कि हमें जो एरिया चाहिए वो किसका एरिया है, एरिया ऑफ sinc ऑफ t / pi का एरिया, ठीक है, क्योंकि सैंपलिंग ऑफ t किसके बराबर है, sinc of t / pi के बराबर है। और अगर आपको पता है कि एरिया ऑफ sinc फंक्शन का एरिया हमने डिफाइन किया था क्या वैल्यू दी हमें 1, तो अगर sinc फंक्शन का एरिया 1 है, यहां पे हमने स्केलिंग कर दी, कितने से स्केलिंग कर रहे हैं, 1 / pi से मल्टीप्लाई किया हमने, इसलिए इसका एरिया क्या हो जाएगा, पहले एरिया था मतलब 1, और उसमें हमें कितने से डिवाइड करना पड़ेगा, जो हमने फैक्टर t में मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है, कितना मल्टीप्लाई किया हमने 1 / pi, तो इसलिए इसका एरिया कितना हो जाएगा, सैंपलिंग फंक्शन का एरिया कितना होगा pi, ठीक है, तो sinc फंक्शन के लिए एरिया की वैल्यू 1 और सैंपलिंग फंक्शन के लिए एरिया की वैल्यू pi। तो ये चीजें आप sinc फंक्शन और सैंपलिंग फंक्शन के लिए बिल्कुल याद रखेंगे, इन कांसेप्ट पर हम आगे बहुत सारे लेक्चर देखेंगे जब हम डब्ल्यू सॉल्व करेंगे इस पर, तो अभी हम इसके लिए इतना ही देख रहे हैं, ये चीजें आपको याद रखनी चाहिए कि जब भी sinc फंक्शन सैंपलिंग फंक्शन दोनों इवन फंक्शंस हैं, इतने तक ये प्रॉपर्टीज हैं, ये दोनों प्रॉपर्टीज दोनों कॉमन है, ये प्रॉपर्टी दोनों में कॉमन है, ये इवन फंक्शन है, सिंपल फंक्शन इवन फंक्शन, जीरो क्रॉसिंग पॉइंट्स में वहां पर बस आपको प्लस माइनस n था, और यहां पर क्या है n pi, ठीक है, ये रिलेशन लिया हमने। तो हम नेक्स्ट अपना फंक्शन अगर देखें, तो नेक्स्ट हमारा फंक्शन ये बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है, इसको हम नाम देते हैं ट्रायंगुलर फंक्शन, ठीक है, इसको हम अगर देखते हैं रिप्रेजेंटेशन हमारा a ट्रायंगल ऑफ t / tau, ठीक है, तो जैसे हमने a रेक्टेंगल ऑफ t / tau लिखा था, तो हमने क्या कहा था, ये जो tau होती है वो क्या रिप्रेजेंट करती है, टोटल डिस्क रिप्रेजेंट करती है, जहां से जहां तक हमारा रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल हमारा डिस्ट्रीब्यूटेड है, लेकिन a रेक्टेंगल ऑफ t / tau इसमें जो tau है ये हाफ विड्थ को रिप्रेजेंट करती है, ये किसको रिप्रेजेंट करेगी, हाफ विड्थ को, इसका मतलब जहां पर ये ट्रायंगल सेंटर होगा उसके दोनों तरफ इसकी विड्थ कितनी होगी, जहां ये सेंटर ट्रायंगल सेंटर होगा उस राइट हैंड साइड में भी उसे tau डिस्टेंस तक हमारा ट्रायंगल होगा, लेफ्ट हैंड साइड में भी उसे tau डिस्टेंस तक हमारा ट्रायंगल होगा। तो देखिए, जैसे हमने ऐसे रिप्रेजेंट किया, ये हमारा फंक्शन है, वैल्यू इसकी a है t = 0, ये हमारा फंक्शन है a ट्रायंगल ऑफ t / tau, जिसके लिए हाफ में था tau है, मतलब इससे 0 से दोनों तरफ हमारा सिग्नल tau और tau ये हमारा फैला हुआ है, ठीक है। तो अब अगर हम इस फंक्शन की वैल्यू देखना चाहते हैं, तो हम लिखते हैं a ट्रायंगल ऑफ t / tau इट इज इक्वल टू a * 1 - mod ऑफ t / tau, फॉर ये किसके लिए, फॉर जब तक हमारे mod ऑफ t की वैल्यू लेस देन tau है, मतलब क्या कह सकते हैं हम, या तो हम ऐसे लिख देंगे, या तो हम कहते हैं जब तक हमारा t किसके बीच में है, -tau से लेकर +tau के बीच में है, तब तक हमारी फंक्शन की वैल्यू कितनी होगी, इस इक्वेशन को फॉलो करेगी, एंड इट इज इक्वल टू 0 when mod of t is greater than tau। तो ये हमारी जो इक्वेशन हमने लिखी है, ये हमारे ट्रायंगल फंक्शन की डेफिनेशन है बाय डेफिनेशन। अभी हम देखते हैं कि हमने ऐसा इक्वेशन क्यों लिख दिया, क्या ये इक्वेशन इस ट्रायंगल को सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। तो देखिए, अगर आप इस इक्वेशन को देखें, जैसे मान लीजिए आप इस लाइन को देखना चाहते हैं, ये जो लाइन है जो माइनस tau से लेकर कहां तक है t = 0 तक, इस लाइन की अगर आप इक्वेशन लिखना चाहते हैं, तो स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन आप जानते हैं y mx + c, ठीक है। यहां पर अगर हम स्लोप देखना चाहते हैं n की वैल्यू, तो ये tau टाइम में वैल्यू कितनी गई है, a गई है, मतलब इस लाइन का स्लोप कितना है, a / tau, कैसा स्लोप है, ये इंक्रीजिंग स्लोप है। अगर इस लाइन की दूसरी तरफ हम देखें, तो इस स्लोप से वैल्यू क्या होगी, डिक्रीज हुई है, ये tau टाइम में हमारी वैल्यू a डिक्रीज हुई है, मतलब इस लाइन का जो स्लोप है वो कितना है, -a
अपॉन टाउ, ठीक है। और दोनों ही लाइन के लिए इंटरसेक्शन आपको दिख रहा है वाले से, दो लाइंस का कहां पर है पेपर। तो अगर हम नेगेटिव साइड में अगर लिखना चाहते हैं, मतलब दो लाइन अगर हम इसके लिए इक्वेशन लिखना चाहते हैं, तो हम क्या लिखते हैं, जो हमारा फंक्शन x of t है, उस x of t की वैल्यू को हम लिखते हैं a अपॉन टाउ इनटू t और प्लस इंटरसेक्शन विद x एक्सिस दैट इज y एक्सिस दैट इज a। तो अगर आप इन दोनों में से a कॉमन कर लें तो क्या वैल्यू मिलती, 1 प्लस t अपॉन टाउ, ठीक है। किसके लिए, फॉर t लेस देन 0, मतलब 0 से लेकर माइनस टाउ, माइनस टाउ से लेकर 0 तक के बीच में फंक्शन है हमारा। अगर आप यहां पुट कर दीजिए अगर वैल्यू, अगर t नेगेटिव है तो ये साइन नेगेटिव वाली नेगेटिव आपको प्लस मिलकर के ये चीज देगा a * 1 + t / टाउ, ठीक है। अगर आप यही इक्वेशन देखते फॉर 0 टू टाउ, अगर इस लाइन के लिए आप इक्वेशन देखते, तो यहां से अगर आप इक्वेशन लिखें तो फिर से ये जो x of t है इसको क्या लिख सकते हैं आप, x of t = इस लाइन का स्लोप - a / टाउ, y = m * x एक्सिस इज t और प्लस इंटरसेक्शन विद y एक्सिस इज a। तो अगर आप यहां से a कॉमन कर लेंगे तो यहां से बचा 1 और माइनस t / टाउ। तो अगर आप इसी इक्वेशन में t की पॉजिटिव वैल्यू ले लेंगे तो मॉड हमारा पॉजिटिव, तो ये वैल्यू आपको कैसे मिलेगी, a * 1 - t / टाउ, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है, मतलब इसी इक्वेशन को आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि a ट्रायंगल ऑफ t / टाउ अगर हमने लिया है, देन इट इज 1 - of t / टाउ * a। इसके लिए फॉर जब तक हमारे टाउ की वैल्यू क्या है, t की वैल्यू 0 से टाउ के बीच में पॉजिटिव साइड में, इट इज a * 1 + t / टाउ, कब तक, जब तक माइनस टाउ से t हमारा 0 तक है, एंड इट इज इक्वल्स टू 0 अदरवाइज। इट इज इक्वल्स टू 0 व्हेन टाउ इज आइदर ग्रेटर देन t इज आइदर ग्रेटर देन टाउ और t इज आइदर लेस देन माइनस टाउ। दिस कंडीशन में हमारी वैल्यू क्या है, 0 है। तो आप इस फॉर्म में भी याद रख सकते हैं ट्रायंगल फंक्शन के इक्वेशन को, या फिर आप डायरेक्ट इस फॉर्म में याद रखें तो भी आप जानते हैं कि अगर मॉड ओपन करेंगे नेगेटिव वैल्यूज के लिए साइन पॉजिटिव हो जाएगा और पॉजिटिव वैल्यूज के लिए साइन नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। तो ये दो इक्वेशंस हैं हमारे ट्रायंगल फंक्शन की। अब जैसे हमने अगर इस फंक्शन के लिए एरिया की वैल्यू देखें, तो यहां पर अगर हम देखना चाहते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल ऑफ a ट्रायंगल ऑफ t / टाउ, तो इसका एरिया कितना होगा, दोनों ट्रायंगल्स को हम सेम दिखाएंगे, ट्रायंगल इसको हाफ ट्रायंगल होता है समझ सकते हैं। तो इस किसी भी ट्रायंगल का एरिया आप कैलकुलेट कर लीजिए, उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्योंकि जो फिर से जो फंक्शन है हमारा कैसा फंक्शन है, इवन फंक्शन है। तो अगर इसका टोटल एरिया आपको चाहिए तो किसी भी एक हाफ का एरिया निकाल कर उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। तो इस एरिया की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 * एक साइड का एरिया अगर हम देखें तो 1/2 * विड्थ टाउ * हाइट a। तो ये कितनी है, a टाउ / 2 है, उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो मतलब टोटल एरिया कितना इस फंक्शन का, जो भी ट्रायंगल फंक्शन होता है a ट्रायंगल ऑफ p / टाउ, इसके लिए एरिया की वैल्यू कितनी होती है, a टाउ, ठीक है। अब यहां से जैसे हमने ये पहले हमने ट्रायंगल फंक्शन फाइंड किया और फिर हमने क्या फाइंड किया, यूनिट ट्रायंगल फंक्शन, मतलब जिसके अंदर का एरिया कितना हो, 1 हो। तो ऐसे ही आपने अभी ये जनरल फंक्शन a ट्रायंगल ऑफ p / टाउ देखा, अगर हम यूनिट ट्रायंगल फंक्शन डिफाइन करते तो वहां पर अगर हम सिर्फ ट्रायंगल ऑफ p देखें, ठीक है, तो ट्रायंगल ऑफ p कहने का क्या मतलब, इसको आप कंपेयर कीजिए, a ट्रायंगल ऑफ p / टाउ मतलब a की वैल्यू भी 1 है, टाउ की वैल्यू भी 1 है, तो इसको आप कैसे प्लॉट करेंगे, अगर a भी 1 है टाउ भी 1 है, मतलब यहां वैल्यू 1 है, ये वैल्यू माइनस टाउ से टाउ होती है, तो ये वैल्यू कहां से आता है, फ्रॉम माइनस 1 टू 1। तो इस फंक्शन को हम क्या नाम देंगे, क्या हमारा फंक्शन ट्रायंगल ऑफ p फंक्शन है, ठीक है। तो इसको आप ध्यान रखेंगे, जब हमारे पास किसी भी ट्रायंगल फंक्शन को प्लॉट करना होगा तो हम इस फंक्शन को लेकर स्टैंडर्ड वेरिएबल इससे हम कोई फंक्शन प्लॉट कर सकते हैं, ठीक है। और दूसरे मेथड में जैसे चलिए दूसरे मेथड में देखेंगे, जैसे पहले लेकर प्रॉपर्टी की बात कर लेते हैं, जैसे आपने दिखाया जो ट्रायंगल फंक्शन है, अगर हम इसमें ट्रायंगल वैसे लेंगे तो क्या होगा, जैसे हमने दिखाया सिंगल बिल्कुल वैसे ही सिंगल फिजिकल, क्योंकि आपको क्या दिख रहा है, y के बाद ही मेरे लिए जैसे वैल्यू फंक्शन है बिल्कुल वैसे ही वैल्यू बनी। तो इसलिए ट्रायंगल फंक्शन अगर गिवन फंक्शन है तो a ट्रायंगल ऑफ p / टाउ is equal to a triangle of minus t / tau। अगर आप t को minus t से भी replace कर देंगे तो आपका result जो है वो same रहेगा। इसका मतलब अगर हम ऐसे लिखना चाहें कि a triangle of a minus bt, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, a triangle of minus, अगर आपने common कर लिया तो a triangle of minus common कर लीजिए, यहाँ से तो आपको value मिलेगी bt minus a, और यहाँ से minus sign को आप discard कर सकते हैं, तो ये value किसके बराबर होगी, a triangle of सिर्फ बी टी माइनस ए आप लीजिए, माइनस साइन को आप हटा सकते हैं, क्योंकि ए ट्रायंगल ऑफ माइनस टी / टाउ किसके बराबर, ए ट्रायंगल ऑफ टी / टाउ के बराबर, इवन फंक्शन है तो माइनस हम सिंपली हटा सकते हैं, ठीक है। ऐसे ही अगर होता ए ट्रायंगल ऑफ b - t / टाउ, तो इस फंक्शन को हम और कर सकते थे, a ट्रायंगल ऑफ माइनस कॉमन कर लीजिए t - b / टाउ और इस माइनस को हटा दीजिए, मतलब इसकी वैल्यू a ट्रायंगल ऑफ t - b / सिंपली ये टाउ के बराबर होगी। तो ये जो रिजल्ट्स हैं इवन फंक्शन है इसके लिए, तो ये रिजल्ट्स आपको ध्यान रखने, कहीं कभी अगर माइनस दिया रहा है तो आप उसको हटा सकते हैं। एक और चीज, जब टाइम रिवर्सल आता है तो स्लोप पर क्या इफेक्ट होता है, अगर फंक्शन है कभी भी अगर आपको किसी सिग्नल में ऐसा रैंप दिख रहा है, तो जब भी आप उसका रिवर्सल लेंगे, जैसे मान लीजिए कि हमारे पास ऐसा एक फंक्शन था x of t, ठीक है, x of t फंक्शन है, हम सिर्फ अभी हम बात इसलिए कर रहे हैं, सॉरी, जब हम वर्ग के क्वेश्चंस करेंगे तो वहां पर आपको कुछ क्वेश्चंस ऐसे दिखेंगे जिनके लिए आपको सॉल्व करने की जरूरत है, आप सिर्फ देख कर बता सकते हैं कि फंक्शन हमारा कैसा होगा। जैसे कि x of t है, इसके लिए आपको स्लोप कैसा दिख रहा है टाइम के साथ, वैल्यू क्या होगी, इंक्रीज होगी, मतलब स्लोप कैसा है, इंक्रीज। अगर आप इस सिग्नल में टाइम रिवर्सल लेंगे तो आपको ये सिग्नल कैसा दिखेगा, अगर इस फंक्शन के लिए x of t के लिए अगर आप x of -t ड्रॉ करेंगे तो आपको ये चीज कैसे दिखेगी, ऐसे दिखेगी, मतलब आप अगर टाइम में लूज करते हैं तो एक स्लोप कैसा है, टाइम के साथ वैल्यू बढ़ रही है, कम हो रही है। तो अब यहां पर आपको स्लोप कैसा दिखेगा इसी फंक्शन का, अगर आपने टाइम रिवर्सल लिया तो ये टाइम के साथ बढ़ रहा है और ये टाइम के साथ वैल्यू क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है किसी भी फंक्शन पर, जो आपको अगर स्ट्रेट लाइन का कोई फंक्शन अगर आपको दिख रहा है, वैसे किसी फंक्शन पर अगर आप टाइम रिवर्सल लेंगे, तीन में जब आपको माइनस का मल्टीप्लाई दिखे तो आप समझ जाइए कि टाइम रिवर्सल लेने के बाद जो सिग्नल हमें मिलेगा, अगर पहले सिग्नल का स्लोप इंक्रीजिंग था तो हमें स्लोप क्या मिलेगा, डिक्रीजिंग मिलेगा, या अगर पहले स्लोप डिक्रीजिंग था तो अब हमें स्लोप क्या मिलेगा, इंक्रीजिंग मिलेगा। ये चीज आप याद रखेंगे, तो हम वैल्यू के क्वेश्चंस करेंगे तो आप देखेंगे ब्रेकिंग सेंटर से आप फाइंड कर सकते हैं जो रिजल्ट होगा, ठीक है। तो चलिए, जैसे हम किसी ट्रायंगल को ड्रॉ करने के लिए, एक तो हमारे पास ये स्टैंडर्ड रिप्रेजेंटेशन है कि एक ट्रायंगल ऑफ p / टाउ कैसा होता है, दोनों तरफ सेंटर के दोनों तरफ हमारी वैल्यू टाउ होती है और वैल्यू सेंटर पर कितनी होती है a। इसका स्टैंडर्ड रिप्रेजेंटेशन जैसे हमने रेक्टेंगल फंक्शन के लिए लिया था, वैसे ही यहां पर आप स्टैंडर्ड रिप्रेजेंटेशन ले सकते हैं, स्टैंडर्ड रिप्रेजेंटेशन x of t = a ट्रायंगल ऑफ p - सेंटर / टाउ, ठीक है। ये चीज आप याद रखेंगे, ये बहुत यूजफुल है, अगर आप इसको लेकर करें तो आप किसी भी ट्रायंगल को फंक्शन को आप इजीली डिटेक्ट कर सकते हैं, इजीली आप ड्रॉ भी कर सकते हैं। तो जैसे यहां पर लिखा हुआ है ट्रायंगल ऑफ p / टाउ, मतलब आपको देखकर समझ आना है कि ये ट्रायंगल हमारा कहां पर सेंटर है, 0% है, लेकिन दोनों तरफ आप देख टाउ जो कहां से मिलेंगे हमें 0 से मिलेंगे, लेकिन अगर कहीं पर आपको दिखे t - समथिंग, इसका मतलब आपको समझ आना है कि हमें कहां से मिलनी है, सेंटर पहले फाइंड करना पड़ेगा, उस सेंटर के दोनों तरफ आपको उतनी बचेगी, ठीक है। तो इन सारी चीजों को आप अगर ध्यान रखेंगे तो कोई ट्रायंगल फंक्शन आप ड्रॉ कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए एक सिंपल हमने लिया कि अगर हमारा x of t है सपोज ट्रायंगल ऑफ p
2t, तो ट्रायंगल ऑफ 2t कैसा होगा? आप इसको अलग-अलग मेथड से कैसे समझ सकते हैं? पहली चीज, आपको ट्रायंगल ऑफ t पता है, तो आपने यहां पर ट्रायंगल ऑफ अगर 2t कर दिया, मतलब इसी फंक्शन में अगर आप क्या करें, 2 से टाइम स्केलिंग कर दें, 2 से टाइम स्केलिंग करेंगे तो क्या होगा? वो दोनों वैल्यूज डिवाइड हो जाएंगे, मतलब फंक्शन -5 से लेकर -0.5 से लेकर 0.5 तक की आपको क्या मिलेगी वैल्यू? 1 मिलेगी। तो एक तो आपने डायरेक्टली कैसे फाइंड करनी है इसकी वैल्यू, स्टैंडर्ड रेक्टेंगुलर फंक्शन से कंपेयर करके उस पर 2 से स्केलिंग कर दी तो आपको वैल्यू मिलेगी 0.5 से -0.5 से +0.5 तक वैल्यू 1। या फिर अगर आप इसको ऐसे ड्रा नहीं करना चाहते तो आप इसको कंपेयर अगर करते हैं a ट्रायंगल ऑफ ये वैल्यू हमने लिखी है t - सेंटर अपॉन tau से, तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि ये जो फंक्शन हमारा ये क्या है ट्रायंगल ऑफ p अपॉन 1/2 है, तो इसी की वैल्यू आ जाएगी 2t आ जाएगी। तो इसको आपने अपने जनरल रिप्रेजेंटेशन से कंपेयर किया, a एक वैल्यू 1 है, ट्रायंगल ऑफ p - सेंटर अपॉन tau, तो p - कुछ नहीं लिखा, मतलब सेंटर कहां पर है 0 पर, और ये जो नीचे लिखी चीज है ये क्या हमारा tau है, tau क्या होती है हाफ वेट, आपको सेंटर से दोनों तरफ की वैल्यू लिखनी है, तो अगर ये सेंटर भी 0 पर तो 0 से 0.5 इधर लिया 0.5 इधर लिया और यहां पे कुछ नहीं लिखा तो वैल्यू सेंटर पर कितनी है 1 है, ठीक है। तो ऐसे आप प्लॉट कर सकते हैं, या फिर मान लीजिए हमारे पास अगर गिवन होता कि x ऑफ t इक्वल्स टू ट्रायंगल ऑफ सपोज 3 - 4t, आपको ये ट्रायंगल फंक्शन भी प्लॉट करना है, तो एक तो मेथड क्या हो सकता था, इसको हम और क्या लिख सकते थे, ट्रायंगल ऑफ -4t +3, ठीक है। अब आपको ट्रायंगल फंक्शन पता है, ट्रायंगल ऑफ t फंक्शन कैसा होता है, -1 से लेकर 1 तक की वैल्यू होती है 1, या तो आप इस फंक्शन पर इधर से राइट टू लेफ्ट ऑपरेशन लगाना शुरू कीजिए और सबसे पहले क्या ड्रा कर लीजिए t के रिस्पेक्ट में ट्रायंगल ऑफ t +3, तो अगर आप t से इस फंक्शन को शिफ्ट कर देंगे लेफ्ट हैंड साइड, क्योंकि हमारा कैसे शिफ्टिंग +3 है, तो हमारा सेंटर कहां पर आ जाएगा, 0 पर था, -3 पर जाएगा, तो यहां पे -3 पर सेंटर है और दोनों तरफ हमें 1 मिली है, तो हमारा ट्रायंगल कैसा होगा, देखिए इस टाइप का हमें वैल्यू मिलेगी -4 से लेकर -3 तक ये वैल्यू 1। अभी हमने सिर्फ क्या ट्राई किया, ड्रा किया ट्रायंगल ऑफ t +3, अब यहां पर अगर हम ड्रा करें ट्रायंगल ऑफ 4t +3, पहले हमने 3 से शिफ्टिंग कर दिया, हम 4 से स्केलिंग करेंगे, तो जो ये वैल्यू है इसमें सारी हम इसको क्या करेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे, तो अब ये जो वैल्यू होगी वो कैसी होगी, 4 को अगर आपने 4 से डिवाइड किया तो ये पॉइंट हो जाएगा -1 और ये -2 को 4 से डिवाइड किया तो ये पॉइंट की वैल्यू हो जाएगी -1/2 यानी 0.5, ठीक है। ये पॉइंट कैसा होगा, -0.75 होगा। अब उसके बाद और क्या दिखाना ऑपरेशन, टाइम रिवर्सल, तो मतलब ये जो भी सिग्नल इसको क्या कर दीजिए हम रिवर्स कर दीजिए, मतलब जो भी नेगेटिव साइड की वैल्यू है वो सभी कहां जाएगी पॉजिटिव साइड में, तो फाइनली आप यहां से ड्रा कर सकते थे टी के रिस्पेक्ट में ट्रायंगल ऑफ -4t +3, जो हमारा ट्रायंगल -1 से मतलब -1 से -1/2 एडजस्ट कर रहा है, तो जब आप टाइम रिवर्सल लेंगे तो अब आपका जो ट्रायंगल होगा वो +1/2 से +1 तक एडजस्ट करेगा और वैल्यू अभी कितनी होगी 1, जो इसके बीच का पॉइंट क्या आएगा 1/2 से 1 के बीच में, मतलब 0.75। तो एक मेथड हो गया, तो लगने लगा आपको कि आपको क्या करना पड़ा, पहले टाइम शिफ्टिंग करनी पड़ी, फिर उसमें स्केलिंग करनी पड़ी, फिर उसके बाद हमने टाइम रिवर्सल लिया। अगर इसी को हम डायरेक्टली कंपेयर करते, अगर हमारे पास ये x ऑफ t ऐसा गिवन था, x ऑफ t इक्वल्स टू ट्रायंगल ऑफ 3 -4t, इसको एक ऐसे लिख सकते थे ट्रायंगल ऑफ, अगर यहां से आप माइनस कॉमन कर लेते पहले तो ये चीज क्या आ जाती 4t -3 आ जाती, ठीक है। और अभी आपने देखा कि अगर ट्रायंगल फंक्शन हमारा इवन फंक्शन है तो इस माइनस साइन को डिस्कार्ड कर सकते हैं, मतलब इस फंक्शन को हम क्या लिख सकते थे ट्रायंगल ऑफ 4t -3 सिंपली हम लिख सकते थे, ठीक है। अब अगर यहां से आपने इस फंक्शन में इसको ऐसे लिख लिया कि ट्रायंगल ऑफ 4 अगर आप कॉमन कर लें बाहर तो 4 * t -3 / 4 लिख सकते हैं इसको, या फिर इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि ट्रायंगल ऑफ t -3 / 4 या t -0.75 डिवाइडेड बाय इस 4 को हमने डिवाइडेड बाय 1/4 ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। देखिए हमने क्या किया, हम इस फॉर्म में सेट करना चाहते हैं a ट्रायंगल ऑफ t -सेंटर अपॉन tau के टर्म्स में, तो पहले तो हमने माइनस साइन हटा लिया इवन फंक्शन है, तो ये जो चीज बची तो t में जो चीज मल्टीप्लाई किया उसको हमने कॉमन कर लिया, कॉमन कर लिया, ये चीज ऐसी आई। अब यहां पर कोई चीज ऊपर आ रही है 4 मल्टीप्लिकेशन में, तो हम इसको डिनोमिनेटर में कैसे लिख सकते हैं डिवाइडेड बाय 1/4 लिख सकते हैं। अब अगर हम इस फंक्शन को कंपेयर करें इससे, तो a एक वैल्यू कितनी है 1 ट्रायंगल ऑफ t -सेंटर अपॉन tau, तो हमने यहां से क्या लिखा कि जो ट्रायंगल हमें बनाना है इसका सेंटर हमें कहां पर देना है 0.75 पर हमारा सेंटर होगा, और अपॉन tau क्या होती है दोनों तरफ विड्थ होती है, तो दोनों तरफ विड्थ कितनी है 1/4 मतलब 0.25, तो इसके 0.25 आप इधर भी आएंगे और 0.25 इधर भी जाएंगे, तो ये पॉइंट आपका होगा 0.5 और ये पॉइंट आपका होगा 1, और ट्रायंगल a ट्रायंगल ऑफ t -सेंटर अपॉन tau, तो एक वैल्यू 1 है, इसलिए आपने ये क्या ड्रा कर लिया ट्रायंगल ऑफ 3 -4t। तो अगर आप देखें तो ये और ये दोनों चीजें क्या मिली आपको सेम मिली, तो इस टाइप के कुछ कॉन्सेप्ट्स हमने देखे, इनको अगर आप ध्यान रखेंगे तो आप किसी भी ट्रायंगल फंक्शन को प्लॉट भी कर सकते हैं, अगर कोई भी ट्रायंगल फंक्शन प्लॉट है तो आप उसके लिए इक्वेशंस भी देख सकते हैं। तो अभी तक देखिए हमने जितने भी स्टैंडर्ड सिग्नल्स हो सकते हैं, जैसे हमने स्टेप फंक्शन लिखा, रैंप फंक्शन लिखा, इंपल्स फंक्शन लिखा, उसके बाद फिर हमने रेक्टेंगल फंक्शन लिखा, सिंक फंक्शन लिखा, सिग्नल फंक्शन लिखा, ट्रायंगल फंक्शन लिखा, सैंपल फंक्शन लिखा, तो इतने फंक्शंस अगर आपको अच्छे से इनके सारे बेसिक्स पता है तो अब हमारे नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे वीडियो, उस वीडियो में हम वर्कबुक के क्वेश्चंस करेंगे, तो नेक्स्ट वीडियो से पहले आप अपनी वर्कबुक साथ लेकर बैठेंगे और उसके हम 1 से लेकर डायरेक्टली क्वेश्चंस करना, एक ही क्वेश्चन जो आपके जो पहला जो उसमें पार्ट है जो एमसीक्यू एंड लेवल का आंसर टाइप, उसके हम सारे क्वेश्चंस यहां पर नेक्स्ट वीडियो में हम डील करेंगे, तो आप देखेंगे कि अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है तो किसी भी क्वेश्चन में आपको कोई डाउट नहीं आएगा, और वो सारे क्वेश्चन कहां आए हुए या तो वेट लेकिन आए क्वेश्चन है, इससे आपको कॉन्फिडेंस मिलेगा, तो इसलिए जहां पर डाउट है वीडियो को आप एक बार फिर से देख लीजिए, पीएसएस पी को देख लीजिए कि ज्यादा टाइम लगे, लेकिन आप अपने कॉन्सेप्ट यहां से बिल्कुल क्लियर रखिए, फिर आप देखेंगे आज आप बहुत कॉन्फिडेंस फील करेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू। एक बार आप इस प्लेयर से गेंस फाइंड करेंगे, तो
हम इस पे सेम साइन करने की बात करेंगे तब तो हमारे पास टी में नेगेटिव साइन है तो टी को शिफ्ट करेंगे अगर हमने टी को दूसरे साइड शिफ्ट किया तो ये माइनस थ्री कैसे लगेगा इस तरफ आपका प्लस थ्री इनिक्वालिटी का साइन आ जाएगा ये माइनस टू को अगर आपने इधर शिफ्ट किया तो प्लस टू और यहां ऑलरेडी क्या था प्लस एक्स मतलब यहां से आपको क्या लगेगा कि टी मस्ट बी लेस देन 8 बाय 3 ठीक है इस से इनिक्वालिटी से हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा फिर अगर आप सेकंड केस में इन वैल्यूज को कंसीडर करें तो यहां से फिर से माइनस थ्री को अगर दूसरी तरफ शिफ्ट करें तो ये माइनस थ्री बनेगा इधर आपको प्लस थ्री के फॉर्म में आया इनिक्वालिटी आ जाएगा और इस थ्री को जब आप इस तरफ शिफ्ट करेंगे तो वैल्यू 6 माइनस 3 प्लस 3 का वैल्यू होगा माइनस 3 तो यहां से आपको क्या लगेगा कि 3 इज ग्रेटर देन 3 देयरफॉर अगर हम लिख सकते हैं टी इज ग्रेटर देन 3 अपॉन 3 दैट इज 1 तो जब हमने इस एंगल टी को रिप्लेस किया माइनस 3 प्लस 6 से तब जो हमारे टी के लिए नया इंटीग्रल वो क्या हो रहा है माइनस 8 बाय 3 से बड़ी हो जाएगी टी की वैल्यू 1 से छोटी हो जाएगी मतलब इसको ऐसे लिखेंगे 8 बाय 3 टी इज ग्रेटर देन इसको लिखा आपने टी इज ग्रेटर देन 1 एंड लेस देन 8 बाय 3 तो इस टाइप की चीजें याद रखेंगे दूसरी चीज जैसे मान लीजिए आपके पास कभी इस टाइप का रिजल्ट आया है कि माइनस 4 से लेकर माइनस 3 माइनस 1 इसकी वैल्यू अगर इस टाइप का हमारे पास कुछ भी वैल्यू है 2 ठीक है तो जब आप इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करेंगे इन दोनों से इनसे अगर आप सॉल्व कर रहे हैं तो देखिए यहां पर क्या होगा जैसे अगर हम इस माइनस 1 को शिफ्ट करेंगे आप किसी को शिफ्ट कर सकते हैं आप अगर चाहें तो माइनस 3 को शिफ्ट करेंगे तो प्रॉब्लम नहीं है जैसे माइनस 3 को आपने शिफ्ट कर लिया तो क्या आ जाएगा वैल्यू टी मस्ट बी इनइक्वालिटी का साइन आ जाएगा और माइनस 1 और ये माइनस 4 आया तो प्लस 4 मतलब क्या रिजल्ट आया टी मस्ट बी लेस देन 3 ठीक है अगर आपने उल्टा कर लिया होता अगर आप माइनस 1 को शिफ्ट करेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है लेकिन वहां पर आपको इनइक्वालिटी चेक करनी पड़ेगी जैसे अगर आपने माइनस 1 को शिफ्ट किया होता तो माइनस 4 और ये माइनस 1 आया तो होता प्लस 1 मस्ट बी यहां पर ये साइन ऐसा था आपको माइनस 3 मस्ट बी लेस देन माइनस 3 तो आप ऐसा नहीं कर सकते कि आपने दोनों माइनस को आपने कैंसिल कर दिया और यहां पर कि टी ग्रेटर देन 3 ऐसा आप नहीं कर सकते ठीक है कि यहां से देखिए हमारा टी ग्रेटर देन 3 लेकिन जब दोनों साइड माइनस है तो आप इसको कैंसिल नहीं कर सकते अगर आप कैंसिल करेंगे तो फिर ये इनइक्वालिटी का साइन है वो रिवर्ट हो जाएगा मतलब ये आपका रॉन्ग है राइट आंसर क्या होता है अगर आप माइनस कैंसिल कर दिया तो आप लिखते टी मस्ट बी लेस देन 3 ठीक है तो वो चीज याद रखिए इसलिए मैंने आपसे कहा कि अगर टी में नेगेटिव साइन आपको दिख रहा तो टी वाले फंक्शन को कैसे दूसरी तरफ शिफ्ट कर लीजिएगा ठीक है तो ये चीज जैसा क्लियर करेंगे और एक और चीज जो आई हमारे पास जैसे हमने यूनिट इंपल्स फंक्शन बताया था इन केस ऑफ कंटीन्यूअस टाइम सिग्नल तो वो शायद हम बिजली के केस में नहीं बता देंगे थे तो अगर उस चीज को देखें अगर हम यूनिट सैंपल सीक्वेंस की बात करें मतलब डिस्क्रीट टाइम सिग्नल की बात कर रहे हैं यूनिट इंपल्स फंक्शन की बात कर रहे हैं डिस्क्रीट टाइम डोमेन तो देखिए वो सिग्नल कैसा होता है बिल्कुल ऐसा ही होता है जैसा आपने सिग्नल बनाया था किसके केस में जो डेल्टा टी आपने बनाया था टाइम डोमेन के केस में लेकिन डिफरेंस बचता है कि ये एन के रिस्पेक्ट में इक्वल टू 0 पर एडजस्ट करेगा लेकिन यहां पर इसकी वैल्यू बनती है वहां पर आप क्या कंसीडर करते हैं इसका एरिया बनता है वैल्यू कितनी होती है इनफाइनाइट लेकिन जब आप डिस्क्रीट के केस में डील कर रहे हैं और अगर आपने सिग्नल को डेल ऑफ एन नाम दिया तो आप मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करते हैं डेल ऑफ एन इज इक्वल टू 1 इफ एन इक्वल टू 0 एंड इट इज इक्वल टू 0 इफ एन इज नॉट इक्वल टू 0 ठीक है तो ये चीज आप याद रखिए इसके अलावा जैसे हम प्रॉपर्टीज लिखते थे अगर आप इंटरसेक्शन की प्रॉपर्टीज रिकॉल करें तो इंटरसेक्शन की प्रॉपर्टीज में हम लिखते थे डेल ऑफ अल्फा टी इज इक्वल टू 1 अपॉन मॉड अल्फा डेल ऑफ टी उसके बाद फिर जैसे हमने लिखा था कि किसी भी फंक्शन को अगर आप इंटरसेक्शन मल्टीप्लाई करते हैं एक्स टी इंटू डेल्टी इसकी वैल्यू क्या होगी फिर यहां से ये वैल्यू आपने लिखी थी एक्स ऑफ टी एक्स ऑफ टी इंटू डेल ऑफ टी माइनस टी नॉट ये वैल्यू आपने लिखी थी एक्स ऑफ टी नॉट इंटू डेल ऑफ टी माइनस टी नॉट फिर अगर इन्हें समय इंटीग्रेशन आगे था तो आपने लिखा था इंटीग्रेशन फ्रॉम माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी एक्स ऑफ टी इंटू डेल ऑफ टी डीटी एक्स ऑफ टी इंटू डेल ऑफ टी डीटी इज इक्वल टू एक्स ऑफ जीरो एंड इंटीग्रेशन फ्रॉम माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी एक्स ऑफ टी डेल ऑफ टी माइनस टी नॉट डीटी इज इक्वल टू एक्स ऑफ टी नॉट ठीक है तो ये चीज़ आपने कंटिन्यूअसली केस में जैसे लिखी थी एज इट इज बिल्कुल वैसी ही चीजें इस प्रॉपर्टी को छोड़कर जो सेम प्रॉपर्टी है बस ये यहां पर डिफरेंट है बाकी सारी प्रॉपर्टी सेम है बस वहां पर कैसा इन केस में है देखिए फर्स्ट प्रॉपर्टी लिखे हैं अगर डेल ऑफ अल्फा एन लिखा हुआ है देन इट इक्वल टू डेल ऑफ एन यहां पर मॉड अल्फा का टर्म डिनोमिनेटर नहीं आएगा जो डेल ऑफ अल्फा एन है उसका मतलब इंपल्स फंक्शन में डिस्क्रीट टाइम डोमेन में सेम का इफेक्ट नहीं होता तो डेल ऑफ अल्फा इज सेम एज डेल ऑफ एन ये वैल्यू जो है एज इट इज है अगर हमारे पास एक्स ऑफ एन इनटू डेल ऑफ एन है तो इसकी वैल्यू फिर से आप लिखेंगे एक्स ऑफ 0 इनटू डेल ऑफ एन x of n into del of n minus n naught अगर है तो इसके लिए भी वैल्यू सेम है x of n naught into del of n minus n naught अगर इन्हीं में समेशन आगे जैसे इंटीग्रेशन के लिए सीधा ही आता है तो ऐसे यहां पर डिस्क्रीट के केस में क्या आएगा समेशन आएगा तो समेशन की वैल्यू समेशन फ्रॉम n = - इनफिनिटी टू इनफिनिटी x of n into del of n = व्हाट x of 0 एंड समेशन फ्रॉम n = - इनफिनिटी टू इनफिनिटी x of n into del of n minus n naught इज सेम एज x of केवल कभी कोई स्ट्रेट लाइन तो हम इतनी बार उसको रैम फंक्शन के केस में देखते हैं हम उसमें समझाने में आपके लिए टाइम वेस्ट नहीं करेंगे क्योंकि वो चीज आपको पता है जैसे मान लीजिए अगर हमारे यहां से आपको फंक्शन का किया गया माइनस 4 से लेकर 0 तक ठीक है और ये वैल्यू दी है आपको 1 तो डायरेक्टली आप देख सकते हैं कि ये टाइम ड्यूरेशन कितना जानते हैं कि स्लोप की वैल्यू डेल वाई अपॉन डेल एक्स मिलेंगे ठीक है यहां पर एक्स एक्सिस हमारी टाइम ड्यूरेशन से भी ठीक है तो डेल वाई अपॉन डेल एक्स मिलेंगे और स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन हमारी होती है y = m x + c तो ये एक्स एक्सिस आपकी टाइम एक्सिस है m आपका स्लोप है जो y जो भी फंक्शन यहां पर ड्रॉ किया होगा x ऑफ t या y ऑफ t जो भी वैल्यू होगी जो y रिप्रेजेंट करेगी उसी के इंटरसेक्शन विद दिस y एक्सिस ठीक है तो जैसे इस लाइन के लिए अगर हम देखें तो ये हमें दिख रहा है इंटरसेक्शन डायरेक्टली कहां पर है जो y एक्सिस है कहां पर कट करेगा इसको 1 पर तो सी की वैल्यू देखिए आप कह सकते हैं किसी की वैल्यू कितनी होगी 1 होगी दूसरी चीज अगर इस लाइन का स्लोप हम देखें तो स्लोप की वैल्यू डेल y 0 से आप लिमिट करते हुए कहां तक पहुंचे हैं 1 तक पहुंचे तो डेल y आपका 1 हो जाएगा और डेल x की वैल्यू कितनी हो जाएगी -4 से 0 मतलब 4 तो ये लाइन आपको इंक्रीजिंग दिख रही है मतलब स्लोप पॉजिटिव होगा 1 / 4 स्लोप की वैल्यू कितनी हो जाएगी तो इस स्लोप लाइन को हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते थे 2t + 8 x एक्सिस हमारी t है स्लोप हमने देख लिया 2 का इंटरसेक्शन विद y एक्सिस कितना है c ठीक है दूसरा केस जब हमारे पास ऐसी कोई स्ट्रेट लाइन
सपोज ये हमारी स्ट्रेट लाइन यहां से यहां तक के बीच में हमारी गिवन है, ठीक है। तो इस स्ट्रेट लाइन का जब आपको इंटरसेक्शन देखना होगा तो एक चीज है, स्लोप पॉजिटिव है, इसका मतलब है जब हम T में पॉजिटिव साइन मूव करेंगे तो वैल्यू इंक्रीज करेगी, ठीक है। अगर हम T में नेगेटिव साइन मूव करेंगे तो वैल्यू क्या होगी, डिक्रीज करेगी। ऐसे ही अगर स्लोप नेगेटिव होता है, सपोज हम दूसरी स्ट्रेट लाइन लगा देते हैं, देखिए आपका स्लोप नेगेटिव है, क्योंकि हम जैसे जैसे एक्सिस में आगे की तरफ जा रहे हैं वैल्यू हमारी क्या होती जाएगी, डिक्रीज होती जाएगी। तो स्लोप अगर नेगेटिव है तो इसका मतलब अगर हम पीछे की तरफ जाएंगे T में, अगर T में वैल्यू हम कम करते जाएं -1 -2 -3 करते जाएं तो एक्सिस में वाई एक्सिस में वैल्यू क्या होगी, इंक्रीज होती जाएगी। तो स्लोप का मतलब आपको पता होना चाहिए, पॉजिटिव स्लोप का मतलब टाइम में पॉजिटिव की तरफ अगर आप मूव करेंगे तो वैल्यू बढ़ेगी, नेगेटिव की तरफ मूव करेंगे तो वैल्यू डिक्रीज होगी। अगर स्लोप नेगेटिव मतलब टाइम में आगे की तरफ बढ़ेंगे तो वैल्यू डिक्रीज होगी, पीछे की तरफ बढ़ेंगे तो वैल्यू इंक्रीज होगी। तो जैसे अगर हमने कह दिया कि ये वैल्यू है 2, ये वैल्यू है 4 और यहां कहीं आते आते मेरी वैल्यू है 7/6, तो डेटा पर पूछा जा सकता है इंटरसेक्शन इसका कहां पर दे रहा होगा y एक्सिस के साथ। तो सबसे पहले इस लाइन का अगर हम स्लोप देखें तो t टाइम में वैल्यू कितनी दी हुई है 6, स्लोप आपको पॉजिटिव दिखा है, तो मतलब अगर हम यहां से स्लोप की वैल्यू देखें तो वैसे भी आपको स्लोप पॉजिटिव मिल जाता है, डेल y / dx जब आप करते तो y एक्सिस में आपने 6 तक पहुंच गए, आप कहां से चलते 0 से चलते, यहां पर y की वैल्यू कितनी है 0, इन्हीं जगह पे कहां तक पहुंच गए 6 तक, तो डेल y की वैल्यू 6 - 0 / dx x एक्सिस में कहां से काटे चले आप t से 4 तक, तो डेल x की वैल्यू क्या हो जाएगी -2, तो यहां से देखें 6/2 स्लोप कैसा है इसका +3, ठीक है, क्योंकि नेगेटिव साइन आया मतलब वैल्यू पॉजिटिव है। तो अगर +3 स्लोप है इसका मतलब हम आगे की तरफ जा रहे हैं तो देखिए वैल्यू इंक्रीज हो रही है। अब आपको अगर इस लाइन का इंटरसेक्शन देखना होता है y एक्सिस, तो आप क्या करते हैं इस लाइन को एक्सटेंड करते कहां तक, जब ये 0 इंटरसेक्ट करेगी इसके साथ y एक्सिस के साथ, तो आप इस केस में देखेंगे आपको टाइम में पीछे मूव करना पड़ेगा, कितना मूव करना पड़ेगा, हम जहां देखना चाहते हैं ओरिजिन पर मतलब 0 पर, t = 0 पर देखना चाहते हैं कि हमारी लाइन कहां तक पहुंचेगी। तो अगर आप टाइम में 2 सेकंड पीछे जाएंगे, इसका स्लोप 3 है, स्लोप का मतलब ये है कि हम जितना x एक्सिस में मूव करेंगे उसका 3 टाइम्स स्लोप, अगर 3 है तो इसका मतलब उसका 3 टाइम्स वैल्यू गेन या डिक्रीज करेगी, डिपेंड करता है कि हम पीछे जा रहे हैं तो वैल्यू डिक्रीज होगी, अगर पॉजिटिव स्लोप है तो आगे जा रहे हैं तो वैल्यू इंक्रीज होगी। तो अगर हम 2 से पीछे की तरफ जा रहे हैं 0 तक, मतलब ये 2 डिवीजन कवर करेंगे, तो स्लोप अगर 3 के डिस्टेंस में कितना मिलेगा 2 * 3 = 6, तो वैल्यू 6 डिक्रीज करेगी, मतलब 0 से 6 माइनस हो जाएगी तो ये पॉइंट आपको क्या मिलेगा -6 मिलेगा। जैसे मान लीजिए हमारे पास ऐसा कुछ होता इस लाइन का, अगर हमारे पास कोई फंक्शन होता, ठीक है, हमें इस बाकी चीजों को नहीं देखना, हम बस ये पॉइंट्स अगर हमें सपोज ये पॉइंट हमारा 8 है और ये पॉइंट 10 है और ये पॉइंट इसकी वैल्यू अगर 6 है, ठीक है, तो इस लाइन का स्लोप कैसा दिखेगा आपको, इनका कितना जा रहा है मतलब स्लोप इंक्रीजिंग है। अगर इसका स्लोप हम देखते हैं तो इसके स्लोप की वैल्यू कितनी होती, हम कहां पर हमारी -6 पर, कब t = 8 पर वैल्यू कितनी है -6, t = 10 तक आते आते वैल्यू कितनी होगी -6 से बढ़ते बढ़ते 0 होगी। मतलब अगर आप यहां पर स्लोप देखें जो आप डेल y / dx से निकालते हैं तो y एक्सिस में आप 0 तक पहुंच गए हैं, कहां से चलते -6 से चलते, मतलब इतना है जो आपने कर दिया, आपका डेल y है 0 -6, ये आपका डेल y है और डेल x कितना है, हम 8 से 10 तक टाइम एक्सिस में मूव कर रहे हैं तो हमारी वैल्यू मिल गया, मतलब डेल x की वैल्यू 10 -1, तो आप अगर देखें तो फिर से स्लोप की वैल्यू कितनी दिखेगी आपको 3, मतलब इस लाइन का स्लोप अगर पॉजिटिव 6 है, 3 है, इसका मतलब हम जितना टाइम में मूव करेंगे उसका 3 टाइम्स वैल्यू इंक्रीज होगी, डिपेंड करता है हम आगे अगर जाएंगे टाइम में तो वैल्यू इंक्रीज होगी, जितना टाइम में चलेंगे जैसे 1 में चलेंगे तो 3 वैल्यू आ जाएगी, 2 में चलेंगे तो 6 वैल्यू गेन करेगा, अगर पीछे की तरफ जाएंगे टाइम में तो वैल्यू होगी डिक्रीज होगी। अब जैसे यहां से आपसे पूछा जाता कि इंटरसेक्शन विद y एक्सिस कितना होगा, अगर हम इस लाइन को पीछे की तरफ मूव करें तो ये y एक्सिस पर जहां इंटरसेक्ट करेगी ये पॉइंट क्या होगा, तो आप देखिए आप अभी कहां है t = 8 सेकंड्स पर, हमें कहां तक आना है t = 0 तक, तो हम टाइम में कितना मूव करने वाले हैं 8 सेकंड्स, स्लोप कितना है 3, तो वैल्यू कितनी गेन इंक्रीज होगी 8 * 3 मतलब 24, 24 यहां जो वैल्यू है इसे 24 वैल्यू अब हम पीछे की तरफ जा रहे हैं टाइम में क्या कहेंगे डिक्रीज हो जाएगी, तो अभी अगर वैल्यू -6 है तो इसमें 24 ऐड कर दीजिए तो आपकी वैल्यू कितनी हो जाएगी नीचे की तरफ -30, 24 अगर आपने 6 में सब्ट्रैक्ट कर लिया मतलब -6 में से -24 आपने ऐड किया उसमें तो ये टोटल वैल्यू यहां पर कितनी हो जाएगी -30। तो ये कुछ चीजें आपको याद रखनी है, जब आप करेंगे तो आपका स्लोप कैसा है स्पेशली लाइन का उसके बारे में इंटरसेक्शन क्या होगा, नॉर्मली आपको इंटरसेक्शन देखने की जरूरत नहीं, ठीक है, ऑटोमेटिक फुल फिल करेगा उसके को, लेकिन फिर भी आपको ये चीजें पता होनी चाहिए कि हम कैसे किसी लाइन का इंटरसेक्शन कर सकते हैं ऑन y एक्सिस। तो हम क्वेश्चंस लेते हैं, वाली से हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तो अब हम वर्कबुक शुरू कर रहे हैं, वर्कबुक जो प्रैक्टिस क्वेश्चन जो आपके एमसीक्यू क्वेश्चंस हैं, तो पहले आप उसको रिटर्न कीजिए, उसके बाद आप रिजोल्यूशन देख सकते हैं कि आपको कुछ नया तो देखने को मिल रहा है, लेकिन कॉन्फिडेंस है कि जो क्वेश्चन आप सबको सॉल्व होंगे आपने अच्छे से वीडियो समझ कर देखा है तो क्वेश्चन में ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं बन रहा होगा। तो जैसे अगर फर्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो यहां पर हमारे पास एक फंक्शन x ऑफ t गिवन है, इस फॉर्म पर हमारा फंक्शन है जिसकी वैल्यू इस टाइप से गिवन है, हमारे पास ये सिग्नल ये x ऑफ t फंक्शन है हमारा, x ऑफ t जिसकी वैल्यू गिवन है हमें ये 1 है, ये पॉइंट 2 है, ये पॉइंट -1 है, ये 0, ये 1, ये 2 और ये 3, ठीक है, t के रिस्पेक्ट में, और पूछा गया आपसे कि फंक्शन x ऑफ 1 - t कैसा होगा, ठीक है, कैसा दिखेगा, तो देखिए दो तरीके हैं करने के, सबसे पहले अगर आप देखें तो फंक्शन को आप और लिख सकते हैं x ऑफ - t + 1 लिख सकते हैं, ठीक है, तो फर्स्ट मेथड जो हमारा कन्वेंशनल मेथड है आपको ऑपरेशंस लगाना हमने सिखाया है कि जैसे हम ऑपरेशंस अगर हमें परफॉर्म करते हैं तो अगर आप राइट टू लेफ्ट मूव करते हैं तो आपको लिखा था ऑपरेशन आप जिस ऑर्डर में आ रहे हैं उस ऑर्डर में बस आपको ऑपरेशन को परफॉर्म करना है, तो जैसे सबसे पहले हमने लिखा राइट टू लेफ्ट मूव करने के लिए प्लस साइन लिखा 1 मतलब आपको टाइम शिफ्टिंग करनी है, जैसे 1 से तो अगर आपने यहीं पर 1 से टाइम शिफ्ट किया तो वैल्यू -1 गिवन, ठीक है, तो अगर आपने x ऑफ t सिग्नल आपको गिवन है आपको क्या यहां से x ऑफ t + 1 इस फंक्शन को बस आपको स्लाइड करना है प्लस साइन मतलब एडवांस करना है कितने से 1 से, तो अगर आपने 1 से इसको शिफ्ट कर दिया तो आपको ये कैसा फंक्शन दिखेगा, इस टाइप का आपको ये फंक्शन दिखेगा, इस से आपको ये फंक्शन लिखना है, ठीक है, ये वैल्यू कितनी है -1 का पॉइंट है तो -1 हो गया, ये पॉइंट -1 ये 0 ये 1 और ये 2, ठीक है, ये वैल्यू हमारी -1 1 एंड 2, आपने पहले शिफ्टिंग ऑपरेशन परफॉर्म किया आपको x ऑफ t + 1 मिल गया, हम थोड़ा सा मूव करके आए तो हमें क्या दिखा इस पर, हमें टाइम रिवर्सल लेना, तो अगर आप टाइम रिवर्सल लेते हैं तो क्या करते हैं जो भी पॉजिटिव साइड की वैल्यूज हैं उन सबको आप शिफ्ट कर देते हैं नेगेटिव साइड, तो अगर आपने नेगेटिव साइड शिफ्ट कर दिया नेगेटिव साइड की वैल्यू को पॉजिटिव साइड शिफ्ट कर दिया तो ये फंक्शन आपको कैसा दिखेगा, जैसे ये फंक्शन 0 से प्लस 1 तक है कांस्टेंट 2 पर वैसा हमने 0 से -1 के बीच में लिखा, जैसे इस फंक्शन की वैल्यू डिक्रीज हुई है माइनस तो बिल्कुल इसका हमने लोअर लिमिट बना लिया, जैसे ये फंक्शन 0 से प्लस 1 था वैसा हमने 0 से -1 बनाया, और जैसे ये फंक्शन 1 से 2 के बीच में था वैसा हमने कहां बनाया 1 से -1 से -2 के बीच में, ये -1 ये -2 ये x ऑफ 1 - t हम ड्रॉ कर रहे हैं या फिर आप कहें -t + 1 ड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू t ये शेप इसको बस आपने चेंज कर दिया तो ये आपकी वैल्यू जैसे टाइप की दिखेगी
ये पॉइंट 1 ये 2 ये t 0 ये पॉइंट -1 ये 1 और ये 2 तो ये आपका आंसर आ गया ठीक है। अब देखिए यहां पर क्या-क्या चीज यहां पर गौर करनी चाहिए। अगर ये x ऑफ t सिग्नल है हमारा इस x ऑफ t में जहां पर भी हमें ये रैंप फंक्शंस दिख रहे हैं जो स्ट्रेट लाइन दिख रही है तो देखिए इस स्ट्रेट लाइन का स्लोप अगर हम देखें अभी तो ये स्ट्रेट लाइन का स्लोप कैसा था 8 डिग्री। यहां पर भी स्लोप की वैल्यू कैसे 3 डिग्री क्योंकि वैल्यू -1 से 0 हो रही है और वैल्यू 0 से 1 हो रही है। जब आपने इस फंक्शन पर टाइम रिवर्सल लिया तो अब देखिए स्लोप आपको कैसे दिख रहे हैं। ये स्लोप कैसा है आप क्या कहेंगे हम वैल्यू में जैसे टाइम आगे जा रहा है वैल्यू क्या हो रही है डिक्रीज हो रही है। यहां पर भी आपको इस लाइन का स्लोप कैसा दिख रहा है जैसे जैसे वैल्यू आगे जा रहा है वैसे वैसे डिक्रीज हो रही है। मतलब अगर आपने किसी सिग्नल पर टाइम रिवर्सल लिया अगर उसमें पहले कोई स्ट्रेट लाइन थी तो उस स्ट्रेट लाइन का स्लोप अगर टाइम रिवर्सल पर पहले पॉजिटिव था तो आपको स्लोप का स्लोप मिलेगा नेगेटिव मिलेगा। ऐसे अगर पहले स्लोप यहां पर पॉजिटिव था तो दोनों स्लोप आपको मिलेंगे नेगेटिव मिलेंगे तो ये चीज बिल्कुल आप याद रखेंगे। चलिए इस मेथड से हम करने का कि दो से पता किया गया। अब अगर इस मेथड को हम इक्वेशन से करते तो इसी x ऑफ t को हम टाइम डोमेन में कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। मैथमेटिकली x ऑफ t इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं कि अगर हम स्ट्रेट लाइन के स्लोप में ज्यादा बात करेंगे डेल x 1 है डेल y 1 है तो स्ट्रेट लाइन का स्लोप 1 है। इंटरसेक्शन में कहां पर x इज इक्वल टू 1 x y से स्लोप वैल्यू कहां इंटरसेक्ट करेंगे 1 पर तो स्ट्रेट लाइन के लिए हम इक्वेशन लिख सकते हैं स्लोप y इज इक्वल टू mx + c से m स्लोप हमारा 1 है x एक्सिस हमारी t एक्सिस है और c की वैल्यू आपको दिख रही है 1 तो हम लिखेंगे 1 * t दैट इज t + 1 ये हमारा फंक्शन t + 1 है किसके लिए जब तक हमारी t की वैल्यू कहां पर है -1 से लेकर t की वैल्यू जब तक 0 के बीच है। इसी x ऑफ t फंक्शन की वैल्यू आपको दिख रही है कांस्टेंट कहां से कहां तक 0 से लेकर 1 तक ये कांस्टेंट 1 है किसके लिए जब 0 से लेकर t हमारा 1 के बीच में और इसी फंक्शन की वैल्यू 2 तक कांस्टेंट है जब हमारा t की वैल्यू हमारी कितनी है 1 से 2 के बीच है। और फिर से स्ट्रेट लाइन के लिए आपको इक्वेशन लिखनी है कैसे लिखेंगे आप इसका अगर हम स्लोप देखें इंक्रीजिंग स्लोप है 1 टाइम डोमेन में वैल्यू -1 से 0 तक पहुंच रही है मतलब डेल y 1 है और डेल x 1 है तो स्ट्रेट लाइन का स्लोप कितना है स्लोप है इसका 1 ठीक है। अब इसका अगर इंटरसेक्शन देखना चाहते हैं विद y एक्सिस इंटरसेक्शन कैसे लिखेंगे आप देखिए इस लाइन का स्लोप 1 देख लिया हमने ये अभी हम t = 2 पर है हम 0 तक जाएंगे मतलब हमें टाइम में पीछे की तरफ मूव करना है कितना 2 डिग्री इसका स्लोप अगर प्लस 1 है तो आप अगर आगे बढ़ेंगे तो वैल्यू इंक्रीज होगी पीछे रहेंगे टाइम में वैल्यू क्या डिक्रीज होगी। तो अगर ये वैल्यू हम t = 2 सेकंड पीछे आना चाहते हैं तो वैल्यू भी 2 नेगेटिव से कम हो जाएगी। तो अगर ये वैल्यू यहां पर 1 है तो इसे आप 2 और कम करेंगे इसको तो ये वैल्यू कहां जाएगी अगर आप इसको कम करके देखना चाहते हैं कि सपोज यहां पर हमारा y एक्सिस इंटरसेक्शन हो रहा है तो -1 से 2 और सबट्रैक्ट कर दीजिए मतलब इंटरसेक्शन कहां पर मिलता है आपको t = -3 मतलब y एक्सिस वैल्यू कितनी मिलती है आपको -3 तो आप इस स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन क्या लिख सकते हैं y = स्लोप की वैल्यू 1 है तो t + c और c की वैल्यू कितनी है -3 तो ये आपके लिए कहां से कहां के बीच में जब तक t की वैल्यू 2 से 3 के बीच में ये आपका फंक्शन x ऑफ t डिफाइन था। अब आपको फंक्शन का फाइंड करना था x ऑफ 1 - t ठीक है। तो अगर हम इसी के लिए देखेंगे x ऑफ 1 - t कैसा होगा तो x ऑफ 1 - t इज इक्वल टू वैल्यू जहां पे t था उसको किस रिप्लेस कर दिया 1 - t से तो यहां भी जहां पे भी आपको t दिख रहा है सबको आपको किस रिप्लेस करना है 1 - t से तो इसको अगर हमने 1 - t से रिप्लेस किया तो 1 - t + 1 ये किस रेंज में होगा जब तक -1 से पहले t की वैल्यू थी अब हम देखेंगे 1 - t की वैल्यू किसके बीच में है 0 के बीच में। अब यहां से देखिए क्या हो जाता माइनस टी को आप सब्सक्राइब करते हैं हमने टाइम लिया पहले हमने इसकी बात करनी कि इसको कैसे लिखेंगे कि हमारे माइनस आएंगे वो क्या आएंगे। अगर आप माइनस टी को सब्सक्राइब करते तो आपको वैल्यू मिलती टी लेस देन का साइन होता और इस -1 को अगर आप सब्सक्राइब करते तो प्लस हो जाता तो 1 + 1 मतलब इससे आपको क्या वैल्यू मिलती टी लेस देन 2 इन दोनों को अगर आप सॉल्व करते तो आपको वैल्यू मिलती टी लेस देन 2 और अगर इसको सॉल्व करते माइनस टी को दूसरी तरफ ले जाते तो क्या होता टी ये इनइक्वालिटी का साइन आ जाता आपको और यहां पर क्या था 1 तो इसका मतलब हमें क्या वैल्यू मिलती टी 1 से बड़ी होनी चाहिए यहां से क्या वैल्यू टी छोटी होनी चाहिए 2 से तो इसको आप क्या लिख सकते हैं 1 से t की वैल्यू किस रेंज में होनी चाहिए 2 के बीच में तो हमारा फंक्शन कैसा होगा 1 - t + 1 जैसे हम और क्या लिख सकते हैं दैट इज अब हम इधर यहां पर लिख सकते हैं x ऑफ 1 - t = तो 1 + 1 2 - t किसके लिए फॉर t इन बिटवीन 1 एंड 2 दूसरी वैल्यू देखिए यहां पर अगर आपने रिप्लेस किया x ऑफ t है यहां 1 - t तो ये तो कांस्टेंट के लिए 1 ही रहेगा लेकिन किस रेंज में होगी वैल्यू 1 जब 0 से t 1 के बीच में था अब t को आपने किस रेप्लेस किया 1 - t से तो 0 से 1 - t की वैल्यू क्या होनी चाहिए 1 के बीच में। यहां पर अगर आप t को इस तरफ लाएंगे तो डायरेक्टली ये प्लस t दिखेगा अगर आपको t ये इक्वलिटी का साइन और इधर क्या चीज आ गई है 1 मतलब एक मिनट आपको यहां से करने लगे t लेस देन 1 और अगर इसको सॉल्व करेंगे t को दूसरी तरफ ले जाएंगे तो t की तरफ आपको ग्रेटर देन का साइन दिखेगा इक्वलिटी का साइन आ जाता है इस 1 को तो 1 पर लाएंगे तो 1 - 1 दैट इज 0 तो यहां से क्या चीज मिलेगी 0 से बड़ी होनी चाहिए t की और यहां से क्या मिलेगी 1 से छोटी होनी चाहिए वैल्यू की मतलब हम लिख सकते हैं इट इज इक्वल टू 1 फॉर 0 से t की वैल्यू 1 के बीच में ठीक है। ऐसे ही अब इसमें देखिए x ऑफ t की जगह आपने रिप्लेस कर दिया 1 - t तो वैल्यू 2 होगी कहां से कहां तक जब 1 से t के बीच में t की वैल्यू थी तो अब हम रिप्लेस करेंगे 1 से t की जगह आपने लिखा 1 - t इसकी वैल्यू कहां तक होनी चाहिए 2 तक। देखिए जैसे इन दोनों वैल्यू से अगर देखें तो इन दोनों वैल्यू से क्या आ रही चीज -t को इस तरफ आपने शिफ्ट किया तो t इनइक्वालिटी का साइन और 1 और ये आया 1 - 1 - 1 - 0 मतलब t छोटा होना चाहिए किसे 0 से ये भी मिलेगा आपको यहां से आपको वैल्यू मिलती है -0 और अगर आप इसको सॉल्व करते t को दूसरी तरफ ले जाते तो क्या मिलती है आपको t की तरफ इनइक्वालिटी का साइन एज इट इज यहां 1 रह गया था और इस 2 को इस तरफ लाएंगे तो -2 मतलब क्या आएगी यहां से t मस्ट बी ग्रेटर देन -1 ये ग्रेटर देन का साइन की तरफ आपको तो यहां से हम लिख सकते हैं t मस्ट बी ग्रेटर देन -1 एंड मस्ट बी लेस देन 0 उस टाइम में हमारे फंक्शन की वैल्यू कितनी होगी 2 व्हेन t इज इन बिटवीन -1 एंड 0 और लास्ट वैल्यू ये लो यहां पर हमने किसे रिप्लेस करना है t को 1 - t से तो अगर आपने 1 - t से रिप्लेस किया तो 1 - t - t मतलब इसको हम और लिख सकते थे -t - 2 यहां से अगर आप देखें तो लिख सकते थे -t - 2 किस रेंज में जब 2 से t की वैल्यू 3 के बीच है और t को आपने किसे रिप्लेस कर दिया है 1 - t से तो फिर से देखिए अगर आप इसको इस तरफ शिफ्ट करेंगे तो क्या वैल्यू मिलेगी आपको अगर आपने यहां से माइनस की तरफ शिफ्ट किया तो आपको ऐसा साइन दिखेगा टी उसके बाद इनइक्वालिटी का साइन 1 और ये टू आ गया तो -2 मतलब यहां से इनइक्वालिटी मिलेगी आपको टी मस्ट बी लेस देन -1 ठीक है। और जब इसकी को दूसरी तरफ आप शिफ्ट करेंगे तो आपके पास इस टाइप की वैल्यू आएगी 3 को आप इस तरफ शिफ्ट करते तो 1 पहले से था और -3 मतलब आपको क्या लिखा यहां से टी मस्ट बी ग्रेटर देन -2 तो -2 से बड़ी वैल्यू मिलती है टी और -1 से छोटी होनी चाहिए उस बीच में हम क्या लिखेंगे फंक्शन -t -2 व्हेन टी इज ग्रेटर देन -2 एंड लेस देन -1 तो आपने ये x ऑफ 1 - t फंक्शन डिफाइन कर दिया कि x ऑफ 1 - t फंक्शन कैसा होगा ऐसा फंक्शन होगा। अब इसको अगर आप प्लॉट करें इसको प्लॉट कैसे करेंगे आप t के रिस्पेक्ट में सपोज ये वैल्यूज हमारे पास ये कोई पॉइंट है -2 ये पॉइंट है -1 ये पॉइंट है 1 और ये पॉइंट है 2
यदि आपको माइनस वन से माइनस टू, माइनस टू से माइनस वन के बीच में क्या फंक्शन माइनस टू माइनस टू, मतलब एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है जिसके लिए स्लोप एलएक्स प्लस सी से कंपेयर करें तो एल की वैल्यू कितनी है माइनस वन। स्लोप से आपको मतलब नहीं, जब आप फंक्शन प्लॉट करेंगे तो स्लोप अपने आप सेटिस्फाई करेगा। आप सिर्फ ये देखिए कि आपको इस रेंज में जो स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है उसका स्लोप कितना है, मतलब इस इंटरसेक्शन से मतलब नहीं आपको, इंटरसेक्शन कहां हुआ आपको स्लोप से मतलब है। तो टी के लिए स्लोप कितना होगा आपको माइनस वन, मतलब वैल्यू डिक्रीज करेगी जितना टाइम में चलेंगे उतना ही डिक्रीज करेगी। टाइम हम कहां से कहां तक चलने वाले हैं, माइनस टू से लेकर माइनस वन तक। तो ये माइनस टू से लेकर माइनस वन जब आप चलेंगे तो आपने वन मिनट चला टाइम में तो यहां पर वैल्यू कितनी बनेगी माइनस वन, ठीक है। जितना स्लोप रहता है उतनी वैल्यू देगा डिक्रीज होती है। तो यहां पर हमारा स्लोप नेगेटिव था तो हम जीरो से कहां तक चले जाएंगे वन टाइम में चले तो ये वैल्यू माइनस वन होगी। अब आप उसको देखना चाहते हैं कि इसका इंटरसेक्शन कहां पर हो रहा है, तो इसका इंटरसेक्शन देखिए आप क्या करते हैं, इस लाइन को आगे अगर आप मूव करते हैं ये पॉइंट अगर आपको फाइंड करना होगा तो आप देखेंगे इस पॉइंट की वैल्यू माइनस थ्री आएगी। क्यों? माइनस टू से जीरो तक अगर आप चलेंगे टू मिनट्स तो उतना ही वैल्यू डिक्रीज करेंगे, तो ये पॉइंट कितना होगा माइनस टू। अगर ऐसे मतलब नहीं है तो आपने यहां तक ड्रॉ कर लिया माइनस टू से माइनस वन के बीच में ये फंक्शन ड्रॉ कर दिया आपने। अब माइनस वन से जीरो के बीच में फंक्शन क्या हमारा टू पर कॉस्ट 10 था, तो माइनस वन से लेकर और जीरो तक हमने इस फंक्शन को कॉस्ट 10 शो किया कितने पर, ये वैल्यू कितनी हमने टू। अब जीरो से वन के बीच में फंक्शन क्या है, इसे कॉस्ट 10 कितने पर वन पर, तो माइनस टू माइनस जीरो से वन तक हमने फंक्शन को फिर से कॉस्ट 10 बनाया कितने पर वन पर। और वन से टू के बीच में फंक्शन देखिए फिर से कैसा है, इसका स्लोप से टू माइनस टू को आप माइनस थ्री प्लस टू समझ सकते हैं, मतलब स्लोप से डिक्रीजिंग है माइनस वन स्लोप है, मतलब जितना टाइम में चलेंगे उतनी वैल्यू डिक्रीज होगी। तो हम टाइम में कितना चलने वाले हैं, वन से टू तक चलने वाले हैं मतलब वन मिनट, हमने वन से टू तक वन मिनट चलेंगे तो वैल्यू भी वन डिक्रीज होगी। अभी अगर हम वन पर हैं तो वन से वन आपने डिक्रीज कर दिया तो आप कहां पहुंच जाएंगे जीरो पर, ठीक है। फिर से आप इसके लिए देखते हैं इंटरसेक्शन देखना चाहते हैं आप इसका, तो आपको वैल्यू अगर आप उसको पीछे की तरफ एक्सटेंड करते हैं इस लाइन को, तो इस लाइन को अगर आप पीछे एक्सटेंड करते हैं तो यहां पर आप पॉइंट देखेंगे कि अगर ये अभी आप वन पर है और वन से अगर पीछे की तरफ टाइम में चलेंगे स्लोप डिक्रीज है तो वैल्यू इंक्रीज होगी। तो अगर आप वन पीछे जाएंगे तो वन ही डिस्टेंस आपको मिलेगा, तो ऑलरेडी वन पर है और वन वन एडमिट करने जाता तो मिलेगा। खैर अभी हमारे पास देखना, तो ये जो ग्राफ मिला आपको ये ऐसा ही जैसा पहले आपने वाली कैलकुलेशन से कॉल किया था, तो कोई जरूरी नहीं है कि आप इतने इसी मेथड से जाएं, इस केस में आपको क्या दिखाया है ये मेथड वाली हो जाएगा, इसमें कैलकुलेशन मिस्टेक्स होने के चांसेस हैं। तो जब भी आपको इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं तो आप इस तरह से फाइंड करने आपके लिए ज्यादा कन्वीनियंट रहेगा कि आपने डायरेक्टली शिफ्ट वाला दिया उसमें टाइम वैसा लिया और आपको ये सिग्नल मिल गया। तो इसके अकॉर्डिंग आप ऑप्शंस की बात करें तो ऑप्शन ए करेक्ट है, ठीक है। चलिए अब अगर हम अपना सेकंड क्वेश्चन लें, सेकंड क्वेश्चन आपको जो है गिवन है आपको एक x of t का फिगर है, ये हमारा कोई फंक्शन है x of t जिसकी वैल्यू है 1 फ्रॉम माइनस 1 टू 1 विद रिस्पेक्ट टू t, और आपको पूछा गया है फाइंड द सिग्नल y of t दैट इज इक्वल टू x of 3t प्लस x of 3t प्लस 2, ठीक है। तो फिर से क्या अलग मेथड हो सकते हैं, अगर हम फर्स्ट मेथड की बात करें तो यहां पर x of t आपको गिवन है और दो फंक्शंस आपको x of 3t और x of 3t प्लस 2 का सम पूछा गया है। तो अगर आप डायरेक्टली यहां से फाइंड करें x of t, अगर आपको पता है तो x of 3t कैसे फाइंड करते हैं आप, टाइम स्केलिंग ऑपरेशन में क्या करते हैं आप इन मिनट्स को जो भी स्केलिंग फैक्टर है उसे डिवाइड करते हैं, या स्केलिंग फैक्टर अगर 3 है तो आप दोनों मिनट्स को अगर 3 से डिवाइड करेंगे तो आपको कैसा सिग्नल मिलेगा, इस टाइप का आपको फंक्शन मिलेगा जिसकी वैल्यू माइनस 1 बाई 3 से प्लस 1 बाई 3 तक होगी। और आपने देखा कि टाइम स्केलिंग का कोई भी इफेक्ट वैल्यू पर नहीं होता, मतलब अगर पहले वैल्यू 1 थी तो बाद में वैल्यू 1 ही रहेगी, हमारा कौन सा फंक्शन है x of 3t, ठीक है। अब अगर दूसरा फंक्शन देखें हम तो x of 3t प्लस 2, ये फंक्शन आप कैसे फाइंड कर सकते थे, अगर आप राइट टू लेफ्ट ऑपरेशन लगाते तो पहले 3 से शिफ्ट करते फिर जो सिग्नल आता है उसमें 3 से 3 से स्केलिंग करते, लेकिन आप चूंकि x of 3t फाइंड कर चुके हैं तो अगर हम इसमें लेफ्ट टू राइट ऑपरेशन लगाते तो पहले हमें x of 3t फाइंड करना पड़ेगा, फाइंड कर चुके हैं। लेकिन जब हम लेफ्ट राइट ऑपरेशन लगाते हैं तो हमारे पास क्या सॉल्यूशन होती है कि हम t में जो भी कोफिशिएंट है वो कॉमन करें, तो अगर हमने कॉमन कर लिया 3 तो ये फंक्शन ऐसा हो गया, ठीक है। अब इसमें अगर आपने लेफ्ट राइट ऑपरेशन किया लगाना तो पहले आपको देखा स्केलिंग बाय 3 तो आप ऑलरेडी कर चुके हैं x of 3t ऐसा ही होगा। अब उसके बाद किसे शिफ्ट करना है फंक्शन को, टू बाई थ्री से शिफ्ट करना है, कैसे शिफ्टिंग है पॉजिटिव मतलब एडवांस करना, एडवांस करेंगे तो आप इधर शिफ्ट करेंगे सिग्नल को लेफ्ट हैंड साइड, तो अगर इस सिग्नल को हमने टू बाई थ्री से लेफ्ट हैंड साइड शिफ्ट कर दिया तो कैसे सिग्नल, ये शिफ्ट करने का मतलब है कि दोनों पॉइंट्स में से टू बाई थ्री सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, तो अगर माइनस वन बाई थ्री में से टू बाई थ्री सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या मिलेगी आपको माइनस थ्री बाई थ्री मतलब माइनस वन, मतलब ये पॉइंट माइनस वन पर आ जाएगा और ये जो वन बाई थ्री है वन बाई थ्री में से अगर आप टू बाई थ्री सब्ट्रैक्ट करें तो वैल्यू आपको कितनी मिलेगी माइनस वन बाई थ्री, ठीक है। मतलब ये सिग्नल होगा, अब सिग्नल कैसे दिखेगा आपको इस टाइप का दिखेगा फंक्शन, ये माइनस वन ये माइनस वन बाई थ्री, आप ऐसे समझ सकते हैं कि ये जो सेंटर था अगर हमने टू बाई थ्री से शिफ्ट कर दिया तो जो ये पीक इसका टी जीरो पर था वो पीक कहां पर है माइनस टू बाई थ्री पर है, उससे वन बाई थ्री इधर और उससे वन बाई थ्री इधर फंक्शन ड्रॉ कर लिया, वैल्यू पर अभी कोई इफेक्ट नहीं होगा, मतलब वैल्यू कितनी है वन, या आपने कौन सा फंक्शन ड्रॉ किया x of 3t plus 2 इसको या फिर ऐसे लिखा x of 3 into t plus 2 by 3, तो ये दोनों फंक्शन आपको मिल गए, इनको ऐड करने से आपको क्या मिल जाएगा y मिल जाएगा। तो इनको ऐड करना सिंपली यहां पर देखिए यहां जो वैल्यूज है जहां पर ये फंक्शन प्रेजेंट है वहां इसकी वैल्यू जीरो दिखेगी आपको, तो किसी भी चीज जीरो ऐड करेंगे तो ये फंक्शन आ जाएगा, जहां ये फंक्शन है वहां जीरो है तो ये फंक्शन आज हमारे सामने आ जाएगा। तो जब आप इन दोनों को सम करेंगे तो आपको कुछ ऐसा सिग्नल मिलेगा जो वैल्यू माइनस वन ये माइनस टू बाई थ्री ये माइनस वन बाई थ्री और एक आपको इस टाइप का ये वैल्यू यहां पर मिलेगी जीरो एंड वन बाई थ्री वैल्यू इज वन, ये हमारा फाइनल हमने क्या कर लिया वाई ऑफ टी जो किसके बराबर है एक्स ऑफ थ्री प्लस एक्स ऑफ थ्री प्लस टू के बराबर है, ठीक है। इसके बारे में ऑप्शन देखेंगे तो एमसी में ये तो सॉल्व होगा, इसमें ऑप्शन आप चेक कर सकते हैं ऑप्शन का करेक्ट है। अब इसी क्वेश्चन को आप और कैसे कर सकते थे, देखिए हमने इसी फंक्शन को पढ़ा है, जैसे आपने फंक्शन पढ़ा है ए ट्राइंगल ऑफ टी अपॉन टाउ, ठीक है। ये फंक्शन कैसा होता है जिसकी वैल्यू ए होती है कहां से कहां तक फ्रॉम माइनस टाउ बाई टू टू सॉरी माइनस टाउ टू प्लस टाउ, ठीक है। इसी में हमने जो लिमिट ट्रायंगल फंक्शन डिफाइन किया था जिसका एरिया वन हो तो हमने वो लिमिट फंक्शन डिफाइन किया था एक्स ऑफ टी, अगर इसमें आप एक वैल्यू वन पे कर दें टाउ की वैल्यू वन पे कर दें तब जो हमारा फंक्शन होगा वो यही फंक्शन होगा जो हमें गिवन है माइनस वन टू वन वैल्यू इज वन, तो यही फंक्शन हमारा एक्स ऑफ टी गिवन है। तो एक्स ऑफ टी को हम क्या कह सकते हैं, ये फंक्शन हमारा क्या है ट्रायंगल ऑफ टी, एक्स ऑफ टी हमारा कौन सा फंक्शन है ट्रायंगल ऑफ टी फंक्शन है। तो अगर आपको फाइंड करना है वाई ऑफ टी क्या फाइंड करना है एक्स ऑफ थ्री टी प्लस एक्स ऑफ 3t plus 2, तो अगर x t हमारा ट्रायंगल ऑफ t है तो इस x of 3t को क्या कह सकते हैं ट्रायंगल ऑफ 3t और प्लस इस x of 3t plus 2 को भी क्या कह सकते हैं ट्रायंगल ऑफ 3t plus 2, ठीक है। अब ये फंक्शन ड्रॉ करना हमने बहुत इसको देखा है कि कैसे हम फंक्शन ड्रॉ करते हैं, आपको स्टैंडर्ड रिप्रेजेंटेशन बताया था मैंने कि a आप जब भी किसी x of t को प्लॉट करें ट्रायंगल फंक्शन को तो इसे कंपेयर करें a ट्रायंगल ऑफ t माइनस सेंटर अपॉन टाउ, जहां पर टाउ क्या है हाफ लेंथ है, ओरिजिन के दोनों तरफ आपको उतनी लेंथ नहीं है, सेंटर के दोनों तरफ उतनी लेंथ नहीं है आपको। तो अगर इसको कंपेयर करें ट्रायंगल ऑफ 3t, तो देखिए ट्रायंगल ऑफ 3t कैसा होगा t के रिस्पेक्ट में, अगर आप x of 3t ड्रॉ करना चाहते हैं जो कि हमारा ट्रायंगल ऑफ 3t है, ट्रायंगल ऑफ 3t को और कह सकते हैं ट्रायंगल ऑफ
t अपॉन 1 by t ऐसा लिख सकते हैं। तो ये पर आ जाएगा। अब इसको कंपेयर कीजिए a ट्रायंगल ऑफ t माइनस सेंटर अपॉन टाउ। तो सेंटर की वैल्यू आपको दिख रही है t माइनस 50 मतलब सेंटर कहां पर है? 0 पर। हमें ओरिजिन पर सेंटर मिलते हुए ट्रायंगल ड्रा करना है और जिसकी वैल्यू दोनों तरफ कितनी देनी है हमें 1 / 3 1 / 3। तो आपने एक ट्रायंगल बना दिया सिंपली जिसके वेट आपने ओरिजिन के दोनों साइड कितनी शो कर दी 1 / 3 और 1 / 3। तो ये फंक्शन क्या हो गया आपका x ऑफ t या फिर ट्रायंगल ऑफ 3t या फिर उसको हम कहेंगे ट्रायंगल ऑफ t अपॉन 1 / 3 होगा। ठीक है। अब दूसरा फंक्शन जो आपको प्लॉट करना है ये देखिए ट्रायंगल ऑफ 3t + 2 इसको हम आगे लिख सकते थे। ट्रायंगल ऑफ क्या इस रिप्रेजेंटेशन में आना है? इस रिप्रेजेंटेशन में आने के लिए अगर आप 3 कॉमन कर लें तो इसको हम लिख सकते थे t + 2 / 3 और इसको हम फिर से ऐसे लिख सकते थे कि ट्रायंगल ऑफ t + 2 / 3 डिवाइडेड बाय 1 / 3 ऐसा लिख सकते हैं आप। 3 पर आ जाएगा। अब इसको कंपेयर कीजिए a ट्रायंगल ऑफ t - सेंटर अपॉन टाउ। a की वैल्यू कितनी दी गई है? 1। मतलब हाइट हमें ट्रायंगल की बननी है t + t - सेंटर होना चाहिए। यहां पर कितना है? + 2 / 3। तो माइनस की जगह प्लस दिखाने मतलब सेंटर की वैल्यू कितनी है? - 2 / 3। मतलब हम ओरिजिन जिस इस ट्रायंगल फंक्शन का जो हम सेंटर लेंगे ये हम ड्रा कर रहे हैं x ऑफ 3t + 2 जो किसके बराबर है? ट्रायंगल ऑफ t + 2 / 3 डिवाइडेड बाई 1 / 3 के बराबर। ठीक है। तो हमने देखा कि जो सेंटर है वो कहां पर है? माइनस 2 / 3 पर। कहीं पर मेरे को पॉइंट है माइनस 2 / 3। तो इसको अगर सेंटर लेकर आप ट्रायंगल ड्रा करेंगे और जो ट्रायंगल ड्रा करेंगे उसके लिए टाउ की वैल्यू कितनी है? माइनस सेंटर अपॉन टाउ होना चाहिए। टाउ की वैल्यू कितनी आपको? 1 / 3। मतलब इस सेंटर से हम दोनों ही तरफ कितनी लेंगे? 1 / 3 और 1 / 3। अगर इसे माइनस 2 / 3 से 1 / 3 पीछे जाएंगे तो वैल्यू 1 मिलेगी और माइनस 2 / 3 से 1 / 3 आगे जाएंगे तो वैल्यू माइनस 1 / 3 मिलेगी। ठीक है। और ये हाइट कितनी है इस ट्रायंगल की? 1। तो अगर इन दोनों फंक्शंस को आप ऐड कर दें आपका वाई टी होगा। तो आपने ऐड कर दिया फिर से वही शेप आपको मिल जाएगा। ये वही फंक्शन आपको अभी मिल रहा है जैसे पहले मिला था। ये वैल्यू माइनस वन, ये पॉइंट माइनस टू बाई थ्री, ये पॉइंट माइनस वन बाई थ्री, ये पॉइंट जीरो और ये पॉइंट वन बाई थ्री और ये दोनों टाइम से ऊपर नीचे आपको बनाने में गलती होगी लेकिन आप अज्यूम कर लीजिएगा कि दोनों ही हाइट्स कितनी है? 1। तो ये हमारा फंक्शन कौन सा मिल गया? वाई ऑफ टी मिल गया। तो इस तरह से आप या तो आप डायरेक्टली एक्स ऑफ टी पर ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते थे या जैसे आपने देख लिया कि फंक्शन ट्रायंगल फंक्शन है तो ये दोनों ट्रायंगल फंक्शंस को आप ड्रा कर लेते हैं कि ट्रायंगल फंक्शन कैसा दिखेगा, ये ट्रायंगल फंक्शन कैसा दिखेगा और दोनों को आपने ऐड कर लिया। तो इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन है आपके उनमें से आपका क्वेश्चन नंबर 2 के लिए ऑप्शन ए करेक्ट है। ठीक है। चलिए थर्ड क्वेश्चन देखिए, बहुत सिंपल है। ये हमारे पास ऐसा कोई थर्ड क्वेश्चन नहीं है। हमारे पास एक सिग्नल x ऑफ t गिवन है जो माइनस वन से वन तक है, वैल्यू है इसकी 1। ये सिग्नल हमारा x ऑफ t और एक दूसरा फंक्शन हमारे पास ड्रॉ किया हुआ है विद रिस्पेक्ट टू t। इस फंक्शन का नाम दे दिया g ऑफ t। ये फंक्शन देखिए कैसा है, ये इस टाइप का फंक्शन बना हुआ है -3 -2 -1 +1 +2 एंड +3 इट इज इक्वल टू 0। ये वैल्यूज आपको शो की है 1 2 एंड 3। ठीक है। पूछा गया कि x ऑफ t को हम g ऑफ t को x ऑफ t के टर्म्स में कैसे लिख सकते हैं। देखिए अगर आप देखिए इस x ऑफ t को और ये जो फंक्शन है g ऑफ t इसमें से अगर आप एक इक्वेशन को बस देखें, ये जो हमारा रेक्टेंगुलर फंक्शन है बस इतने पार्ट को अगर देखें तो इतना पार्ट हमारा बिल्कुल ऐसा ही रेक्टेंगल है जिसकी वैल्यू कितनी है? -1 से 1 तक, राइट कितनी है? 1 है। मतलब इस फंक्शन को हम सिर्फ क्या कह सकते हैं? x ऑफ t फंक्शन है हमारा ये। आप अगर देखें तो आपको तीन रेक्टेंगल्स का एडिशन दिख रहा है। ये जो g ऑफ t फंक्शन है इसको आप तीन रेक्टेंगल्स का एडिशन समझ सकते हैं। एक -1 से 1 तक रेक्टेंगल हाइट 1, एक दूसरा हमारा -2 से 2 तक रेक्टेंगल उसकी हाइट भी 1 है और तीसरा एक -3 से 3 तक रेक्टेंगल उसकी हाइट भी 1 है। आपके पास अगर x ऑफ t ऐसा गिवन है आप जानते हैं अगर ये हाइट ये देखिए -1 से 1 तक आपको दिख रही है, अगर आप इस पे टाइम स्केलिंग करें, अगर आप 2 से स्केलिंग कर देते या x ऑफ t 5 करते तो ये दोनों क्या हो जाती? -1 / 2 से 1 / 2 मतलब ये कंप्लीट हो जाती। अगर आप यहीं पे फाइंड करें x ऑफ t / 2 तो क्या होगी? ये जो वेट्स हैं ये दोनों वेट्स क्या होगी? 1 / 2 से डिवाइड करेंगे मतलब 2 से मल्टीप्लाई होगा, ये वेट्स आपको -2 से +2 तक की वैल्यू मिलेगी। ठीक है। ऐसे ही अगर आप x ऑफ t / 3 फाइंड करेंगे तो आपको क्या मिलेगी? -3 से लेकर 3 तक की वैल्यू आपको मिलेगी। तो जैसे ही आप इस फिगर को देखा आपने तो आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए कि ये जो पोजीशन है ये हमारा x ऑफ t है, ये जो दूसरा रेक्टेंगल होगा इसके अंदर -2 से 2 तक है, इसका मतलब फंक्शन को हम क्या कह सकते हैं? x ऑफ 2 t / 2 कह सकते हैं। ऐसे ही ये रेक्टेंगल जो -3 से लेकर 3 तक है इसको देखते हैं इसकी वैल्यू अगर 1 है तो हम इसे कंपेयर करके कह सकते हैं ये फंक्शन हमारा कौन सा फंक्शन होगा? x ऑफ t / 3 होगा। तो अगर इन तीनों को हम ऐड कर देते x ऑफ t, x ऑफ t / 2 और x ऑफ t / 3 को तो हमें ऐसा फंक्शन मिल जाता। इसलिए आप सिंपली यहां से कह सकते हैं फॉर y ऑफ g ऑफ t ये जो फंक्शन गिवन है इट इज इक्वल टू x ऑफ t प्लस x ऑफ t / 2 प्लस x ऑफ t / 3। तो इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन आपका करेक्ट है ऑप्शन ए। तो हम और क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 4। इस क्वेश्चन में आपको f ऑफ t की ये टेबल दी है और आपसे पूछा गया f ऑफ 4 - 2t कैसे लिखेगा। ठीक है। फिर से अगर आप इस f ऑफ 4 - 2t को आपको फाइंड करना है इसको आप ऐसे समझ सकते हैं क्या लिखा हुआ है f ऑफ माइनस 2t + 4। तो इसको फाइंड करने के लिए आप अगर एक मेथड यूज करेंगे कि आपने राइट टू लेफ्ट अगर शिफ्टिंग ऑपरेशन करना शुरू किया, सबसे पहले आपको शिफ्टिंग करनी है 4 से, फिर स्केलिंग करनी है 2 से और फिर क्या करना है? टाइम रिवर्सल करना है। तो आप इस मेथड से कर सकते हैं। दूसरा मेथड क्या हो सकता है? अगर हम इस f ऑफ t को रिप्रेजेंट करते हैं मैथमेटिकली तो हम लिखते हैं f ऑफ t = -2 से 0 तक। t टाइम में वैल्यू 2 है मतलब स्लोप इसका 1 है, इंटरसेक्शन आपको दिख रहा है c 2। तो y = mx + c से वैल्यू फ्रॉम -2 टू 0, 0 से 1 के बीच में फंक्शन कांस्टेंट है 2 पर, इट इज इक्वल टू 2 0 से लेकर जब तक t की वैल्यू 1 के बीच में है और 1 से 2 पर वैल्यू फिर से कांस्टेंट है 1 पर एंड इज इक्वल टू 1 इफ t इज इन बिटवीन 1 एंड 2। ठीक है। तो आप दोनों ही मेथड यूज कर सकते हैं, टाइम शिफ्टिंग, टाइम रिवर्सल और स्केलिंग करें। चलिए मैं इसे कर देता हूं, आप इसे ऑपरेशन करके इसे वेरीफाई कर लेना। तो अगर हमें f(t) गिवन है और हमें फाइंड करना है f -2t -4, तो अगर इसे हम t को रिप्लेस कर देंगे इससे -2t + 4 से तो हमें सिग्नल मिल जाएगा। तो चलिए यहां से अगर हम f 4 - 2t देखें तो f ऑफ 4 - 2t यही वैल्यू होगी, इट इज इक्वल टू t + 2 / 2 को आप रिप्लेस किया 4 - 2t से + 2, कहां से कहां के बीच में होगी वैल्यू? -2 से, जब 4 - 2t की वैल्यू क्या हो? 0 के बीच में। इसे यहां से कैलकुलेट करेंगे, अगर आप पहले इस -2t को अगर आप शिफ्ट कर लेते तो इस -2t को शिफ्ट करते वैल्यू क्या हो जाती? 2t मस्ट बी साइन का लेस देन का ये 4 और -2 इधर आता तो +2, मतलब एक वैल्यू आपको यहां से क्या मिल जाती कि t मस्ट बी लेस देन 6/2 दैट इज 3। यहां से अगर आप -2t को शिफ्ट कर देते तो आपको वैल्यू मिलती 2t ग्रेटर देन का साइन 4, मतलब t की वैल्यू होती मस्ट बी ग्रेटर देन 2। तो यहां से कैलकुलेट करेंगे आपको कि ये वैल्यू होगी कहां से कहां तक, देन इन दोनों के करेस्पोंडिंग इसके लिख सकते हैं आप t जब 2 से बड़ा है और 3 से छोटा है। ठीक है। फिर आप सेकंड आपको दिख रही वैल्यू f(t) की वैल्यू 2 है, तो f ऑफ 4 - 2t की वैल्यू 2 होगी। हमने इसको लिखा है इक्वल टू 2 कब से कब तक? जब t की वैल्यू 0 और 1 के बीच में। तो हम लिखेंगे 0 से t को आपने रिप्लेस किया 4 - 2t से, तो जब तक ये चीज 0 और 1 के बीच में होगी। तो सबसे पहले हमने सुनी -2t इधर शिफ्ट किया, +2t <t->, less than 4 इधर शिफ्ट किया,
2t ग्रेटर देन जो बन कर आ जाएगा तो 4 माइनस 1 यहां से क्या लिमिट मिल जाएगा आपको t मस्ट बी लेस देन 2 यहां से क्या लिमिट मिल जाएगा आपको t ग्रेटर देन 3 बाय 2 मतलब अगर इन दोनों को अगर आप कंबाइन कर लें तो t जो ग्रेटर देन होना चाहिए 3 बाय 2 से मतलब 1.5 से और छोटा होना चाहिए किससे 2 से इसके लिए फिर आपको थर्ड वैल्यू इसकी जगह देना 1 तो यहां भी हम 4 माइनस 2t लिखेंगे लेकिन किसके लिए जब 1 से t की वैल्यू t को हमने रिप्लेस किया 4 माइनस 2t से तो 4 माइनस 2t जब हमारा किसके बीच में होगा 1 और 2 के बीच में होगा तो यहां से देखिए लिमिट जा जाएंगी आपकी माइनस 2t को आपने इधर शिफ्ट किया 2t साइन यही रहेगा 1 को इधर करेंगे आपको 4 माइनस 1 और यहां डिस्टेंस शिफ्ट किया आपने तो 2t इस 2 को इधर शिफ्ट करेंगे तो 4 माइनस 2 तो यहां से क्या वैल्यू आ रही है t मस्ट बी लेस देन 3 बाय 2 और यहां से क्या वैल्यू आ रही है t मस्ट बी ग्रेटर देन 1 ये 2 बाय 2 आप करेंगे तो 1 तो इन दोनों से अगर आप देखें तो लिमिट मिलेगी आपको t जो वैल्यू होनी चाहिए 1 से बड़ी होनी चाहिए और 1 बाय 1.5 मतलब 3 बाय 2 से छोटी होनी चाहिए तो ये हमने अपना फंक्शन लिख लिया ये हमारे फंक्शन f ऑफ 4 माइनस 2t की ये वैल्यूज होंगी और ये हमारे रिजल्ट्स हैं ये हमारी पहली लिमिट है ये हमारी दूसरी लिमिट है और ये हमारी तीसरी लिमिट है तो इसके बाद डायरेक्टली आप फंक्शन अगर ड्रॉ कर लें सपोज हम ये ड्रॉ कर रहे हैं t के रिस्पेक्ट में f ऑफ 4 माइनस 2t तो देखिए कहां से कहां तक अगर हम देख लें रिजल्ट हमारा 1 से 3 बाय 2 3 बाय 2 से 2 और 2 से 3 मतलब फंक्शन एग्जिस्ट कर रहा है कहां से कहां तक 1 से लेकर 3 तक एग्जिस्ट कर रहा है तो हमने ये पॉइंट्स बना लिए सपोज ये हमारे पास t इक्वल्स टू 1 है ये 2 है और ये 3 इनके बीच में कहीं पर हमारे पास यहां क्या वैल्यू होगी 1.5 होगी इसके बीच में किसी ने जो आपको ड्रॉ करना है सबसे पहले 2 से लेकर 3 के बीच में आपका जो फंक्शन लिखा यहां से चले 1 से 3 बाय 2 के बीच में फंक्शन कैसे हमारा कांस्टेंट के डिग्री पर 1 पर तो हमने ये 1 से लेकर 1.5 मतलब 3 बाय 2 तक फंक्शन कांस्टेंट बनाया डिग्री पर 1 पर फिर 1.5 से 2 तक फंक्शन कांस्टेंट के डिग्री पर 2 पर तो 1.5 से 2 तक हमने कांस्टेंट बनाया सभी डिग्री पर 2 पर ये पॉइंट 1 है और ये 2 है ठीक है अब 2 से 3 के बीच में जो हमारा फंक्शन होगा कितना देखिए इसको अगर हम सॉल्व करते तो ये वैल्यू आ जाती है -2t + 6 तो आपको इस इंटरसेक्शन से किसे मतलब नहीं ऑलरेडी सेटिस्फाई कर लिया आपने आपको सिर्फ ये देखना है y = mx + c से स्लोप कितना है लाइन का जो लाइन हमने कहां से कट करनी है 2 से 3 के बीच में उस लाइन का स्लोप होना चाहिए -2 तो अगर लाइन का स्लोप -2 है और हम कितना चलने वाले डिस्टेंस 2 से 3 तक मतलब 1 यूनिट चलने वाले तो स्लोप 2 है 1 यूनिट चलेंगे तो वैल्यू डिक्रीज होगी कितनी 2 2 * 1 मतलब वैल्यू 2 डिक्रीज होगी और अभी आप 2 पर हैं 3 में से 2 डिक्रीज करेंगे तो वैल्यू कितनी हो जाएगी 0 तो आपको ये फंक्शन कैसा मिलेगा इस टाइप का फंक्शन मिलेगा अब इसके लिए आप अगर देखना चाहते हैं कि y एक्सिस पर इंटरसेक्शन c पर हुआ है 6 पर हुआ या नहीं अगर आप इसे सेटिस्फाई करना चाहते हैं कि ये इंटरसेक्शन पॉइंट 6 मिलेगा आपको या नहीं मिलेगा तो अगर आप इस लाइन को एक्सटेंड करते हैं अगर आप इस लाइन को एक्सटेंड कर दें इसका स्लोप आपने कहा कितना है स्लोप है इसका -2 मतलब 3 आगे की तरफ जाएंगे तो वैल्यू डिक्रीज करेगी पीछे की तरफ जाएंगे तो वैल्यू इंक्रीज करेगी यदि आप t इक्वल टू कितने पर हैं 2 पर जब आप 0 तक आएंगे इस लाइन को लेकर तो मतलब आप 2 डिस्टेंस कवर करेंगे तो वैल्यू भी 2 * 2 मतलब 4 टाइम्स इंक्रीज होगी तो स्लोप कितना -2 टाइम में 2 चलेंगे तो वैल्यू 2 टाइम्स इंक्रीज होगी तो अगर यहां वैल्यू 2 है और इसमें अगर आप ऐड करेंगे तो आपको ये पॉइंट चला जाएगा 6 आप देख लेंगे सेक्शन कहां है इस लाइन का 6 पर यहां बस आपसे पूछा गया आपको सिर्फ फिगर ड्रा करना था तो आप किसी मेथड से करते हैं अगर आप पहले शिफ्टिंग करते फिर पीछे से करते और टाइम डिवीजन लेते तो ये आपको ये मिलता तो इसके अकॉर्डिंग जो करेक्ट ऑप्शन है वो सी ऑप्शन करेक्ट है ठीक है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 5 देखिए आप इसमें गिवन है कि सिग्नल x ऑफ t है जिसको हमने ट्रांसफॉर्म करके दूसरा सिग्नल y ऑफ t फाइंड किया ठीक है जहां पर y ऑफ t की वैल्यू है x ऑफ 1 माइनस t by 2 ये इसको आप और समझ सकते हैं लिखा है x ऑफ माइनस 1 by 2 t प्लस 1 ठीक है ऐसे लिख सकते हैं अब इस y ऑफ t के लिए आपको डायग्राम गिवन है ये y ऑफ t कैसा दिखता है ये y ऑफ t की वैल्यू गिवन है आपको इस टाइप का कुछ सिग्नल आपने ड्रॉ किया हुआ है ठीक है t के रिस्पेक्ट में ये हमारा सिग्नल है y ऑफ t ये वैल्यूज आपको गिवन है 1 ये पॉइंट्स है -2 0 2 एंड 4 तो पूछा गया कि इनमें से सिग्नल x ऑफ t का शेप कैसा होगा देखिए यहां पर आपको बहुत इसे अगर आप y ऑफ t से x ऑफ t फाइंड करना चाहते हैं तो फिर से रिप्लेसमेंट मेथड से आप देख सकते हैं कि y ऑफ t से x ऑफ t कैसा होगा लेकिन आप एग्जाम में आपको एग्जाम में इतना करने की जरूरत नहीं है अगर आपको इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं तो आप स्मार्टली इनको सॉल्व करना सीखिए देखिए सबसे पहले आपको क्या दिख रहा है x ऑफ t से y कैसे मिला होगा ये y ऑफ t आपको गिवन है तो x ऑफ t में आपने पहले 1 से शिफ्टिंग की होगी अगर आप y की तरफ लिख करके देखना चाहते हैं तो देखिए क्या क्या ऑप्शन परफॉर्म हुआ होगा x ऑफ t पर शिफ्टिंग हुआ होगा ठीक है उसके बाद x ऑफ t में क्या दिख रहा है 1 / 2 से t में स्केलिंग ठीक है मतलब ये कौन सा केस है अगर स्केलिंग फैक्टर 1 से छोटा है मतलब कौन सा केस है एक्सपेंशन का केस इसका मतलब x ऑफ t जो भी सिग्नल रहा होगा उसको अगर हमने 1 / 2 से स्केल किया होगा तो जो सिग्नल y ऑफ t मिला है इसकी जो टोटल विड्थ है वो x ऑफ t की टोटल विड्थ से क्या होगी डबल होगी जैसा x ऑफ t फाइंड करते तो सिग्नल कंप्रेस हो जाता लेकिन x ऑफ -1 / 2 आपने फाइंड किया मतलब सिग्नल क्या हो गया होगा एक्सपेंड हो गया होगा तो अगर आप इसकी टोटल विड्थ देखें y ऑफ t की तो -2 से लेकर 6 तक ही है तो टोटल विड्थ सिग्नल कितनी है टाइम वेट अगर देखें तो 6 है -2 से लेकर 4 तक मतलब टोटल विड्थ 6 है तो अगर y की टोटल विड्थ 6 है इसका मतलब x ऑफ t की टोटल विड्थ कितनी होगी विड्थ अगर हम देखें विड्थ ऑफ x ऑफ t सिग्नल जो रही होगी वो इसकी हाफ रही होगी जी भाई अभी हमने उसमें 2 / 2 किया होगा तो टोटल विड्थ कितनी होगी 6 तो अब यहां से अगर आप इन ऑप्शंस को देखें तो ऑप्शन ए में आपको दिख रहा है इसकी टोटल विड्थ 3 है क्योंकि सिग्नल -2 से लेकर 1 तक है तो ये ऑप्शन हो सकता है पॉसिबल है बी ऑप्शन में आपने देखा -6 से लेकर 2 तक एक्सपेंड है सिग्नल तो -6 से लेकर टोटल विड्थ 8 तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता बी ऑप्शन में नहीं हो गया सी ऑप्शन में फिर से आपको दिख रही है विड्थ 3 है ये ऑप्शन हो सकता है डी ऑप्शन में आपको दिख रही है विड्थ 6 है तो डी ऑप्शन नहीं हो सकता मतलब बी और डी ऑप्शंस को रिमूव कर दो अब इसके बाद फिर से क्या देख रहे हैं आप कि आपने x में ये टाइम डिवर्सल किया माइनस साइन का मतलब टाइम डिवर्सल अभी थोड़ी देर पहले हमने बात की पहले वीडियो में हमने बात की है कि अगर x ऑफ t में टाइम डिवर्सल लेने से आपको y ऑफ t मिला है और y ऑफ t में अगर कहीं स्ट्रेट लाइन का स्लोप आपको कैसा दिख रहा है डिक्रीजिंग ये डिक्रीज हो रही है टाइम के साथ इसका मतलब जो सिग्नल x ऑफ t रहा होगा इसमें जो फिगर इसका देखेंगे तो इसमें स्लोप किसी तरह का होगा इंक्रीज हो जाएगा तभी हमने टाइम डिवर्सल लिया तो सिग्नल का स्लोप कैसा है डिक्रीजिंग तो आपके पास दो ऑप्शंस रह गए थे ए और सी तो अगर आप देखें ए ऑप्शन तो ए ऑप्शन में भी डिक्रीजिंग स्लोप दिख रहा है तो ये हो सकता है क्योंकि y में स्लोप डिक्रीजिंग है तो x की स्लोप इंक्रीजिंग होना चाहिए तो सी ऑप्शन ही एक ऐसा ऑप्शन है जिसकी टोटल विड्थ भी है और उसमें जो स्लोप दिख रहा है आपको कैसा दिख रहा है इंक्रीजिंग तो इसलिए इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा है सी ठीक है इस टाइप से आप इन ऑपरेशंस का इफेक्ट भी देखते हुए इन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में हम देख लें क्वेश्चन नंबर 6 इस क्वेश्चन में हमारे पास दो फिगर्स गिवन है हर क्वेश्चन को सॉल्व करके देखना ये आपके लिए ऐसा अप्रोच आपका नहीं होना चाहिए तो आप स्मार्टली चीजों को हैंडल करेंगे जैसे हम देखते हैं क्वेश्चन पे x ऑफ t फंक्शन है हमारा ये वैल्यू 2 है और ये वैल्यू है -1 ये पॉइंट्स हैं -1 0 t = 0 का पॉइंट है ये पॉइंट 1 2 3 इसी के नीचे दूसरा सिग्नल हमारे पास गिवन है t के रिस्पेक्ट में जो वैल्यू इस टाइप की है ये वैल्यू है 2 इसके बाद ये हमारा नीचे की तरफ बना हुआ है फंक्शन और इसकी वैल्यू गिवन है -4 ये स्टैंड्स है -0.5 t = 0 0.5 1 और 1.5 इस फंक्शन को हमने नाम दिया है y ऑफ t
और आपसे गिवन है आपको कि जो y ऑफ t है वो x ऑफ t पे कुछ ऑपरेशंस परफॉर्म करने से मिल रहा है, a x ऑफ t माइनस t नॉट अपॉन ओवरऑल अपॉन w, ठीक है। ये हमारे पास ऐसी वैल्यू गिवन है, तो पूछा गया है कि a इज इक्वल्स टू व्हाट, t नॉट इज इक्वल्स टू व्हाट एंड w इज इक्वल्स टू व्हाट, ठीक है। तो आपके पास जो सिग्नल गिवन है x t और y t, और उसमें से पूछा गया है कि a t नॉट और w की वैल्यू क्या करें, कि जब हम x ऑफ t पे ये ऑपरेशंस परफॉर्म करें तो हमें ऐसा सिग्नल y ऑफ t मिलेगा, ठीक है। देखिए इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि ये चीज क्या है हमारी, a x ऑफ t अपॉन w माइनस t नॉट अपॉन w, ऐसा लिख सकते हैं। ऑपरेशन परफॉर्म करना आप शुरू करें, एक्स ऑफ फंक्शन गिवन है, अगर हम उस फंक्शन को माइनस साइन डिग्री मतलब डिवाइड कर दें कितने अमाउंट से, टी नॉट अपॉन डब्ल्यू अमाउंट से, और फिर सिग्नल पर ये टी वैल्यू कितना मल्टीप्लाई कर दें, मतलब उसमें हम टाइम स्केलिंग कर दें कितने से, 1 अपॉन डब्ल्यू से, और जो सिग्नल आए उसके एम्पलीट्यूड को कितने से मल्टीप्लाई कर दें ए से, तो हमें हमारा सिग्नल मिल जाएगा कौन सा, वाई टी। ये हम ऑपरेशन में देखे हैं, ये एम्पलीट्यूड स्केलिंग का केस है, ये टाइम स्केलिंग का केस है, और ये शिफ्टिंग है, मतलब आपको शिफ्ट भी करना है, टाइम स्केलिंग करना है और एम्पलीट्यूड स्केलिंग करना है, तब आपको ये सिग्नल क्या मिलेगा, वाई ऑफ टी मिलेगा, ठीक है। अब यहां से देखिए क्लियरली कि अगर हमने एक्स ऑफ टी में पहले शिफ्टिंग अप्लाई कर दी कितने से, माइनस टी नॉट अपॉन डब्ल्यू से, अगर हमने एक्स ऑफ टी को माइनस का मतलब डिले करें, आपने अगर सिग्नल को किसी भी अमाउंट से अगर डिले कर दिया तो क्या इस ट्रायंगल का पीक जीरो पर आ जाएगा, नहीं रहेगा, ये ट्रायंगल का पीक होगा जीरो के बाद करूंगा। अब उसके बाद अगर आप कुछ भी शिफ्टिंग उसके बाद स्केलिंग कुछ भी करते हैं, एम्पलीट्यूड से मल्टीप्लाई करते हैं, तो भी इस ट्रायंगल का पीक आपको जीरो पर नहीं मिलेगा, लेकिन जो हमारा ऑप्शन है वाई टी, उसमें आपको ट्रायंगल का पीक कभी कितने पर दिख रहा है, जीरो पर दिख रहा है, मतलब ये जो शिफ्टिंग है सिग्नल में एक्स ऑफ टी में आपने कुछ भी शिफ्टिंग नहीं दी, अगर आपने शिफ्टिंग करनी होती तो ये वाई टी का पीक भी हमें जो भी वैल्यू मिलेगी पॉजिटिव साइड में या नेगेटिव साइड में, वो ये पीक हमें जीरो पर मिलेगा, क्लियर है ये चीज। अच्छा आप ऐसा भी समझ सकते हैं कि ऐसा भी हो सकता है कि शिफ्टिंग हम करते हैं जिसका पीक जीरो पर आ सकता है, लेकिन ऐसा आपको देखिएगा जो मेरे फंक्शन है ये जो दोनों ट्रायंगल्स होंगे ये एक बार ही आएंगे, ठीक है। मतलब ये है कि हमारे हमने वहां पर कोई शिफ्टिंग अप्लाई नहीं की, एक्स ऑफ टी में अगर कोई शिफ्टिंग नहीं है, मतलब ये चीज आप देखकर समझ लें कि टी नॉट की वैल्यू कितनी है, जीरो, जैसे देखिए ये चीज भी कर रहे हैं, जैसे अगर हमने इसको किसी भी अमाउंट से शिफ्ट कर दिया, अगर हमें शिफ्टिंग हमें वे फॉर्म बना लेते हैं, एक्स ऑफ टी में अगर आपने ये टी नॉट अपॉन डब्ल्यू की कुछ भी वैल्यू मानी, जैसे वैल्यू कितनी हमारी एक्स है, तो अगर आप सिग्नल को शिफ्ट कर देते एक्स अमाउंट से, तो कैसा दिखता आपको सिग्नल, इस टाइप का आपको सिग्नल दिखता, ठीक है। टी के रिस्पेक्ट में एक्स ऑफ टी प्लस एक्स की जगह टी मान लेते हैं, इसकी वैल्यू टी है, ठीक है। अगर आपने एक्स ऑफ टी माइनस टी ड्रॉ किया होता तो आपको इस टाइप का सिग्नल मिलता, ठीक है। अब इस पर आप और क्या करने वाले हैं, कुछ स्केलिंग करने वाले हैं, स्केलिंग का क्या होता है, देखो वैल्यूज ये मिलेगा होंगी, पहले अगर मैंने माइनस वन थी तो माइनस वन प्लस पी हो जाएगा, ये पॉइंट, ये पॉइंट वन प्लस पी हो जाएगा, ये पॉइंट टू प्लस पी हो जाएगा, ये पॉइंट थ्री प्लस पी हो जाएगा, सारे पॉइंट्स क्या हो गए, शिफ्ट हो गए, ठीक है। अब इसमें आप अगर स्केलिंग करेंगे तो स्केलिंग का मतलब होता है कि जो भी पॉइंट्स इन वैल्यूज हम स्केलिंग फैक्टर से डिवाइड करेंगे, आपने अगर किसी भी स्केलिंग फैक्टर से डिवाइड किया तो अब ये पीक आपको जीरो पर नहीं मिल सकता, लेकिन यहां पर आपको फंक्शन में क्या दिख रहा है, ट्रायंगल का पीक कहां पर है, जीरो पर, इसलिए आपने क्या कहा, ये जो टी नॉट है शिफ्टिंग, उस शिफ्टिंग की वैल्यू कितनी हो जाएगी, जीरो होनी चाहिए, ठीक है। अब अगर शिफ्टिंग की वैल्यू जीरो है, मतलब फंक्शन कैसा है हमारा, a टाइम्स x ऑफ t अपॉन w और ये माइनस लिखना, तो जीरो का मतलब फंक्शन हो गया। तो अब आपको क्या करना है, इस x ऑफ t में इसका मतलब हमें एक स्केलिंग करनी है और एक एम्पलीट्यूड स्केलिंग करनी है, तो हमें ये सिग्नल मिल जाना चाहिए। स्केलिंग फैक्टर कैसे देखेंगे हम, इसकी टोटल वेट कितनी है, माइनस वन से लेकर ये सिग्नल कहां तक है, ठीक है, तो इसकी टोटल वेट कितनी है, टाइम वेट फोर है, और इस सिग्नल को अगर हमने देखा तो इस सिग्नल की टोटल वेट कितनी है, ये सिग्नल हमारा माइनस 0.5 से 1.5 तक है, मतलब इसके लिए टाइम वेट कितनी है, टू है। तो अगर सिग्नल हमारा x ऑफ t का टाइम वेट फोर है और y t का टाइम वेट टू है, इसका मतलब ये सिग्नल कंप्रेस हो गया, कंप्रेस कब होता है, जब हमारा स्केलिंग फैक्टर क्या वो वन से बड़ी वैल्यू है तभी कंप्रेस हो सकता है, और कितने टाइम्स कंप्रेस हुआ है, टू टाइम्स, मतलब आप कह सकते हैं कि y ऑफ t जो मिला होगा वो कितने टाइम्स स्केलिंग करने से मिला होगा, टू टाइम्स स्केलिंग करने से मिला होगा, ठीक है। x ऑफ t अगर हम करते हैं तब हमारी टाइम वेट क्या हो जाती है, 4 से 2 हो जाती है। यहां पर स्केलिंग करके यहां पर जो x ऑफ t होना चाहिए उस t की जगह पर क्या लिखा है, t अपॉन w लिखा है, t होना चाहिए क्या है, 1 अपॉन w इनटू t है, इसका मतलब 1 अपॉन w की वैल्यू कितनी है, 2 है, तो w की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/2, मतलब आपने दूसरी वैल्यू क्या फाइंड कर ली, w की वैल्यू आपने देख लिया, w की वैल्यू कितनी है, 1/2 है, ठीक है। अब अगर हम एम्पलीट्यूड की बात करें, यहां एम्पलीट्यूड माइनस 1 है, यहां पर वैल्यू कितनी हो गई इसकी, 2, टाइम शिफ्टिंग या फिर टाइम स्केलिंग का इफेक्ट नेगेटिव पर नहीं होगा, मतलब एम्पलीट्यूड स्केलिंग का ही केस होगा जिससे वैल्यू माइनस 1 से कितनी हो गई, 2 हो गई, तो माइनस 1 को हम किस चीज से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 हो जाएगा वैल्यू, माइनस 2 से, अगर आप माइनस 1 को माइनस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 हो जाएगी वैल्यू, ऐसे ही अगर ये वैल्यू 2 थी, अगर इसको माइनस 2 से मल्टीप्लाई करें तो वैल्यू 2 माइनस 3 कितनी हो जाएगी, माइनस 4, मतलब एम्पलीट्यूड स्केलिंग आपने देख लिया कि एम्पलीट्यूड में सिग्नल कितने से मल्टीप्लाई हो गया, इस सिग्नल से हर जगह आपको दिखा कि एक ही वैल्यू कितनी है, माइनस 2, अगर आप माइनस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू माइनस 4 दिखेगी, और ये वैल्यू माइनस 1 की वैल्यू कैसे दिखेगी, प्लस 2 दिखेगी। तो आपने ये वैल्यू फाइंड कर ली कि शिफ्टिंग नहीं की गई है एक्स ऑफ टी में, इस एक्स ऑफ टी को 2 से स्केल किया गया है, इसलिए डब्ल्यू की वैल्यू 1/2 है, और इसमें एम्पलीट्यूड स्केलिंग की गई है माइनस 2 फैक्टर से, जिससे जो भी पॉजिटिव एम्पलीट्यूड थे वो सब नेगेटिव हो गए और नेगेटिव वैल्यूज पॉजिटिव हो गई, तो इसके ऊपर जो ऑप्शन है आपका वो ऑप्शन सी करेक्ट है, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 6। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखें, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 में हमारे पास दो डायग्राम्स गिवन है, एक सिग्नल हमारा एफ ऑफ टी, ये सिग्नल ऐसा सिग्नल है, ये एफ ऑफ टी सिग्नल हमारा, इसके लिए जो वैल्यूज है इट इज माइनस 1, 1, 2, 3, ये वैल्यू है 1, ये फंक्शन हमारा एफ ऑफ टी, और एक दूसरा फंक्शन हमारे पास गिवन है जी ऑफ टी, ये जी ऑफ टी फंक्शन देखिए कैसा है, जी ऑफ टी इस फंक्शन की वैल्यू 0 से 1 के बीच में, ये एक स्ट्रेट लाइन दिख रही है, फिर 1 से लेकर 2 के बीच में ये फंक्शन कांस्टेंट है, 0 से माइनस 1 के बीच में इस टाइप का आपको ये फंक्शन गिवन है, फिर 1 से माइनस 2 के बीच में रिपीट वैल्यू है, माइनस 2, माइनस 1, 0, 1 एंड 2, ये पॉइंट आपको गिवन है माइनस 1, ये पॉइंट्स गिवन है 1, ये दोनों हाइट्स 1 और 1 है, ठीक है, ऊपर नीचे दिख रही वाली लेके ये दोनों सेम हाइट है, ये 1। तो पूछा गया है कि एफ ऑफ टी को अगर हम जी ऑफ टी माइनस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कैसा शेप होगा, ठीक है, ये जी टी है, जी ऑफ टी माइनस 1 कैसा होगा, अगर हम यहां ड्रॉ करें टी के रिस्पेक्ट में जी ऑफ टी माइनस 1, तो जी ऑफ टी माइनस 1 मतलब हमें इस जीटी फंक्शन पर शिफ्टिंग करनी है कितने से, 1 यूनिट से, तो अगर 1 यूनिट से आपने इसको शिफ्ट कर दिया, माइनस साइन इसका मतलब डिले करना है आपको, तो अगर हमने इसको डिले कर दिया तो माइनस 2 का पॉइंट कहां जाएगा, माइनस 1 पर, तो आपको ये साइन ये सिग्नल कैसे दिखेगा, माइनस 1 से 0 के बीच में ये फंक्शन कांस्टेंट है 1 पर, फिर यही पर वैल्यू चेंज होगी 1 से माइनस 1, फिर ये वैल्यू कांस्टेंट रहेगी, फिर ये वैल्यू इंक्रीज होगी, फिर ये वैल्यू कांस्टेंट रहेगी। तो आपने ये फंक्शन बनाया, ये वैल्यू 1 है, ये माइनस 1 है, ये पॉइंट माइनस 1 0, ये पॉइंट 1, ये पॉइंट 2, ये पॉइंट 3, ठीक है, ये हमारा फंक्शन है g ऑफ t माइनस 1, इसको किससे मल्टीप्लाई करना है, इस फंक्शन f ऑफ t से, तो इसको इसके नीचे ड्रॉ करेंगे अगर हम f ऑफ t फंक्शन को,
f ऑफ t फंक्शन देखिए कैसा है, 1 से 0 के बीच में एक स्ट्रेट लाइन है, यहां भी 0 से लेकर 1 के बीच में एक स्ट्रेट लाइन है, उसके बाद ये फंक्शन 1 से 2 तक कांस्टेंट है और फिर 2 से 3 तक ये फिर से एक स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। ये वैल्यूज ये पॉइंट है 1 2 3 -1, ये हाइट ये वैल्यू 1 है और ये भी हाइट ये -1, ठीक है। अब आपको इन दोनों फंक्शंस को मल्टीप्लाई करके पूछा गया कि इनका मल्टीप्लिकेशन कैसा दिखेगा, ठीक है, सिंपल है। तो अगर आपको g ऑफ t -1 और f ऑफ t का प्रोडक्ट पूछा गया आपसे, यहां पर अगर आप ड्रा करें विद रिस्पेक्ट टू t, अगर आप ड्रा कर रहे हैं f ऑफ t * g ऑफ t -1, ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है जहां पर ये फंक्शंस कांस्टेंट हैं, जिस डायरेक्शन में ये कांस्टेंट हैं, तो कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब जैसे अगर 1 से हम किसी भी चीज को मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या रिजल्ट होता है, 1 वैल्यू। तो अगर आपने 1 से इस बीच में सिग्नल हमारा -1 से डिग्री जो भी वैल्यू थी, आपने अगर इसको 1 से मल्टीप्लाई किया तो सेम वैल्यू आपको मिलेगी। तो -1 से लेकर 0 तक अगर आप देखें तो फंक्शन का शेप आपका ऐसा ही है, ये -1 से 0 तक ये वैल्यू कहां तक आ जाएगी, -1 तक, ठीक है। अब इसके बीच में देखिए 0 से लेकर 1 तक इस फंक्शन की वैल्यू -1 है और इस फंक्शन की वैल्यू कैसे इंक्रीज हो जाएगी, तो अगर आप किसी रैंप पे इंक्रीज है उसको -1 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसका मतलब आपका स्लोप क्या हो गया, नेगेटिव हो गया। तो जो ये वैल्यू इंक्रीज करेगी जिस रेट से, तो ये रेट से वैल्यू क्या करेगी, डिक्रीज करेगी। तो अगर आप देखिए यहां से, जैसे आप यहां पर अगर देखें t = 0 पर इसकी वैल्यू कितनी है, 0 0 * -1 वैल्यू कितनी होगी, 0 होगी। t = 1 तक आते-आते ये सिग्नल तो -1 पर ही है, ये सिग्नल कहां तक पहुंच गया, +1 तक पहुंच गया। तो 1 * -1 क्या होगी आपकी, 1। तो ये 0 से लेकर -1 तक से वैल्यू हमारी डिक्रीज होने वाली है, 1 का पॉइंट है, ये कहीं पे पॉइंट है -1, तो 0 से लेकर -1 तक हमारी वैल्यू फिर से डिक्रीज हो जाएगी। इन दोनों को अगर आपने मल्टीप्लाई किया तो ये जो इंक्रीजिंग स्लोप था वो आपको क्या मिला, डिक्रीजिंग स्लोप मिला। ये वैल्यू 0 से 1 चेंज हो रही थी, ये वैल्यू मल्टीप्लाई करते -1 से 0 से -1 चेंज हो गई, ठीक है। अब 1 से 2 के बीच में देखिए, ये फंक्शन हमारा रैंप इंक्रीजिंग, ये फंक्शन कांस्टेंट है कितना, 1। तो फिर से किसी भी चीज को अगर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही चीज आपको मिलेगी। तो यहां पर ये वैल्यू -1 था, -1 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो -1, मतलब यहां पर वैल्यू -1 है, दिखाई थी हमारा -1। 2 तक आते आते इस फंक्शन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0। 0 * 1 इस बीच में फंक्शन का 1 है, तो 0 * 1 की वैल्यू हमारी कितनी हो जाएगी, 0। तो अगर आप 2 तक आते आते देखें तो 2 तक आते आते ये फंक्शन क्या हो जाएगा, इंक्रीज होते फंक्शन -1 से इंक्रीज होते होते ये 0 हो जाएगा, ठीक है। ये पॉइंट -1 0 ये t = 1 है, ये t = 2 है। अब 2 से लेकर 3 के बीच में देखिए, ये फंक्शन डिक्रीजिंग रैंप है, उसको हम 1 से मल्टीप्लाई करने वाले हैं, तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे मतलब वैल्यू पे कोई इफेक्ट नहीं होगा। तो यहां पर वैल्यू कितनी है इस फंक्शन की, +1। तो 1 * 1 कहां रहेगी वैल्यू, +1, मतलब ये वैल्यू 1 से डिक्रीज होना शुरू करेगी। यहां तक आते आते इसकी वैल्यू 0, तो 0 * 0 वैल्यू क्या हो जाएगी, 0, मतलब आपको जो शेप मिलेगा वो कैसा मिलेगा, इस बीच में 2 से लेकर 3 के बीच में इस टाइप का शेप मिलेगा। जैसे यहां पर कहीं पर आप मान लीजिए यहां वैल्यू 1.5 है, तो 1.5 * ये वैल्यू 1 है, तो 1.5 * 1 की वैल्यू आपको क्या मिलेगी, यहां 1.5 मिलेगी, मतलब 0.5 है, सॉरी 1 से कम है मतलब 0.5, तो यहां पे वैल्यू आपको क्या मिलेगी, 0.5। तो आप इनको सिंपली आप खुद ही मल्टीप्लाई कर सकते हैं, इतना कंफ्यूजन की जरूरत नहीं है। अगर मैं आपको नहीं समझा पा रहा हूं, आप इसको करके देखना, जहां पर वैल्यू 1 है उसको जिस चीज से मल्टीप्लाई कर रहे हैं वही चीज मिलेगी, जहां वैल्यू -1 है उसे जिस चीज से मल्टीप्लाई किया, अगर वो इंक्रीजिंग स्लोप का रैंप था तो कैसा हो गया, डिक्रीजिंग हो गया। यहां वैल्यू फिर से कांस्टेंट 1 थी, 1 के जैसे मल्टीप्लाई किया वही वैल्यू मिली। तो इसके अकॉर्डिंग जो ऑप्शन है आपका वो ऑप्शन सी करेक्ट। तो इसके अगले क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 अगर आप देखें, तो क्वेश्चन नंबर 8 में हमारे पास x ऑफ n से एक सीक्वेंस हमें जनरेट करना है, y ऑफ n दैट इज x ऑफ 3 -4n, ठीक है। तो पूछा गया कौन सा प्रोसीजर करेक्ट होगा जिससे हम सीक्वेंस जनरेट कर सकते हैं, इसको आप और क्या लिख सकते थे, दो टाइप से आप इस कर सकते थे इसको। अगर एक बार हम फंक्शन को लिख सकते थे x ऑफ, या तो हम लिख लेते -4n +3, ठीक है, या फिर इसी चीज को ऐसे लिख सकते थे x ऑफ, अगर आपने -4 कॉमन कर लिया तो इसको क्या लिख सकते हैं हम, n -3/4, ठीक है। आप सकते हैं आपसे किस मेथड से देखें कि x ऑफ -4n +3, तो ये फाइंड करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आप अगर राइट टू लेफ्ट मूव करेंगे तो राइट टू लेफ्ट मूव करेंगे तो होगी, सबसे पहले आप क्या करेंगे, शिफ्ट देंगे किसे, शिफ्ट करेंगे किसे, +3 से, +3 का मतलब क्या हुआ, हम सिग्नल को एडवांस करेंगे कितने अमाउंट से, 3 अमाउंट से, ठीक है। उसके बाद फिर आप क्या देखेंगे, 4 से हम क्या करेंगे, स्केलिंग। तो स्केलिंग का केस अगर आपने डिस्क्रीट टाइम सिग्नल की देखा तो वो क्या था, डेसिमेशन केस, मतलब जैसे अगर हमें x ऑफ 4n लेना होता है तो x ऑफ 4n फंक्शन हम जानते हैं ये कहां कहां पर मिलता है, x ऑफ 0 वाली वैल्यू मिलेगी अगर आपके पास x ऑफ n है कोई, जिसमें ये वैल्यूज हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो आपने देखा था जब हम x ऑफ 4n लेते हैं तो एक ही वैल्यू आती है x ऑफ 0, उसके बाद फिर नेक्स्ट वैल्यू कौन सी आएगी, x ऑफ 4 मिलेगा हमें, फिर उसके बाद नेक्स्ट कौन सा मिलेगा, 0 1 2 3 ये वाली मिलेगी कौन सी, x ऑफ 4, ये वाली वैल्यू x ऑफ 4, फिर 5 6 7 x ऑफ 8 मिलेगा। तो इस टाइप से डेसिमेशन आप करते हैं, तो क्या करते हैं, जैसे अगर x ऑफ अल्फा n किया तो x ऑफ 0 मिलता है, तो x ऑफ अल्फा मिलता है, x ऑफ 2 अल्फा मिलता है, ऐसी वैल्यू आपको नहीं थी। तो डेसिमेशन अगर आप करेंगे 4 से, डेसिमेट बाय 4, तो इसका मतलब आपको हर फोर्थ सैंपल्स मिलेंगे किसके, x ऑफ n के, और उसके बाद फिर जो वैल्यू आपको मिलेगी इसमें क्या करना है, नेगेटिव साइन मतलब टाइम रिवर्सल अप्लाई कर देना, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग आप अपने ऑप्शंस देखें, तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा फर्स्ट डिले x ऑफ n बाय 3 सैंपल्स, तो देखिए हमें डिले नहीं करना है, ये साइन कैसा है, प्लस साइन है, तो हमें क्या करना है, एडवांस करना है, मतलब ऑप्शन ए वो रॉन्ग हो गया। ऑप्शन बी अगर आप देखें, फर्स्ट एडवांस x ऑफ n बाय 3 सैंपल्स, सही है, एडवांस कर रहे हैं। उसके बाद देन पिक एवरी फोर्थ सैंपल ऑफ z ऑफ n, ठीक है, एवरी फोर्थ सैंपल आप लेंगे, चार चार के बाद आपको सैंपल्स लेने हैं, फिर देन फाइनली टाइम रिवर्स z टू n टू ऑप्टेन y ऑफ n, तो मतलब ये ऑप्शन बी है, इसमें तो प्रोसीजर बताया गया है, ये करेक्ट प्रोसीजर। तो बाकी के दो ऑप्शंस आप देख लेना, लेकिन ऑप्शन जो बी है वो हमारा करेक्ट ऑप्शन है, तो यहां पर हम इसको एंड कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये है क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 में आपके पास गिवन है कि x ऑफ n इसकी वैल्यू क्या है, 0 फॉर n लेस देन -2 एंड n ग्रेटर देन 4 एंड इट इज इक्वल टू 1 अदरवाइज, मतलब अगर आप x ऑफ n को प्लॉट करें, सपोज ये हमारा x ऑफ n, हम अगर x ऑफ n को देखा जाते हैं तो इसकी वैल्यू 0 है कहां से कहां तक, n ग्रेटर देन 4, मतलब अगर ये कोई पॉइंट है n इक्वल टू 1 2 3 4, तो इसके बाद की सारी वैल्यूज हमें पता है, 4 से बड़ी कोई भी n की वैल्यू पर देखेंगे तो सिग्नल 0 होगा, और यहां कहीं अगर 1 -1 -2 का पॉइंट है तो -2 के बाद इससे छोटी किसी भी वैल्यू के लिए अगर हम देखें तो हमें पता है सिग्नल कैसा है, 0, ठीक है। इसके बाद आपको बोला गया कि इट इज 1 अदरवाइज, मतलब इन वैल्यूज पर, चाहे n इक्वल टू -2 पर देखें या -1 पर देखें, 0 पर देखें, 1 पर देखें, 2 पर देखें, आप 3 पर देखें और 4 पर देखें, तो वैल्यू कितनी हमारी, 1 है, इस सीक्वेंस की। ये हमारा सीक्वेंस कौन सा है, x ऑफ n है। इसको हम ऐसे लिख सकते थे कि या तो आप ऐसे लिखते कि x ऑफ n इक्वल टू 1 इफ -2 से n की वैल्यू, इफ -2 से n की वैल्यू कहां तक है, 4 तक है, ठीक है, एंड इट इज इक्वल टू 0 अदरवाइज। ऐसा अगर लिखने आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा, या फिर आप x ऑफ n को सीक्वेंस रिप्रेजेंटेशन भी दे सकते हैं, 1 1 1, कहां से कहां तक की सिग्नल 1 है, n = -2 से, तो आप अगर यहां पर ओरिजिन आपने शो कर दिया, इसका मतलब n = -1 -2 से इसकी वैल्यू 1 है, कहां तक, n = 1 2 3 और 4 तक, ये हमारा सिग्नल क्या है, 1। तो पूछा गया है डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ n फॉर व्हिच, हमें फाइंड करना है वैल्यू ऑफ n फॉर व्हिच x ऑफ
माइनस एन माइनस टू इज गारंटीड टू बी जीरो, टू बी जीरो, ठीक है। तो आप दो मेथड्स हो सकते हैं, या आपके पास x ऑफ n आ गया, आपको क्या फाइंड करना है x ऑफ माइनस एन माइनस टू, तो आप राइट टू लेफ्ट ऑपरेशन लगाना शुरू कीजिए। पहले क्या देखा, माइनस टू से शिफ्टिंग, बेसिकली अगर हमने टू से शिफ्ट कर दिया, माइनस साइन का मतलब डिले करना, तो ये डिले कर दिया, तो जो सिग्नल माइनस टू से स्टार्ट होगा वो कहां से स्टार्ट होगा, जीरो से स्टार्ट होगा। तो अगर हमने सिग्नल पर पहले टाइम शिफ्ट कर देते तो एन के रिस्पेक्ट में, अब अगर हम अपना x ऑफ n देखते तो जो सिग्नल माइनस टू से शुरू हो रहा था वो जीरो से शुरू होगा। और कहां तक रहेगा, टोटल कितने सैंपल्स हैं इसमें, यहां से देखें तो 1 2 3 4 5 6 7, वैसे ही जानते हैं टोटल सैंपल्स, जहां तक मिस कर रहा है 4 माइनस माइनस 2 दैट इज 6 और प्लस 1, ये आपने देखा टोटल 7 सैंपल्स इसमें, तो यहां से आप 7 सैंपल्स बना दीजिए 1 2 3 4 5 6 7। वैसे भी अगर हमने इसको 2 से शिफ्ट किया है तो ये पॉइंट इज इक्वल टू 4 का पॉइंट कहां चला गया होगा, 6 पे चला गया होगा। तो आप अगर देखें तो इज इक्वल टू 0 1 2 3 4 5 और ये 6 मिलेगी वैल्यू आपको, ये सभी वैल्यूज कितनी है 1 है। आपने पहले टाइम शिफ्टिंग अप्लाई कर दिया, अब अगर आप टाइम रिवर्सल लेंगे सिग्नल पर तो आपको फाइनली ये सिग्नल मिल जाएगा x ऑफ माइनस एन माइनस टू, इस सिग्नल पर टाइम रिवर्सल लेंगे जो भी पॉजिटिव साइड की वैल्यू होगी नेगेटिव साइड में आ गई, तो नेगेटिव साइड में अगर आ गई तो ये सिग्नल हमारा कैसा दिखेगा, जो 0 से प्लस 6 तक टाइम की वैल्यू के लिए, अब वो माइनस 6 तक हमारा सैंपल वो दिखेगा, ठीक है। तो अभी सिग्नल हमारा ऐसा है, n = 0 से कहां तक एग्जिस्ट कर रहा है सिग्नल, माइनस 6 तक, इनकी वैल्यू कितनी है 1। तो अब अगर हम चाहें तो सिग्नल x ऑफ माइनस एन माइनस 2 को हम लिख सकते हैं इट इज इक्वल टू 1 व्हेन माइनस 6 से हमारा सिग्नल बड़ा है, n की वैल्यू बड़ी है और इक्वल टू है कहां तक 0 तक, इसके बाद किसी भी रेंज में हम देखेंगे तो हमारा सिग्नल क्या होगा, n = 0 अदरवाइज। तो आपसे पूछा गया है कि n की किस वैल्यू के लिए सिग्नल 0 है, तो हम क्या कह सकते हैं, देयरफॉर फॉर n ग्रेटर देन 0 और n लेस देन माइनस 6 जो हमारा सिग्नल होगा x ऑफ माइनस एन माइनस 2 वो हमारा गारंटी कितना होगा, 0 होगा, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग जो ऑप्शन है आपका वो ऑप्शन सी करेक्ट है, लेस देन माइनस 6 एंड ग्रेटर देन 0, ठीक है। तो हमने शिफ्टिंग ऑपरेशन ये सब लगा कर देखा, आपने यहां पर फाइंड कर लिया कि x ऑफ n is 0 if यहां पर n की वैल्यू माइनस 2 से 4, लेकिन अगर आप डायरेक्ट रिप्लेस कर देते तो भी आपको वैल्यू मिल जाती। आपने लिख रखा है कि x ऑफ n is 1 for माइनस 2 से लेकर जब तक n की वैल्यू 4 तक है, n = 0 अदरवाइज। तो हमें किस सिग्नल के लिए देखना था, देयरफॉर x ऑफ माइनस n माइनस 2, आपने n को रिप्लेस कर दिया किससे, माइनस n माइनस 2 से, तो इसकी वैल्यू 1 होगी कहां तक, माइनस 2 से, जब माइनस n माइनस 2 की वैल्यू किसके बीच में होगी, 4 के बीच में। यहां से देखिए इस इन दोनों के बीच अगर आप देखें तो इस माइनस n को इधर लिखा है तो n sin कैसा रहेगा, लेस देन इक्वल्स टू, ये माइनस 2 ऑलरेडी था और ये माइनस 2 रहेगा तो प्लस 2 बन जाएगा, एक मिनट यहां से फाइंड करिए आप, और एक बार n को इधर लिखाइए तो n इस तरफ हमारा वेरिएबल की साइन इस माइनस 4 को इधर लिखेंगे, माइनस 2 ऑलरेडी था और ये माइनस 4 भी आएगा, तो एक मिनट यहां से मिलेगी, तो यहां से क्या मिलेगा आपको, n मस्ट बी लेस देन और इक्वल्स टू 0 ये वैल्यू, और यहां से क्या मिलेगा आपको, n must be greater than or equals to minus 6। तो अगर आप इनको कंबाइन कर लें तो आप क्या लिख सकते हैं कि x of minus n minus 2 it will be 1 for जब तक हमारे n की वैल्यू क्या होनी चाहिए, minus 6 से बड़ी होनी चाहिए n की वैल्यू, या इक्वल होनी चाहिए और छोटी होनी चाहिए, या इक्वल होनी चाहिए किसके, 0 से, और इसके बाद क्या होगा सिग्नल, इट इज 0 अदरवाइज। तो यहां से भी देखकर आप कह सकते थे कि सिग्नल किस रेंज में है, 0 अदरवाइज का मतलब किस इंटरवल को छोड़कर, इसलिए हम कह सकते थे कि फॉर n ग्रेटर देन 0 एंड n लेस देन माइनस 6 x ऑफ सिग्नल माइनस n माइनस 2 इज 0, ठीक है। तो यहां से आप दोनों तरह से बता सकते थे कि ऑप्शन सी करेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 10, इस क्वेश्चन में देखा आपको कि x ऑफ n हमारा कोई डिस्क्रीट टाइम सिग्नल है जिसकी वैल्यू n है, लेकिन सिर्फ कहां पर, इफ n = मल्टीपल ऑफ 3, जहां जहां पर n मल्टीपल ऑफ 3 होगा, जैसे मतलब n की वैल्यू अगर क्या क्या हो सकती है, 0 3 6 9 12 15, इन सभी जगहों पर n की वैल्यू हमारी, यहां पर हम देखते हैं कि हमारा 3 का मल्टीपल है, तो वहां पर x ऑफ n की वैल्यू होगी n होगी। आप 0 कंसीडर कर भी सकते हैं और नहीं कर सकते, दोनों केसेस में आपका रिजल्ट सेम आएगा, ठीक है, n = 0 अदरवाइज, ठीक है। तो पूछा गया है कि अगर कोई हमारा नया सिग्नल है y ऑफ n, जो y ऑफ n हमें x ऑफ n से कैसे मिलता है, इट इज इक्वल टू x ऑफ 3n, ठीक है। तो y ऑफ n के लिए आपसे पूछा गया कि y ऑफ n की वैल्यू कैसी होगी, ठीक है, लेकिन x ऑफ n सिग्नल की वैल्यू अगर हम देखें, अगर हम सीक्वेंस रिप्रेजेंटेशन में लिखना चाहते हैं तो अगर हम 0 पर देखें x ऑफ n की वैल्यू n ही होगी, जैसे x ऑफ 0 0 ही होगा, x ऑफ 1 की वैल्यू, मतलब ये अगर n हमारा इंटीजर मल्टीपल है तो कहां कहां पर वैल्यू मिलेगी, 0 पर वैल्यू मिलेगी कितनी, 0, 3 पर वैल्यू x ऑफ n कितनी होगी, x ऑफ n = n, x ऑफ 3 पर वैल्यू कितनी होगी, 3, x ऑफ 6 पर वैल्यू कितनी होगी, 6, x ऑफ 9 की वैल्यू 9 होगी, x ऑफ 12 की वैल्यू 12 होगी, x ऑफ 15 की वैल्यू 15 होगी, मतलब x ऑफ n की वैल्यू अगर देखें तो 0, x ऑफ 1, x ऑफ 2 0 होगा, क्योंकि 1 और 2 क्या है, 3 के इंटीजर मल्टीपल्स नहीं है, तो 1 और 2 तो 0 होना, तो हम ये ले रहे हैं यहां पर, x ऑफ 3 की वैल्यू जो भी 3 हमारा 3 का मल्टीपल है, तो x ऑफ n की वैल्यू n होगी, तो x ऑफ 3 की वैल्यू 3 है, 4 5 0 होंगे, x ऑफ 6 की वैल्यू 6 होगी, x ऑफ 5 = n, n = 6 हमारा इंटीजर मल्टीपल है, इसलिए हमारा x ऑफ 6 की वैल्यू 6 है, 7 8 0 होगा, फिर x ऑफ 9 की वैल्यू 9 होगी, 10 11 0 होगा, फिर x ऑफ 12 की वैल्यू 12 होगी, फिर 0 0, इस टाइप की हमारी, इस टाइप का सीक्वेंस है x ऑफ n। जब आपको x ऑफ n से y ऑफ n लेना है जो कैसा है, x ऑफ 3n के बराबर, तो कैसे लेते हैं आप, अगर आप यहां से x ऑफ 3n सीक्वेंस देखें, आप जानते हैं y ऑफ n अगर हमारा x ऑफ 3n के बराबर, तो इस सीक्वेंस में क्या चीजें आती हैं, x ऑफ 0 आएगा, फिर 1 2 नहीं आएगा, क्या आएगा, x ऑफ 3 आएगा, x ऑफ 6 आएगा, x ऑफ 9 आएगा, तो अगर आप इसमें से पहली वैल्यू 0 आएगी, फिर ये दो वैल्यू नहीं मिलेंगे, डेफिनेशन पे देखा था हमने, जितने टाइम से हम डेफिनेशन कर रहे हैं उतनी वैल्यू लेकर कर रहे हैं, छोटे छोटे वैल्यू, मतलब जैसे x ऑफ 3n लेते तो x ऑफ 0 2 x ऑफ 4 x ऑफ 6 x ऑफ 8 ये वैल्यू आती, x ऑफ 3n लेते तो x ऑफ 0 आएगा, x ऑफ 3 आएगा, x ऑफ 6 आएगा, x ऑफ 6 की वैल्यू कितनी है 6, x ऑफ 9 की वैल्यू कितनी है 9, x ऑफ 12 की वैल्यू कितनी है 12, इस टाइप से हमारे पास वैल्यू जाएंगी, ठीक है। अब अगर x y ऑफ n के लिए आपको रिप्रेजेंटेशन देना है, तो देखिए y ऑफ n की वैल्यू n = 0 पर कितनी है 0, n = 1 पर कितनी है 3, n = 2 पर 6, 3 पर 9, 4 पर 12, तो आप कह सकते हैं कि therefore y ऑफ n is equals to 3n for all values of n, n की वैल्यू कुछ भी ले, जैसे हमने 0 लिया तो 0 * 3 मिलेगा 0 मिला, n = 1 पर देखेंगे तो 3 * 1 मिलेगा 3 मिलेगा, तो y ऑफ n में तो सारी वैल्यूज हैं, हर n = हर इंस्टेंट पर वैल्यूज हैं, लेकिन n = 3 पर जैसे वैल्यू देखेंगे 0 1 2 3 वैल्यू कितनी है 9, तो हम क्या कहेंगे y ऑफ n हमारा क्या है 3n है, इसके लिए फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ n, तो इसके अकॉर्डिंग जो वैल्यू आपकी ऑप्शन जो आपका बी ऑप्शन है वो करेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास कॉमन डेटा क्वेश्चंस हैं 11 12 एंड 13, तो इन क्वेश्चंस में आपको डायग्राम के फॉर्म में x ऑफ n और y ऑफ n देना है, ठीक है। तो डायग्राम के फॉर्म में नहीं लिखा गया, लेकिन इसको मैं क्वेश्चन नंबर 11 के लिए अगर डायग्राम के फॉर्म में लिखना है उसको मैं कैसे रिप्रेजेंट करूंगा सीक्वेंस मेथड में, तो x ऑफ n में
आप अगर डायग्राम देखेंगे तो n = 3 पे वैल्यू है, वैल्यू कितनी 3, n = 2 पे वैल्यू है 2, n = 1 पे वैल्यू है 1, n = वैल्यू 0 पे कितनी है 0, n = 0 हमारा 0 है। उसके बाद फिर की वैल्यू है 1 2 एंड 3, ये हमारा सिग्नल कौन सा है x ऑफ n है। ऐसे ही अगर आप अपने सिग्नल y ऑफ n को रिप्रेजेंट करें तो y ऑफ n देखिए क्या चीज है, n = -4 से लेकर -1 तक की वैल्यूज है -1, -4 पे वैल्यू है, -3 पे वैल्यू है, -2 पे वैल्यू है, -1 पे वैल्यू है, ओरिजिन पे वैल्यू इसमें कितनी है 0, और फिर 1 से लेकर 4 तक की वैल्यूज है +1 1 1 1 1। ठीक है, जो डायग्राम के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया है उसी को हमने सीक्वेंस रिप्रेजेंटेशन दिया। तो अब जैसे इसमें पूछा गया आपसे, फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, मतलब जो क्वेश्चन नंबर 11 है, वो 11 नंबर क्वेश्चन पूछा गया कि y ऑफ 1 माइनस n इज व्हाट। तो y ऑफ 1 माइनस n को आप और क्या समझ सकते हैं, माइनस n प्लस 1। तो आप इसमें प्रोवाइड कीजिए सबसे पहले टाइम शिफ्ट 1 यूनिट से, और फिर सीक्वेंस निकाल उसको लगा लीजिए। जो y ऑफ n है, अगर हम यही पे ड्रॉ करें y ऑफ n प्लस 1, तो क्या करेंगे हम सिग्नल को प्लस 1 करेंगे, मतलब एडवांस करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड शिफ्ट करेंगे, तो लेफ्ट हैंड साइड शिफ्ट करेंगे तो बस ये ओरिजिन पर क्या लगेगा, ये ओरिजिन मतलब राइट हैंड साइड शिफ्ट हो जाएगा, मतलब वैल्यू इसमें ये होगी -1 -1 -1 -1 0 1 1 1 1। लेकिन अगर आपने सिग्नल को लेफ्ट हैंड साइड शिफ्ट कर दिया एडवांस करने के लिए, तो ओरिजिन एक आगे शिफ्ट हो गया होगा, मतलब ओरिजिन पर आ गया 1 पर। तो इसके बाद जो सिग्नल बना हुआ है वो सिग्नल आपको देखना है, तो आपको क्या दिखेगा वैल्यू कैसा होगा सिग्नल हमारा, जब हम इस सिग्नल को देखेंगे। अच्छा, अभी हमारे पास हमने सिर्फ y ऑफ n प्लस 1 फाइंड किया, अब इसमें हमें एक और ऑपरेशन लेना है, टाइम रिवर्सल लेना है। जब आप टाइम रिवर्सल लेंगे तो ये जो वैल्यू ओरिजिन पर ओरिजिन पर आएगा, अगर आप y ऑफ माइनस n प्लस 1 लेना चाहते हैं तो क्या होगी वैल्यू, ओरिजिन की वैल्यू ओरिजिन पर ही रहेगी, 1 हमारा ओरिजिन 1 पर ही है। लेकिन इसके बाद जो वैल्यूज की 1 1 1 अब ये वैल्यूज क्या हो जाएंगी, फोर अगर आप करेंगे तो इसके पहले आ जाएंगी, और जो इसके पहले वैल्यूज के लिए 0 और फिर 1 2 3 4 टाइम्स माइनस 1 ये वैल्यूज कहां जाएंगी, इसके बाद आ जाएंगी। तो इसको देखकर अगर आप अपना सेलेक्ट करें ऑप्शन, तो हमारा कैसा होना चाहिए सीक्वेंस, ओरिजिन पर वैल्यू 1 होनी चाहिए, उससे n = -3 पर उसके पहले भी आपको 3 मंथ्स दिखने चाहिए 0, उसके बाद जस्ट बाद की वैल्यू 0 होनी चाहिए, उसके बाद 4 वैल्यू होनी चाहिए -1, तो मतलब ऑप्शन ए जो है आपका वो करेक्ट है। ठीक है, इसको देखकर आप कर सकते थे। क्वेश्चन नंबर 12 अगर आप देखें, तो क्वेश्चन नंबर 12 में पूछा गया है x ऑफ n + 2 * y ऑफ n - 2। देखिए यहां से अगर x ऑफ n हमारा पता है, क्वेश्चन नंबर 12 x ऑफ n पता है, तो x ऑफ n + 2 फाइंड कर सकते हैं आप। कैसे फाइंड करेंगे, वैल्यूज को सिग्नल में वैल्यू लेंगे, जो वैल्यूज हैं 3 2 1 0 1 एंड 2 3। अब आपने x ऑफ n + 2 दिया, मतलब इस सिग्नल को आपने लेफ्ट हैंड साइड शिफ्ट कर दिया, तो ओरिजिन 2 टाइम्स इधर शिफ्ट हो जाएगा राइट हैंड साइड, तो जो 0 पर ओरिजिन लिख रहा है ओरिजिन कहां पर आ जाएगा 2 पर। ये हमारा सिग्नल क्या है x ऑफ n + 2। ऐसे ही आपको इसको मल्टीप्लाई जिससे करना है वो सिग्नल है y ऑफ n - 2। y ऑफ n - 2 अगर आप देखेंगे उसमें भी यही वैल्यू होगी -1 -1 -1 -1 0 देन 1 1 1 एंड 1। लेकिन आपने इस सिग्नल को क्या किया, पी से डिले कर दिया, माइनस टू फाइंड करना मतलब पी से आपने डिले कर दिया, तो ओरिजिन 2 टाइम्स पीछे की तरफ आ गया होगा। अगर आप सिग्नल को राइट साइड चेक करें तो ओरिजिन यहां कहीं -1 पर आ गया होगा, तो 0 पर जो ओरिजिन था अब वो सेकंड वाले -1 पर आ गया, ओरिजिन आपका यहां है। ठीक है, अब इन दो सीक्वेंस को आपको मल्टीप्लाई करना है, जब भी आपको दो सीक्वेंस को मल्टीप्लाई करना हो तो आप सबसे पहले ओरिजिन बैलेंस कर लीजिए, मतलब दोनों के ओरिजिन आमने सामने लिख दीजिए, उसके बाद आप इनको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो जैसे अगर यहां पर हमने देखा कि सिग्नल हमारा इसी के नीचे, जैसे हमारे पास यहां देखिए हम यहां पर जो y ऑफ n सीक्वेंस है उसमें हमारे पास ओरिजिन से पहले दो वैल्यूज हैं, और जो x ऑफ n + 2 सीक्वेंस है उसमें ओरिजिन से पहले 1 2 3 4 5 वैल्यूज हैं। ठीक है, तो बताइए हम ठीक है x ऑफ n + 2 लिखते हैं, अगर हमने x ऑफ n + 2 लिख लिया पहले तो इसमें वैल्यूज हमारी 3 2 1 0 1 2 3। ठीक है, ओरिजिन के बाद इसमें कितनी वैल्यूज है 1 2 3 4 5 6। ठीक है, और इसमें ओरिजिन के बाद कितनी वैल्यूज है, सिर्फ एक वैल्यू है, इसमें ओरिजिन के बाद 1 2 3 4 5 6 वैल्यूज, इसमें एक ही वैल्यू है, तो आप चाहें तो इसमें 5 जीरोस अपेंड कर सकते हैं, जो हमारे पास 5 जीरोस मिलेगा, उसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा ओरिजिन यहां पर। ऐसे इसके नीचे आप x y ऑफ n - 2 अगर ड्रॉ करें तो y ऑफ n - 2 देखिए ओरिजिन पर वैल्यू कितनी है 1, ओरिजिन के सामने आप ओरिजिन की वैल्यू कितनी है 1, इसके बाद क्या वैल्यूज है -1 0 -1 0 और इसके बाद फिर 1 1 1 एंड 1। ठीक है, हमने ओरिजिन के सामने ओरिजिन लिख लिया, ओरिजिन पे पहले क्या वैल्यू है इसमें -1 -1, इसके जस्ट पहले वैल्यू है -1 -1, इसके पहले नहीं है वैल्यू, तो हम इनको 0 0 लिख सकते हैं 0 0 0। अब अगर आप इन दोनों सिग्नल्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो जो करेस्पोंडिंग वैल्यूज हैं इनके लिए आप मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 * 1 ओवरऑल अगर आप सिग्नल देखें x ऑफ n + 2 * y ऑफ n - 2, तो अब ये सिग्नल जो होगा हमारा ये देखिए क्या वैल्यू, 3 * 0 0 2 * 0 0 1 * 0 0 0 * -1 0 1 * -1 -1 2 * 1 2 3 * -1 -3, उसके बाद ये सभी जीरोस में तो इसमें भी वैल्यूज होंगी 0 0 3 + 2 5 टाइम्स 0 से। ठीक है, ओरिजिन पर क्या वैल्यू मिली आपको 2 * 2 2 पर ओरिजिन, मतलब अगर सिग्नल को प्लॉट करते हैं तो ओरिजिन पर वैल्यू 2 होनी चाहिए और उसके जस्ट पहले -1 उसके जस्ट बाद -3, बस यही तीन वैल्यू मिली चाहिए आपको। तो इसके अकॉर्डिंग अगर आप देखें वैल्यूज, तो ये वैल्यूज हैं, देखिए ओरिजिन पर इसकी वैल्यू कितनी है -1 है, तो अगर ये वैल्यू -1 है तो आपको यहां पे क्या वैल्यू मिलेगी 2 * -1 दैट इज -2, तो ओरिजिन पर वैल्यू -2 उसके जस्ट पहले -1 उसके जस्ट बाद -3, तो इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन बी आपका जो इसको सैटिस्फाई कर रहा है ये ऑप्शन आपका भी करेक्ट है। ठीक है, अब अगर जैसे क्वेश्चन नंबर 13 देखें आप, तो क्वेश्चन नंबर 13 में क्या पूछा गया आपसे इसी सीक्वेंस के लिए, क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, से आपको डबल साइड के क्वेश्चन आए तो डायग्राम के फॉर्म में जाने में आपको ज्यादा प्रॉब्लम हो सकती है, तो आप क्या करें सीक्वेंस रिप्रेजेंटेशन को लेकर चलिए, आपके लिए ज्यादा बेनिफिशियल। अगर आपको फाइंड करना है क्वेश्चन नंबर 13 x ऑफ 3 माइनस n * y ऑफ माइनस n, ठीक, तो सबसे पहले अगर हम देखें x ऑफ 3 माइनस n इसको आप और लिख सकते थे माइनस n प्लस 3, तो कैसा होगा, पहले अगर हम इसमें फाइंड करें x ऑफ n प्लस 3, x ऑफ n हमारे पास ये सिग्नल है, x ऑफ n हमारा ये सिग्नल है, इसमें आप प्लस 3 करें मतलब 3 से एडवांस करें सिग्नल को, 3 से जब एडवांस होगा सिग्नल तो 3 से पीछे की तरफ सिग्नल को लेफ्ट हैंड साइड शिफ्ट करेंगे, मतलब ओरिजिन 3 से राइट हैंड साइड शिफ्ट हो जाएगा, तो क्या वैल्यू आएगी, ये वैल्यू जो ओरिजिन कहां पर आ जाएगा 3 पर, 3 2 1 0 1 2 3, ये हमारा x ऑफ n की वैल्यू थी, वैल्यू वही रहेगी 3 2 1 0 1 2 3, लेकिन जो ओरिजिन यहां 0 पर था अब ये शिफ्ट होकर कहां गया है, यहां पर आपका ओरिजिन। ठीक है, तो ये x ऑफ n + 3 हमने फाइंड किया, हमने x ऑफ -n + 3 के लिए आप इसी सीक्वेंस पर अगर टाइम रिवर्सल लेंगे तो जो भी वैल्यू ओरिजिन पे पहले है वो सारी वैल्यूज कहां जाएंगी, ओरिजिन के बाद, तो आपको ये सिग्नल कैसे दिखेगा, 3 पर ओरिजिन है और उसके बाद ये वैल्यूज 2 1 0 1 2 एंड 3। ठीक है, ये हमारा सीक्वेंस हो गया x ऑफ -n + 3। ऐसे ही y ऑफ n आपको पता है तो उस पर बस टाइम रिवर्सल आप लेंगे, ये y ऑफ n है, इस पर अगर आपने टाइम रिवर्सल लिया तो आपको क्या मिल जाएगा y ऑफ -n, मतलब ओरिजिन पर तो वैल्यू 0 होगी, सारी वैल्यूज ओरिजिन के पहले थी बाद में आ जाएंगी, बाद में वैल्यूज पहले आ जाएंगी, तो अब सिग्नल आपको कैसा दिखेगा, ओरिजिन पर वैल्यू 0 है
जीरो के बाद में फोर टाइम्स वन थे और जीरो के पहले फोर टाइम्स माइनस वन, तो फोर टाइम्स माइनस वन थे वो बाद में आ गए अब, और जो फोर वन थे ओरिजिन के बाद वो ओरिजिन से आपको पहले लिखेंगे, ठीक है। तो ये आपने ये दोनों सिग्नल फाइंड कर लिया, फिर से इनका प्रोडक्ट करना, तो क्या करिए ओरिजिन बैलेंस कीजिए। अगर आपने ओरिजिन बैलेंस किया तो एक्स ऑफ एन माइनस एन प्लस थ्री, इस सीक्वेंस में देखिए ओरिजिन से पहले एक वैल्यू नहीं है, जिसे मल्टीप्लाई करना उसमें वन टू थ्री फोर वैल्यूज है, तो फोर वैल्यूज अगर आपने वन टू थ्री फोर जीरो से लग लिए, उसके बाद लिख लिया ये थ्री है और उसके बाद वैल्यूज है टू वन जीरो वन टू एंड थ्री। अब इसको जिसे मल्टीप्लाई करना है वो सिग्नल है माइनस वैल्यू ऑफ माइनस एन, उसकी वैल्यू देख लीजिए फोर टाइम्स वन, तो ये यही से शुरू होगा क्योंकि ऑलरेडी बैलेंस कर चुके हैं, फोर टाइम्स वन उसके बाद फिर जीरो ओरिजिन है यहाँ पर और उसके बाद फिर फोर टाइम्स माइनस वन, ठीक है। अब इसके बाद वैल्यूज नहीं है तो आप क्या करेंगे फिर से जीरो अपेंड कर दीजिए, ठीक है। अब आप इन दोनों सिग्नल्स को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो देयरफॉर एक्स ऑफ माइनस एन प्लस थ्री इंटू वाई ऑफ माइनस एन, ये वैल्यूज करस्पॉन्डिंग वैल्यूज को मल्टीप्लाई कीजिए, जीरो इंटू वन जीरो, जीरो इंटू वन जीरो, जीरो इंटू वन जीरो, जीरो इंटू वन जीरो, ओरिजिन पर वैल्यू थ्री इंटू जीरो बटेज जीरो, यहाँ ओरिजिन है, टू इंटू माइनस वन माइनस टू, वन इंटू माइनस वन माइनस वन, जीरो इंटू माइनस वन जीरो, फिर वन इंटू देखिए जीरो टू इंटू माइनस वन, वन इंटू माइनस वन, जीरो इंटू माइनस वन, फिर वन इंटू माइनस वन इज माइनस वन, उसके बाद लास्ट की दो वैल्यू जीरो आपको है तो मिलेंगे जीरो, मतलब ओरिजिन पर वैल्यू यदि जीरो उसके जस्ट बाद माइनस टू माइनस वन फिर जीरो और फिर माइनस वन, तो अगर आप देखें तो माइनस टू माइनस वन जीरो और फिर माइनस वन, मतलब जो ऑप्शन डी है आपका ऑप्शन डी करेक्ट है, ठीक है, ऑप्शन डी मैच कर रहा है। तो यहां तक हमने कंटिन्यूअस टाइम सिग्नल्स और डिस्क्रीट टाइम सिग्नल्स के क्वेश्चन देख लिए, आगे क्वेश्चन आपके अब हम करेंगे इंपल्स फंक्शन की प्रॉपर्टीज इन सब पर बेस्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 अगर देखें, क्वेश्चन नंबर 14 हमारे इंपल्स फंक्शन की प्रॉपर्टी पर बेस्ड है, पूछा गया वैल्यू ऑफ इंटीग्रल i इक्वल्स इंटीग्रेशन फ्रॉम माइनस इनफिनिटी टू इनफिनिटी e टू द पावर माइनस t डेल ऑफ 2t माइनस 2 dt इज व्हाट, लेकिन यहां पर आपको स्केलिंग के डिफरेंट टर्म्स में हम ज्यादा थ्योरी की बात नहीं करेंगे, सारी बातें हम कर चुके हैं वीडियो में। तो अगर आप इस डेल ऑफ 2t माइनस 3 को देखें तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 कॉमन t माइनस 1, और इस चीज में से फिर से स्केलिंग फैक्टर अगर बात करें, मतलब जो इंपल्स फंक्शन की स्केलिंग प्रॉपर्टी है दैट इज 1/2 टाइम्स, इसको हम लिख सकते हैं डेल्टा t माइनस 1। तो अब इस चीज को अगर हमने ऐसा लिख लिया तो r की वैल्यू क्या हो गई 1/2 कांस्टेंट की बात कर लीजिए, इंटीग्रेशन फ्रॉम माइनस इनफिनिटी टू इनफिनिटी e टू द पावर माइनस t इनटू डेल ऑफ t माइनस 1 dt। अब अगर हम इस फंक्शन को कहें कि हमारा कोई फंक्शन है x of t, तो हम जानते हैं कि x of t इंटीग्रेशन फ्रॉम माइनस इनफिनिटी टू इनफिनिटी x of t इनटू डेल ऑफ t माइनस t नॉट dt, इस टाइप के इंटीग्रेशन का रिजल्ट क्या होता है x of t नॉट, मतलब हम देखते हैं इंपल्स कहां एग्जिस्ट करेगा, जो वैल्यू मिलेगी t की उसको बस फंक्शन में पुट कर दीजिए। यहां से आपने देखा अगर इस t माइनस 1 को पुट किया 0 तो t की वैल्यू मिली 1, उस t इक्वल्स टू 1 पर इस फंक्शन की जो वैल्यू होगी वही इस इंटीग्रल का रिजल्ट होगा। देयरफॉर i इक्वल्स टू लिख सकते हैं हम 1/2 इनटू e टू द पावर माइनस t की वैल्यू कहां पर at t इक्वल्स टू 1, तो t इक्वल्स टू 1 अगर आपने पुट किया तो 1/2 इनटू e टू द पावर माइनस 1 ये आपका आंसर है। तो e टू द पावर माइनस 1 को आप 1/2 कह सकते हैं, तो 1/2 ये आपका आंसर है, उसके अकॉर्डिंग ऑप्शन ए करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम क्वेश्चन नंबर 15, इसमें गिवन है x of t सिग्नल हमारा जिसकी वैल्यू 1 है, कम से कम तक जब तक मॉड ऑफ t की वैल्यू लेस देन और इक्वल टू कितनी है 2 एंड इज इक्वल टू 0 अदरवाइज। तो अगर हम सबसे पहले इस फंक्शन x of t का शेप देखें तो ये सिंपली कैसा एक फंक्शन है, मॉड ऑफ t ग्रेटर देन 2 का मतलब बार-बार हम देख चुके हैं इस टाइप का ये फंक्शन है जिसकी वैल्यू -2 से लेकर 2 तक 1, ये हमारा फंक्शन है x of t, रेक्टेंगुलर फंक्शन है हमारा ये। तो पूछा गया है कि इंटीग्रेशन फ्रॉम i इक्वल टू, हमने मान लिया कि हमें इंटीग्रेशन कैलकुलेट करना है 0 टू 5 2x of t - 3 इनटू डेल ऑफ t माइनस 4 dt, ये क्या होगा, ठीक है। इस t इनटू ये जो फंक्शन है हमारा ये तो कांस्टेंट है, x ऑफ t माइनस 3 को हम फंक्शन मान लेते हैं, या मान लीजिए इस t को 2 इनटू x ऑफ t माइनस 3 इसको हमने फंक्शन मान लिया x1 ऑफ t, ठीक है। अब फिर से इंपल्स फंक्शन की प्रॉपर्टी से x ऑफ t इनटू डेल ऑफ t माइनस 3 dt की वैल्यू x ऑफ t, मतलब सबसे पहले हम देखेंगे इंपल्स कहां एग्जिस्ट कर रहा है, क्या वैल्यू में t इक्वल टू 4 पर एग्जिस्ट कर रहा है, लिमिट्स में चेक करेंगे क्या ये वैल्यू बीच में आ रही है, तो ठीक है आ रही है वैल्यू, अगर आ रही है तो इस पूरे इंटीग्रल का रिजल्ट क्या हो जाएगा, ये जो फंक्शन x ऑफ t है इस x1 ऑफ t फंक्शन की वैल्यू कहां पर at t इक्वल टू 4 जहां ये इंटीग्रल एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है। तो हमें ये फंक्शन x1 ऑफ t देखना होगा, उसकी जो वैल्यू होगी कहां पर at t इक्वल टू 4 वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये x ऑफ t है और x1 ऑफ t कैसा है हमारा, हमें क्या करना है 2 टाइम्स x ऑफ t माइनस 3, वही फंक्शन हमारा क्या है x1 ऑफ t लिया हमने। तो अगर आप इसमें देखें तो 2 से एम्पलीट्यूड स्केल करना, 3 से शिफ्ट करना कैसे राइट हैंड साइड, तो अगर आपने राइट हैंड साइड शिफ्ट कर दिया फंक्शन को 3 से तो जो ये माइनस 2 का पॉइंट है ये प्लस 1 पर आ जाएगा और जो प्लस 2 का पॉइंट है वो प्लस 5 पर चला जाएगा, मतलब कैसा दिखेगा आपको सिग्नल 1 से लेकर 5 तक ये वैल्यू कितनी होगी, पहले वैल्यू 1 थी लेकिन आपने अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दिया एम्पलीट्यूड स्केल कर दिया तो अब ये वैल्यू कितनी होगी 2 होगी। तो इस x1 ऑफ t की वैल्यू हमें कहां पर फाइंड करनी है t 4, तो t 4 पर ये हाईलाइट कर रहा होगा ये फंक्शन तो कांस्टेंट है, t 4 पर अगर हमें देखा तो फंक्शन की वैल्यू कितनी है 2, तो इसलिए जो हमारा रिजल्ट है i वैल्यू कितनी है 2। ये जो भी फंक्शन है 2 x of t - 3 इस फंक्शन की वैल्यू हमें कहां पर देखनी है, जहां इंटरसेक्ट कर रहा मतलब t 4 पर, तो पहले हमने इस फंक्शन को फाइंड किया इस फंक्शन से टाइम शिफ्ट करके और ये जो भी फंक्शन है इसकी वैल्यू देखी हमने t 4 पर वैल्यू कितनी है 2, तो हमारा इस पर जो ऑप्शन है ऑप्शन ए करेक्ट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 अगर देखें, फिर से हमारे इंटरसेक्शन की प्रॉपर्टी पर है i इंटीग्रेशन है हमारा, पहले वैल्यू गिवन है 1/√2π इंटीग्रेशन फ्रॉम माइनस इनफिनिटी टू इनफिनिटी t स्क्वायर इनटू e टू द पावर माइनस t स्क्वायर / 2 इनटू डेल ऑफ 1 माइनस 2t dt, ठीक है। तो पूरे इंटीग्रल का रिजल्ट आप इजीली फाइंड कर सकते थे, इस पूरे फंक्शन को अगर हम क्या मान लेते हैं हमारा क्या फंक्शन है xt, लेकिन यहां पर इंपल्स में करके हमें स्केलिंग दिख रही है, तो अगर स्केलिंग दिख रही है ये डेल ऑफ 1 माइनस 2t को आप ऐसे भी समझ सकते थे, क्या लिखा हुआ है डेल ऑफ माइनस 2t प्लस 1, देखिए यहां पर क्या क्या चीज आपको अप्लाई करनी है, अगर आप इसमें से माइनस साइन कॉमन ले लेते तो क्या वैल्यू आती 2t माइनस 1, और आप जानते हैं कि इंपल्स फंक्शन इवन फंक्शन होता है तो डेल ऑफ माइनस t इक्वल्स डेल ऑफ t लेते हैं, तो यहां से आप माइनस साइन डायरेक्टली हटा सकते हैं, ये चीज क्या बचेगी डेल ऑफ 2t प्लस 1, अब इसमें से स्केलिंग फैक्टर अगर हम कॉमन कर लें दैट इक्वल्स टू डेल ऑफ, अगर आपने 2 कॉमन कर लिया तो क्या वैल्यू होगी t प्लस 1/2, ठीक है। अगर आपने यहां से 2 कॉमन कर लिया तो t प्लस 1/2, अब इस स्केलिंग फैक्टर का स्केलिंग प्रॉपर्टी ऑफ इंपल्स फंक्शन क्या कहती है डेल ऑफ अल्फा t इज 1/मॉड ऑफ अल्फा, तो यहां पर वैल्यू क्या हो जाएगी 1/2 इनटू डेल ऑफ t प्लस 1/2, ठीक है। तो यहां से ये वैल्यू हमारी देखिए यहां से ये साइन हमारा क्या था माइनस का, ठीक है। तो आपको क्लियर करना है 2t माइनस 1 माइनस साइन हमने हटा दिया, यहां पर ये जो साइन है ये क्या हमारा माइनस है। तो अब यहां से इस फंक्शन को हम ऐसा लिख सकते हैं 1/2 टाइम्स डेल ऑफ t माइनस 1/2, तो इसलिए i की वैल्यू क्या मिलेगी हमें 1/√2π इनटू, अब ये देखिए वैल्यू है 1/2 तो कांस्टेंट है, इसका कांस्टेंट हम बाहर ले सकते हैं 1/2 इंटीग्रेशन का माइनस इनफिनिटी टू इनफिनिटी t स्क्वायर इनटू e टू द पावर माइनस t स्क्वायर / 2 इनटू, इस फंक्शन को हमने लिख लिया 1/2 तो हम ऑलरेडी बाहर ले चुके हैं डेल ऑफ
t माइनस 1 बाय 2 dt। अब हमें कहा कि अगर इस फंक्शन को हम x ऑफ t मान लें तो ये फिर से कौन सा केस है, x ऑफ t इनटू डेल ऑफ t माइनस 0 dt। तो फिर से आप देखेंगे बस ये इंपल्स कहां एग्जिस्ट कर रहा है, इसको तो t 0 t वाली वैल्यू 1 बाय 2 वो इस लिमिट के बीच में है। तो इस पूरे इंटीग्रल की वैल्यू इस फंक्शन की वैल्यू जो भी होगी कहां पर जहां ये इंपल्स एग्जिस्ट कर रहा है, मतलब y इक्वल्स टू मिलेगी आपको 1 अपॉन अंडर रूट 2 पाई इनटू 1 अपॉन 2 इनटू ये जो फंक्शन है हमारा t स्क्वायर इनटू e टू द पावर माइनस t स्क्वायर बाय 2, इसकी वैल्यू कहां पर एट t इक्वल्स टू 1 बाय 2। तो अगर यहां पर t इक्वल्स टू 1 बाय 2 हम पुट कर दें तो y इक्वल्स टू 1 अपॉन अंडर रूट 2 पाई इनटू 1 बाय 2 इनटू का स्क्वायर है तो 1 by 2 का स्क्वायर 1 by 4 into e to the power minus of t square by 2, तो minus of t square की वैल्यू 1 by 4 और उसमें t से डिवाइड करेंगे तो ये वैल्यू देखिए ओवरऑल कितनी आ रही है 1 upon ये वैल्यू 8 into under root 2 pi into e to the power minus 1 by 8। तो इस फॉर्म की वैल्यू है, तो इसके बाद जो ऑप्शन ए है आपका वो ऑप्शन ए करेक्ट है 1 upon 8 under root 2 pi e to the power minus 1 by 8। ठीक है, देखिए फंक्शन में सिंगल आपने लिखा e to the power minus t square by 2, आप जानते हैं कि इस फॉर्म का फंक्शन होता है गॉसियन फंक्शन। ठीक है, इसको डिटेल में डिस्कस भी करेंगे। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 16 के बाद तो नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें क्वेश्चन नंबर 17, तो इस क्वेश्चन में हमारे पास PQRS में ABCD में चार हमारे पास डायग्राम्स दिए हैं और PQRSTU ये आपको पांच इसके फंक्शंस दिए हैं कि किस फंक्शन का डायग्राम होगा वो हमें मैच करना है। ठीक है, तो फंक्शन से बात लिखेंगे। अगर हम यहां डायग्राम्स बना लें, एक पहला हमारे पास ये वैल्यू दिए हैं, सेकंड फंक्शन जो हमारा उसके केस में आपको इस टाइप का डायग्राम दिए हैं, थर्ड केस में सी ऑप्शन आपका इस टाइप से है, सी ऑप्शन ये लाइन 1 से शुरू हो रही है, वैल्यू 1 पर वैल्यू 2 दिए हैं आपको, और फाइनली हमारे पास एक और डायग्राम है जो इस टाइप का कुछ हमें दिख रहा है, इस टाइप का डायग्राम। ठीक है, ये चार ऑप्शन है हमारे पास 2 2 1। ठीक है, अब इसमें अगर आपको फंक्शन देखना है कि ये फंक्शन हमारे किस ये डायग्राम किस फंक्शन को रिप्रेजेंट करेंगे, देखिए यहां पर अगर हम देखें ये फंक्शन तो डायरेक्टली हमें कैसे लिख रहे हैं, ये फंक्शन क्या हमारा एक रैंप फंक्शन। ठीक है, तो कहां से शुरू हो रहा है, 0 से शुरू हो रहा है, मतलब ये डायरेक्टली आप देख सकते हैं ये फंक्शन हमारा रैंप फंशन है आर ऑफ टी, जिसको आप लिखते हैं टी इंटू यू लिखते हैं। ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, टी इंटू यू के पीछे कुछ लिखा जिसका स्लोप हमें दिख रहा है 1, इस लाइन का स्लोप अगर हम देखें तो स्लोप डेल वाई अपॉन डेल एक्स वैल्यू हमें 1 दिख रही है। इस क्वेश्चन में देखिए 1 से लेकर 2 तक चलने वाली वेव वैल्यू 1, मतलब इसका स्लोप कितना है 1। लेकिन अगर हम इसके लिए इक्वेशन लिखें तो ये लाइन कहां से शुरू हो रही है, 1 से शुरू हो रही है, मतलब अगर हम इसको स्क्वायर फंक्शन से मल्टीप्लाई करते हैं तो सिग्नल देखिए जैसे इस लाइन को अगर हम आगे बढ़ाते इसका इंटरसेक्शन अगर हमें देखना होता है y एक्सिस और y एक्सिस, तो ये पॉइंट क्या मिलता आपको माइनस 1 मिलता। ठीक है, मतलब अगर आप इस स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन लिखते तो स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन क्या होती, t माइनस 1, स्लोप इसका आपको इंक्रीजिंग दिख रहा है 1, तो इसलिए हमने लिखा mx plus c, तो उसके फॉर्म में हमें लाइन की वैल्यू क्या मिलती t माइनस 1। लेकिन अगर हम t माइनस 1 कह देते तो लाइन कहां से कहां तक होती फ्रॉम माइनस इनफिनिटी प्लस इनफिनिटी, लेकिन लाइन कहां से शुरू हो रही है, t इक्वल्स टू 1 से शुरू हो रही है, तो इसलिए इसका फंक्शन क्या आएगा t माइनस 1 इनटू u ऑफ t माइनस 1। तभी हम कहेंगे कि u ऑफ t माइनस 1 फंक्शन कहां से स्टार्ट होता है, t इक्वल्स टू 1 से। तो अगर आपने ऐसा लिख दिया t माइनस 1 u ऑफ t माइनस 1 तो आपको ये फिगर मिलेगा। यहां देखिए ये फिगर कैसा है, इंटरसेक्शन आपको दिख रहा है कहां पर, y इक्वल्स टू x प्लस c में इंटरसेक्शन लाइन आपको दिख रहा है 1 पर। अगर आप इस लाइन को एक्सटेंड करके पीछे की तरफ तो ये लाइन कहां तक आती, वो 0 कहां तक आता, जैसे आप देखेंगे स्लोप इस लाइन का अगर आप देखेंगे तो सारी स्लोप आपको 1 दिख रहा है। क्यों लिख रहा है, क्योंकि 1 टाइम में वैल्यू 1 से 2 पहुंच गई, मतलब इस लाइन का स्लोप 1 है। इसके लिए आप इस लाइन की इक्वेशन अगर लिखते तो फिर से y इक्वल्स टू mx plus c से ही आप इसकी इक्वेशन लिखते t plus 1, इंटरसेक्शन हमारा कहां पर है 1 पर। लेकिन अभी अगर ये t plus 1 लाइन होती तो ये हमारी फिर से माइनस इनफिनिटी से प्लस इनफिनिटी एडजस्ट कर रही होती, तो अगर ये लाइन कहां से शुरू हो रही है, 0 से शुरू हो रही है, तो हमें इसके साथ फंक्शन क्या लिखना पड़ेगा, इसके लिए t plus 1 into u of t अगर हम लिखते तो u of t क्या बताएगा कि फंक्शन कहां से शुरू हो रहा है, 0 से शुरू होगा, उसका फंक्शन 0 होगा। ऐसे ही अगर आप इस लाइन को देखें, इस लाइन को अगर आपने पीछे एक्सटेंड किया तो इस लाइन का इंटरसेक्शन y एक्सिस पर कहां होगा, क्योंकि इसका स्लोप क्या दिख रहा है आपको, फिर से इसके स्लोप की वैल्यू 1 है, इंक्रीज कर रही है वैल्यू 1 से 2 तक, यहां पर ये वैल्यू आपको गिवन 1 और ये वैल्यू गिवन 2, तो टाइम में आप 1 मिनट चले तो वैल्यू वैल्यू गिवन 1 गिवन, इसलिए हमने क्या कहा इस लाइन का स्लोप कितना है 1 है। अब इसको अगर आप पीछे एक्सटेंड करते तो मतलब इंटरसेक्शन y एक्सिस पर कहां पर होता है इसका 1 पर, 0 पर, क्यों, टाइम में 1 चलते तो वैल्यू भी 1 इंक्रीज करती, तो 1 से 1 सबट्रैक्ट कर दिया आपने तो 0, मतलब इस स्ट्रेट लाइन के लिए बस अगर आप क्वेश्चन लिखते तो y इक्वल्स टू mx + c से m स्लोप की वैल्यू 1 है * x एक्सिस t है और इंटरसेक्शन कितना है 0, मतलब ये लाइन कैसी होती है, सिर्फ कहते हैं स्ट्रेट लाइन को हम t कहते हैं, लेकिन अगर फिर से हम सिर्फ t कह दिया तो इसका मतलब लाइन कहां से कहां तक फ्रॉम माइनस इनफिनिटी टू प्लस इनफिनिटी। ठीक है, तो देखिए हमारी वैल्यू कहां से शुरू हो रही है, t = 1 से शुरू हो रही है, तो लाइन को क्या कहेंगे हम, t * u ऑफ t - 1, u ऑफ t - 1 क्या बताएगा, फंक्शन हमारा कहां से शुरू हो रहा है फ्रॉम t = 1। तो इसके अकॉर्डिंग आप देखें तो a के लिए आपने लिखा है a का t ut, तो मतलब a के लिए t ut ऑप्शन है आपका r, उसके बाद b के लिए आपने ये ऑप्शन दी था, b के लिए आपने फंक्शन लिखा t - 1 u ऑफ t - 1, तो मतलब b के लिए आपका ऑप्शन है u, और c ऑप्शन जो है आपका इस c के लिए आपने फंक्शन लिखा t + 1 * u ऑफ t, ये ऑप्शन है आपका c, c के लिए s, और d के लिए इसके लिए आपने फंक्शन लिखा t * u ऑफ t - 1, तो t * u ऑफ t - 1 ये आपका ऑप्शन p, तो ये इसके अकॉर्डिंग जो सीक्वेंस है r u s p दैट इज ऑप्शन a इज करेक्ट, इसके अकॉर्डिंग आपका ऑप्शन a करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट अगर क्वेश्चन नंबर 18 देखें, तो क्वेश्चन नंबर 18 में देखिए क्या दिया है, यहां पर दिया है कि सिग्नल x ऑफ t इक्वल्स टू एक सिग्नल है u ऑफ t + 2 - 2 u ऑफ t + u ऑफ t - 2। ठीक है, ये आपका कैसा दिखेगा, बस ये आपको लिखना है। ठीक है, तो आप डायरेक्टली देख सकते हैं u ऑफ t + 2 कैसा सिग्नल होगा, ये सिग्नल 0 से स्टार्ट होता है, ये सिग्नल -2 से स्टार्ट होगा, इस फंक्शन को हम कहेंगे u ऑफ t + 2, इसके नीचे अगर आप ड्रॉ करें माइनस टू यू ऑफ टी आपको अगर ड्रॉ करना है, ठीक है, यू ऑफ टी 0 से ही स्टार्ट होगा, लेकिन अगर माइनस टू का मतलब हम एक ऐसा फंक्शन बना दें जो माइनस टू वैल्यू है जिसकी टी इक्वल्स टू 0 के बाद, देखिए टेस्ट करके हम एक फर्स्ट मेथड देख रहे हैं, तो अगर हम टी फंक्शन को देखिए कि कैसे देखते हैं तो उसको ऐड करेंगे तो ये फंक्शन मिल जाएगा, वैसे आपको इतना करने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट हम इसका चेंजेस करके ये फंक्शन ड्रॉ करेंगे। ठीक है, तो माइनस टू यू ऑफ टी की वैल्यू होगी और फिर से यू ऑफ टी -2 कैसा होगा, जो फंक्शन शुरू होगा फ्रॉम टी इक्वल्स टू 2 के रिस्पेक्ट में वैल्यू है 1। अब अगर आप इन तीनों फंक्शन को ऐड करें, ये u ऑफ t + 2 है, ये -2 u ऑफ t है और ये u ऑफ t -2 है, तो आपको कैसा दिख रहा है, -2 से लेकर 0 तक सिर्फ यही फंक्शन है जिसकी वैल्यू 1 है, तो अगर आप इसको ड्रॉ करते तो -2 से लेकर 0 तक ये आपको सिर्फ वैल्यू 1 मिलती इस फंक्शन की वजह से, माइनस उसके बाद 0 से लेकर 2 तक अगर ये कोई पॉइंट है 2, तो 0 से लेकर 2 तक देखिए इसकी वैल्यू 1, इसकी वैल्यू -2 और इसकी वैल्यू 1, तो 1 + 1 2, सॉरी ये फंक्शन हमारा रिप्रेजेंट नहीं है, तो 1 -2 आपको इस बीच में कैसे वैल्यू मिलेगी, 0 से लेकर + 2 तक की वैल्यू कैसे मिलेगी -1, 1 में से जब आप 2 सबट्रैक्ट करेंगे तो वैल्यू मिलेगी -1, और इसके बाद ये भी 1 और ये भी 1, तो प्लस वैल्यू 2 और उसमें से आपको सबट्रैक्ट करना है 2,
बाद फंक्शन कैसा मिलेगा जीरो, ये टी के रिस्पेक्ट में ये हमारा फंक्शन हमने प्लॉट कर दिया x ऑफ टी, ये हमने देखा अगर टी अलग-अलग पास को देखकर देखें। अब ये चीज डायरेक्टली अगर आपको ड्रा करनी होती तो तरीके कैसे ड्रा करते हैं, टी के रिस्पेक्ट में हमने x ऑफ टी डायरेक्टली ड्रा कर सकते थे। सबसे पहले ये फंक्शन हमने देखा कहां से स्टार्ट होगा, माइनस 2 से, तो माइनस 2 से हमने चलना शुरू किया। यू ऑफ टी बस मतलब नेगेटिव कितना होगा फंक्शन का 1। अब ये फंक्शन कहां रहा है, टी इक्वल्स टू 0 पर, कितने का स्टेप है सर माइनस 2, तो पहले 1 की वैल्यू और उसमें से अगर हम माइनस 2 ऐड करेंगे उसमें तो 1 माइनस 2 हमारी वैल्यू 0 पर आकर कितनी हो जाएगी माइनस 1। यहां पर आकर वैल्यू कितनी हो गई माइनस 1, पहले वैल्यू कितनी थी 1, उसमें टी स्टेप का हमने चेंज किया, टी स्टेप डिक्रीज हुई तो वैल्यू हो गई माइनस 1। तो अब ये माइनस 1 वैल्यू चलती रहेगी तब तक जब तक अगला स्टेप आने वाला है, अगला स्टेप कहां पर आएगा टी इक्वल्स टू 2 पर, उस स्टेप का नेगेटिव कितना है प्लस 1, तो टी इक्वल्स टू 2 पर अगर हमने इसमें प्लस 1 ऐड कर दिया तो माइनस 1 और प्लस 1 हमारी वैल्यू हो गई 0, ये टी इक्वल्स टू 2 का पॉइंट है। इसके बाद हमारा फंक्शन कांस्टेंट है, इसमें और कुछ ऐड करेगा तो हमें वैल्यू मिलेगी माइनस 1 से लेकर मतलब 1 और माइनस 1 वैल्यू होगी माइनस 2 से लेकर 2 तक प्रेजेंट होगा सिग्नल, मतलब ऑप्शन बी हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, यहां क्वेश्चन पूछा गया आपसे कि रैंप फंक्शन कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम द यूनिट इंपल्स एट t 0 बाय, तो देखिए आपको रैंप फंक्शन स्टेप फंक्शन इंपल्स फंक्शन के बीच का हमने रिलेशन दिखा था कि अगर आप d / dt ऑफ r ऑफ t करते हैं, मतलब अगर आप रैंप फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे तो आपको स्टेप फंक्शन मिलेगा u t।